और आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी का मास्टर वीडियो यहाँ पर पढ़ेंगे, जहाँ पर हिंदी का लगभग आपको 75% आज की इस वीडियो में कंप्लीट होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है तो देख सकते हैं यहाँ पर रजनी ये रात्रि का होता है, विभावरी भी होता है और आपका निस भी होता है, लेकिन समीर पर्यायवाची ये नहीं होता है। समीर होता किसका पर्यायवाची है तो याद रखिएगा समीर पर्यायवाची होता है आपके पवन, वायु, अनिल, मारुत। ठीक है, तो समीर की भी पर्यायवाची आपको रट जाएंगी, पवन, वायु, अनिल, मारुत, ये होती है आपके समीर की पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द, मृगेंद्र का पर्यायवाची और आपको आंसर याद दिख चुका है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है आपका क्या, यहाँ पर शार्दुल होता है। क्या होता है? शार्दुल। अब शार्दुल के भी आपके पर्यायवाची होते हैं जैसे सिंह, व्याघ्र, केसरी, मृगपति। ठीक है, ये होते हैं आपके शार्दुल के पर्यायवाची, अर्थात सिंह, व्याघ्र, केसरी, मृगपति, ये होते हैं आपके शार्दुल के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र का पर्यायवाची नहीं है। क्षेत्र का पर्यायवाची नहीं है तो यहां पर देखते हैं आपका राक्षस, दानव, निशाचर तो ये एक है लेकिन आपको सी नंबर ये आपको अलग दिख रहा है, भूसुर, भूसुर ये पर्यायवाची क्षेत्र का नहीं है। ये होता है भूसुर पर्यायवाची जो होती है वो आपके ब्राह्मण का होता है और ब्राह्मण के भी और भी पर्यायवाची होते हैं, ब्राह्मण, द्विज, महीदेव। ठीक है, ये पर्यायवाची होते हैं आपके भूसुर के। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूख का पर्यायवाची शब्द बताइए। रूख का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है और रूख का पर्यायवाची यहां पर आपका सही हो जाएगा विटप। क्या हो जाएगा? विटप। विटप की पर्यायवाची तो आप जानते ही हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट यहां पर ए हो जाएगा, विटप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है तो देख सकते हैं ब्रह्मा का पर्यायवाची यहां पर कमलासन तो नहीं होगा, चतुरानन, हाँ चतुर्भुज, यहां पर चतुर्मुख दिया और चतुर्भुज। तो देखिए यहां पर ब्रह्मा का पर्यायवाची कमलासन होता है, चतुरानन होता है, चतुर्भुज, चतुर्मुख होता है, लेकिन चतुर्भुज नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, चतुर्भुज। ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं होता है, ये होता है आपके विष्णु का पर्यायवाची। ठीक है, चतुर्भुज इसका पर्यायवाची होता है, विष्णु का पर्यायवाची, और इसके पर्यायवाची होते हैं हरि, लक्ष्मीपति, ये पर्यायवाची आपके चतुर्भुज की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, सिक्स नंबर। तो देखो घोड़ा का पर्यायवाची आपका वाजी होता है, तुरंग होता है और है होता है, लेकिन शार्दुल नहीं होता है, शार्दुल नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहां पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहां पर सी नंबर, शार्दुल। ठीक है, समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द, मीनाक्षी पर्यायवाची शब्द किसका है। मीनाक्षी पर्यायवाची शब्द होता है आपके दुर्गा जी का, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, दुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। नाग का पर्यायवाची नहीं है तो देखो नाग का पर्यायवाची सर्प होता है, आई होता है, विषधर होता है, लेकिन तुरंग नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है? तुरंग नहीं होता है। और तुरंग होता है आपके किसका, आपके घोड़ा का होता है। ठीक है, तुरंग होता है घोड़ा का, है अश्व, ये आपको होता है घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है तो देखिए भ्रमर का पर्यायवाची की अगर बात करें तो सलभ होता है, चलरीक होता है, मिलिंद होता है, लेकिन सिलीमुख नहीं होता है, सिलीमुख नहीं होता है। तो बात आती है सिलीमुख किसका पर्यायवाची है, याद रखिए ये होता है बाण का पर्यायवाची। बाण के और भी पर्यायवाची होते हैं, बाण, तीर, सर, ये पर्यायवाची आपके सिलीमुख के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, सिलीमुख, ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। अगला है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, दस नंबर। तो यहां पर इंद्र का पर्यायवाची अगर बात करें कि इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर होता है, शक्र होता है और मधवा होता है, लेकिन गणाधिप नहीं होता है, गणाधिप नहीं होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गणाधिप, ये आपका कह सकते हैं इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अगला है आपका हृदय गर्भ का पर्यायवाची शब्द, हृदय गर्भ का पर्यायवाची शब्द पूछा है तो हृदय गर्भ का पर्यायवाची होता है आपका ब्रह्मा। ठीक है, क्या होता है आपका ब्रह्मा होता है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। दास का पर्यायवाची नहीं है, देख लीजिए यहां पर, और 12 नंबर में देख सकते हैं दास का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात यहां पर देखिए अनुचर होता है, भृत्य होता है और सेवक होता है, लेकिन परिकर, परिकर दास का पर्यायवाची नहीं होता है। परिकर का अर्थ होता है घर के लोग या कह सकते हैं परिवार के लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका बी, ये दास का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, घर के लोग क्या दास होते हैं, नहीं होते ना, तो इस प्रकार से डिफरेंस कौन है आपका, तो बी नंबर है। अगला है सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताना है। सूर्य का पर्यायवाची, और सूर्य का पर्यायवाची आप लोग जानते ही होंगे, यहां पर जो मार्तंड है ऑप्शन आपका बी, ये सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद का पर्यायवाची नहीं है तो अरविंद का पर्यायवाची देखिए पंकज होता है, जलज और अंबुज, यहां पर अरविंद का पर्यायवाची नहीं है कौन, ए नंबर मिलिंद नहीं है, मिलिंद। ठीक है, मिलिंद जो होता है वो भौरा का होता है। ठीक है, मिलिंद पर्यायवाची किसका होता है, भौरा का होता है, भौरा के और भी होते हैं, भौरा, अली, भ्रमर,
भावरा ये होते हैं आपके मिलिंद के पर्यायवाची। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। तो पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है भाई, समानार्थी शब्द होता है। क्या होता है? समानार्थी शब्द होता है। ऑप्शन राइट आपका यहां पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यमुना का पर्यायवाची। आप वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं वाकई में आपको पर्यायवाची संबंधित समस्याएं आपकी खत्म हो गई हैं। और फिर भी अगर आपको समझ में एक बार में पूरी नहीं रटती है तो दोबारा वीडियो देखिएगा, दोबारा को आप पहले ही जवाब देते चले जाएंगे। यमुना का पर्यायवाची पूछा गया है और यमुना का पर्यायवाची यहां पर सही हो जाएगा आपका डी नंबर, कालिंदी होता है। हमेशा से पूछा जाता है आपका यमुना का पर्यायवाची, तो यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा कालिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है। निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है। देखिए निषिद्ध का पर्यायवाची होता है निषिद्ध मतलब रात्रि, रजनी, निशा, ये तीन है। लेकिन तम, तम जो है ये निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं होता है। तम मतलब होता है क्या? तम मतलब होता है अंधकार। ठीक है, तो तम के पर्यायवाची क्या हो गए? अंधकार, तिमिर, अंधेरा। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके तम। ठीक है, तम किसका है? अंधकार का है। अंधकार, तिमिर, अंधेरा, ये होते हैं आपके तम में। तो इस प्रकार से निषिद्ध का पर्यायवाची कौन नहीं है? तम नहीं है। अगला क्वेश्चन है जंगल शब्द का पर्यायवाची। जंगल शब्द का पर्यायवाची पूछा है और 18 क्वेश्चन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा। जंगल का पर्यायवाची होता है कांतार। क्या होता है? सी नंबर आपका हो जाएगा कांतार। और भी पर्यायवाची होती है जंगल के, जैसे अरण्य, विपिन, वन, ये होते हैं जंगल के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताइए। क्रोध शब्द का पर्यायवाची, और याद रखिए क्रोध शब्द का पर्यायवाची होता है अमर्ष। क्या होता है? अमर्ष होता है। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, अमर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची यहां पर आपका नहीं है कौन? तो देखो बिजली में आपका दामनी भी होता है, चंचला भी होता है, ताड़ित भी होता है, तड़ित भी होता है, लेकिन वितुंडा नहीं होता है। यहां पर जो ऑप्शन है आपका ए नंबर हो जाएगा, बिजली वितुंडा का पर्यायवाची नहीं है। तो वितुंडा है क्या? वितुंडा जो पर्यायवाची होता है वो गज का होता है। गज, हस्ती, ठीक है, और कुंभी, ये जो आपके होते हैं आपके इसके होते हैं गज, हस्ती, मतंग, कुंभी, ये होते हैं वितुंडा के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राची का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्राची, प्राची का पर्यायवाची पूछा है और प्राची का पर्यायवाची जो शब्द होता है वो पूर्व होता है। याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। अगला है तरंग शब्द का पर्यायवाची है तरंग। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? तरंग होता है ऊर्म का पर्यायवाची। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तरंग पर्यायवाची किसका होता है? ऊर्म का होता है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है। यहां पर आपको जवाब देना है सरिता का पर्यायवाची नहीं है, और यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, त्रिपथगा। याद रखिए तटनी, निम्ना और तरंगी की, तरंगी री, ये जो है वो सरिता का तो पर्यायवाची है, लेकिन त्रिपथगा ये सरिता का पर्यायवाची नहीं है। बात आती है त्रिपथगा है पर्यायवाची किसकी? तो त्रिपथगा के पर्यायवाची होती है अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, ये होते हैं त्रिपथगा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। देख लीजिए कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो 24 का ऑप्शन राइट यहां पर राजीव, कुलय, अंबुज, ये होते हैं कमल के पर्यायवाची। क्या होते हैं कमल के? राजीव, कुलय, अंबुज, ये होते हैं, लेकिन जलद ये पर्यायवाची कमल का नहीं है। जलद पर्यायवाची होता है किसके? आपके बादल। ठीक है, बादल, पयोधर, मेघ, नीरद, ये होते हैं जलद के पर्यायवाची। ठीक है, क्या होंगे? बादल, पयोधर, मेघ, नीरद, ये पर्यायवाची आपके जलद के होते हैं। अगला इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, और देवता का जो पर्याय है वो आपका कौन सा है यहां पर? तो देवता का पर्याय आपका है वो आपका है विबुध। ठीक है, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा विबुध। विबुध मतलब देव, सुर, अमर, आदित्य, ये होते हैं आपके देवता का पर्याय। ठीक है, देव, सुर, अमर, आदित्य, ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बगीचा का पर्यायवाची यहां पर आपसे पूछा गया है, और बगीचा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? याद रखिए बगीचा का पर्यायवाची होता है आराम। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आराम हो जाएगा। विडौजा पर्यायवाची शब्द है किसका है? तो याद रखिए विडौजा जो पर्यायवाची है ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची। जीव का पर्याय पूछा है, जीव का पर्याय, और जीव का पर्याय क्या हो जाएगा भाई? यहां पर जीव का सही जवाब हो जाएगा आपका रसना। ठीक है, क्या हो जाएगा? रसना। ऑप्शन राइट आपका यहां पर डी हो जाएगा, रसना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो यहां पर अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो अहि का पर्यायवाची उरग होता है, पौनास होता है, और सिंधुर होता है, लेकिन सरीसृप नहीं होता है। ऑप्शन आपका बी, अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरीसृप नहीं है। अगला है नैसर्गिक का पर्यायवाची है। नैसर्गिक का पर्याय प्राकृतिक होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्राकृतिक, या कह सकते हैं स्वाभाविक। ठीक है, प्राकृतिक या स्वाभाविक, ये अपन नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हाथ का पर्यायवाची नहीं है, 32 नंबर।
और हाथ का पर्यायवाची देख सकते हैं, हंस तो होता है, पहाड़ी होता है, कर होता है, लेकिन कटी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कटी नहीं होता है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कटी। कटी जो होता है ये पर्यायवाची होता है किसकी? ये होती है कमर। किसकी होती है? कमर। कमर और कह सकते हैं लेग या श्रोणी। तो इस प्रकार से ये नंबर ये आपका होता है किसका? आपकी कमर का होता है। कट मतलब कमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। चलिए 33 का जवाब। और सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए प्रभाकर होता है, दिनकर होता है, दिनेश होता है, लेकिन विभाकर नहीं होता है। विभाकर, विभाकर मतलब ये होता है चंद्रमा का। विभाकर किसका होता है? चंद्रमा का। चंद्रमा, चांद, हिमांशु ये होते हैं आपके इसके। अगला है मार शब्द पर्यायवाची है। मार शब्द जो पर्यायवाची है ये किसका है? मार शब्द पर्यायवाची ये जो आपका है, मार शब्द पर्यायवाची है, तो देखिए मार शब्द पर्यायवाची है 34 क्वेश्चन आपका हो जाएगा डी नंबर अनंग। अनंग, अनंग अर्थ होता है आकृतिहीन, ये कह सकते हैं देह रहित। ठीक है, तो ये आपका पर्यायवाची होता है अनंग होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है, और रसा का पर्यायवाची यहां पर आपका क्या हो जाएगा भाई? सही जवाब 35 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहां पर। देखिए रत्नगर्भा, अचला, धारित्री, डी नंबर आपका हो जाएगा तमिश्रा। 35 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहां पर, तमिश्रा हो जाएगा, तमिश्रा। ठीक है, तमिश्रा इसके और भी होते हैं, जैसे आपका मधु, शहद, कुसमासव, ये होते हैं तमिश्रा के। ठीक है, रसा के तमिश्रा मतलब जो है इसके आपको क्या होते हैं? मधु, शहद, कुसमासव, ये होते हैं। अगला है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। मृगेंद्र का पर्यायवाची, और मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है आपका केसरी होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा केसरी। ठीक है, केसरी होता है, याद रखिए केसरी ये और भी पर्यायवाची होते हैं, सिंह, व्याघ्र, ललित, केसरी, हरि, ये सब आपके पर्यायवाची आपके केसरी के अंतर्गत आते हैं। अगला है खट पद या षट पद का पर्यायवाची शब्द। षट पद का पर्यायवाची क्या होता है? भ्रमर होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बी नंबर हो जाएगा भ्रमर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची नहीं है आपका कौन सा? और यहां पर सही जवाब हो जाएगा 38 का ऑप्शन राइट आपका डी नंबर, जलोदरी। ठीक है, जलोदरी ये मछली का पर्यायवाची नहीं होता है। मछली के पर्यायवाची मत्स्य, मीन, सफरी ये होते हैं, लेकिन जलोदरी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची आपने काफी बार पढ़ा होगा, पयोधि, जलधि, वारिध, देखो सब में धा 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 है। यहां पर जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है वो आपका जलद, जलद होता है बादल का। ठीक है, जलद के पर्यायवाची बादल, पयोधर, मेघ, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव का पर्यायवाची याद रखिए, शिव का पर्यायवाची होता है रुद्र। क्या होता है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा रुद्र होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से लहर का पर्यायवाची नहीं है। लहर का पर्यायवाची नहीं है, देखो लहर का पर्यायवाची बीच होता है, तरंग होता है, और हिलोर होता है, लेकिन दुकूल नहीं होता है। ठीक है, दुकूल नहीं होता है। दुकूल मतलब होता है दुपट्टा, वस्त्र। ठीक है, ये चीज आपको होते हैं वसन, ये सब होते हैं दुकुल। दुकुल मतलब वस्त्र, दुपट्टा, वसन, ये सब होते हैं दुकुल के पर्यायवाची। लहर के पर्यायवाची बीच, तरंग और हिलोर होता है। अगला क्वेश्चन है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, तो 42 नंबर आपका चांदनी का पर्यायवाची देखो चंद्रतप, कौमदी, ज्योत्स्ना होता है, लेकिन मयंक होता है, ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो सरस्वती का पर्यायवाची आपका वीणा, पाणी, महाश्वेता, भारती, ये सरस्वती का पर्यायवाची होते हैं, लेकिन पद्मा ये आपके सरस्वती का पर्याय नहीं है, सी नंबर। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन इसका पर्यायवाची है, तो याद रखिए जनार्दन होता है आपके विष्णु का पर्यायवाची। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? हंस का पर्यायवाची है 45 नंबर, तो हंस का पर्यायवाची जो आपका है या होता है वो आपको होता है मराल। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मराल हो जाएगा। मराल या कह सकते हैं इसका एक और पर्यायवाची होता है मुक्त भुग, ये होता है इसका पर्यायवाची। ठीक है, हंस के देखो हंस का पर्यायवाची मराल हो गया, और एक होता है मुक्त भुग। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, अलंकोश पर्यायवाची शब्द है। अलंकोश पर्यायवाची शब्द है, तो अलंकोश जो पर्यायवाची है वो कुबेर का है। किसका है? कुबेर का है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कुबेर हो जाएगा। अगला है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, देख सकते हैं सूर्य का पर्यायवाची आपका रवि होता है, भास्कर होता है, ठीक है, हंस होता है, लेकिन सारंग नहीं होता है। सारंग पर्यायवाची होता है जो कि भुज, मृग, नाग, इसका होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची देखो जलद, नीरद, मेघ, लेकिन वारिध नहीं होता है। अभी हमने बताया था वारिध नहीं होता है, वारिध होता है किसका? समुद्र का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तर्कस का पर्यायवाची शब्द बताइए। तर्कस का पर्यायवाची, और याद रखिए तर्कस का पर्यायवाची जो होता है वो आपका होता है निसंग होता है। क्या होता है? निसंग। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा।
स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं। बसंत के चार पर्याय दिए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? बसंत। और यहां पर ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास ये तो है, लेकिन कांतार ये नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कांतार। ठीक है, सरस्वती के चार पर्याय दिए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? देखते हैं, भारती, शारदा, भामा और वागीश्वरी। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर भामा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये सरस्वती का पर्याय नहीं है, सी नंबर। अगला है महाश्वेता, किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता इसका पर्यायवाची है, याद रखिए महाश्वेता, अभी हमने बताया था कि ये सरस्वती का पर्यायवाची है, ऑप्शन राइट आपका यहां पर बी हो जाएगा, सरस्वती। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो मोर का पर्यायवाची होता है कलापी। क्या होता है? पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा कलापी होता है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कलापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, दामिनी का पर्यायवाची, और दामिनी का पर्यायवाची शब्द यहां पर आपका हो जाएगा विद्युत, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। अभी हमने बताया कि लगभग क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे और आंसर आपको बार बार समझ में आ जाएगा और रट जाएंगे। सारंग का पर्यायवाची शब्द है, सारंग का पर्यायवाची शब्द है, सारंग का पर्यायवाची आपका ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, ऑप्शन सी हो जाएगा मोर। अगला है पिसुन का पर्यायवाची शब्द, पिसुन का पर्यायवाची, और पिसुन का पर्यायवाची होता है चुगुलखोर। क्या होता है? चुगुलखोर होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चुगुलखोर। केतु का पर्यायवाची शब्द, केतु का पर्यायवाची, केतु पताका सुना है ना, तो केतु का पर्यायवाची शब्द होता है झंडा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, झंडा हो जाएगा। अगला है मरकट का पर्यायवाची शब्द बताइए, मरकट का पर्यायवाची, और मरकट का पर्यायवाची शब्द होता है जो कि आपका बंदर होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द, कुसुमेशु का पर्यायवाची, कुसुमेशु का पर्यायवाची क्या होता है? याद रखिएगा कामदेव होता है। क्या होता है? कामदेव होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कामदेव। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछा है, फटाफट जवाब दीजिए, चंद्रमा का पर्यायवाची, और जितने लोग हैं सभी लोग वीडियो लाइक करिएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची, तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है क्या? ससी होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ससी हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, कमल का पर्यायवाची, और कमल का पर्यायवाची क्या होता है? अंबुज होता है, अंबुज होता है, ठीक है, अंबुज, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अंबुज। गणेश का पर्यायवाची शब्द पूछा है, गणेश का पर्यायवाची, और गणेश का पर्यायवाची क्या होता है? बिल्कुल ईजी है, गजानन होता है, सी नंबर, गजानन। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं शब्द पूछ लिया है, दांत का पर्यायवाची नहीं है। तो दांत का पर्यायवाची देख सकते हैं दंत, रदन और दसन, ये तो है, लेकिन दारिम, दारिम ये पर्यायवाची आपके दांत का नहीं है। दारिम, दारिम का मतलब होता है अनार, ठीक है, दारिम किसका पर्यायवाची है? अनार का है, अनार, राम बीज, सुखपिय, ठीक है, ये होता है आपका दारिम, दारिम मतलब अनार, राम बीज, ये होते हैं, ठीक है। अगला है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घोड़ा का पर्यायवाची आपका नहीं है, आपका 65 नंबर। तो घोड़ा में आपका अश्व होता है, घोटक होता है, हय होता है, लेकिन कटक नहीं होता है। कटक पर्यायवाची होती है किसकी? तो कटक पर्यायवाची होती है फौज की, ठीक है, फौज नाम सुना है ना, तो कटक मतलब फौज हो गया, चतुरंगड़ी हो गया, सेना हो गया, पलटन हो गया, ये होता है आपके कटक के। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 66 नंबर। और यहां पर आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है, 66 का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, रसाल। रसाल ये आपके कमल का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है, रसाल मतलब कह सकते हैं आम का होता है, ठीक है, रसाल मतलब क्या हुआ? आम, मादक और आम्रफल, ये होते हैं आपके रसाल के। अगला है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तीर का पर्यायवाची होता है बाण, नाराज, सर, लेकिन तार नहीं होता है, ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा, तीर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तार नहीं है, ए नंबर। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पहाड़ का पर्यायवाची होता है पर्वत, भूधर, नग, लेकिन यहाँ पर सी नंबर, पहाड़ का पर्यायवाची शैवाल नहीं होता है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए दिन का जो पर्यायवाची होता है दिवस होता है, वार होता है, वासर होता है, लेकिन दिन नहीं होता है, ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अनुचर का पर्याय होता है भृत्य, चाकर, सेवक, लेकिन निर्झर नहीं होता है, 70 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, निर्झर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द है, वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द, और वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? सही जवाब है सरस्वती, ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है कंचन का पर्यायवाची शब्द, कंचन का पर्यायवाची शब्द, कंचन का पर्याय क्या होता है आपका? कनक होता है, याद रखिएगा कंचन का पर्यायवाची शब्द होता है कनक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कंचन का पर्यायवाची क्या होता है? कनक होता है। अगला है केदार का पर्यायवाची शब्द बताइए, केदार, और केदार किसे कहते हैं? आपके भगवान विष्णु अर्थात ऑप्शन राइट आपका भगवान शंकर अर्थात आपके महेश को बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, केदार का पर्यायवाची शब्द क्या है? महेश, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द पूछा है, घर का पर्यायवाची, और घर का पर्यायवाची क्या होता है? निकेतन, गेर है ना, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, निकेतन। अगला है भवन का पर्यायवाची शब्द बताइए, भवन का पर्यायवाची, और भवन का पर्यायवाची शब्द होता है घर होता है, क्या होता है? घर होता है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, घर। अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द, कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? कमल का पर्यायवाची होता है पुंडरीक, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पुंडरीक होता है, डी नंबर। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची, और इंद्र का पर्यायवाची होता है आपका मधवा,
ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? मधवा होता है, मधवा। ठीक है, अगला है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द होता है। भागीरथी का पर्यायवाची, भागीरथी का पर्यायवाची क्या होता है आपका? पढ़ता है कि आप गंगा को भागीरथी भी कहती है, क्योंकि गंगा को लाने का श्रेय भागीरथ को ही जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भागीरथी या गंगा। अगला है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है कौन? देखो सरस्वती का पर्याय क्या होता है आपका? शारदा होता है, वाणी भी होता है और वीणा पाणी भी होता है, लेकिन कमला नहीं होता है। कमला पर्यायवाची जो है वो रमा, लक्ष्मी, लोकमाता, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, ये होते हैं कमला के पर्यायवाची। ठीक है, रमा, लक्ष्मी, लोकमाता, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, ये होते हैं कमला के पर्यायवाची। अगला है रक्त का पर्यायवाची नहीं है। रक्त का पर्यायवाची नहीं है तो रक्त का पर्यायवाची खून होता है, रुधिर होता है, शोषित होता है, लेकिन कासर नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कासरी। अगला है पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो पवन का पर्यायवाची वात, वायु, समीर होता है, लेकिन अनल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विनम्र को जगह अनल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का पर्यायवाची शब्द बताइए। आकाश का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है और आकाश का सही पर्यायवाची क्या बन जाएगा आपका? तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी, व्योम होता है। अगला है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखिए हम फुल टेस्ट जरूर लगाते हैं, लेकिन हर एक टॉपिक को भी कंप्लीट करा देते हैं, फुल टेस्ट भी लगाते हैं, कंबाइंड टेस्ट लगाते हैं, आपको आपकी जो हिंदी है वो मजबूत हो जाए, यही हमारा फर्ज है और आप लोगों का भी फर्ज है कि हमें भी मोटिवेट करते रहिए और हमारा जो फर्ज है वो तो आपके साथ पूरा ही कर रहे हैं। ठीक है, तो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका कौन सा? तो यहाँ पर देखिए फूल का पर्यायवाची सुमन होता है, कुसुम होता है, पुष्प होता है, लेकिन तनुजा नहीं होता है। यहाँ पर तनुजा किसका पर्यायवाची होता है? याद रखिए तनुजा होता है नंदिनी, बेटी, सुता, पुत्री, ये होता है आपका तनुजा का पर्यायवाची। क्या होता है? नंदिनी, सुता, बेटी, पुत्री, ये होता है आपका तनुजा का। अगला है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। तो भिन्न अर्थ यहाँ पर देखिए भास्कर, रवि, दिवाकर दिया, लेकिन सुधाकर, सुधाकर ये आप कह सकते हैं आपका भिन्न है। सुधाकर मतलब होता है चंद्रमा, शशांक, शशि, राकेश। ठीक है, तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची आपका दिया गया है सुधाकर। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। उषा, दिन, प्रभात और सवेरा, चारों में आपको डिफरेंस मिल रहा है और कौन सा? दिन। ठीक है, देखिए उषा, प्रभात, सवेरा एक सेम है, लेकिन दिन ये आपका अलग हो जाएगा, बी नंबर। आडंबर का समानार्थी शब्द पूछा है, तो आडंबर बोलते हैं आडंबर क्या रचना है, ढोंग रखना है ना, ढोंग, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ढोंग हो जाएगा। अगला है कपाल का समानार्थी शब्द बताइए। कपाल का समानार्थी, और कपाल का समानार्थी होता है आपका माथा। क्या होता है भाई? माथा होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कपाल का समानार्थी माथा। अगला है छंद का समानार्थी शब्द बताइए। छंद का समानार्थी, छंद का समानार्थी जो आपका बनता है पद बनता है। क्या बनता है? पद बनता है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, पद। सूर्य का अपर्यायवाची शब्द बताइए। सूर्य का अपर्यायवाची, दिन का दिवाकर, सूर्य तो है लेकिन महेंद्र नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नागर का पर्यायवाची शब्द बताइए। नागर का पर्यायवाची, और नागर का पर्यायवाची यहाँ पर होता है नगरवासी। नागर का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? नगरवासी होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची व्योम, नव, अनंत होता है, लेकिन अंबक नहीं होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अंबक। तो अंबक किसका पर्यायवाची होता है? अंबक होता है आंखें, लोचन, नेत्र, ये होता है आपके अंबक का। अगला है दिव्य शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। दिव्य, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है 92 में, और यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, तुरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंग हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। देख सकते हैं मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र, ये एक है, लेकिन तुरंग आपका घोड़ा का होता है, इसलिए भिन्न अर्थ आपका है ए नंबर। अगला है अंधकार का पर्यायवाची शब्द बताइए। अंधकार का पर्यायवाची, और अंधकार का पर्यायवाची होता है तिमिर। क्या होता है? हमने आपको बताया था तिमिर, अंधियारा, है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निधन का पर्यायवाची शब्द बताइए। निधन का पर्यायवाची शब्द पूछा है, और निधन का पर्यायवाची शब्द आपका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा देहावसान, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, देहावसान हो जाएगा। ठीक है, देहावसान हो जाएगा बी नंबर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? किरण का पर्यायवाची नहीं है, तो किरण का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा है अंशुरश्मि और मयूख, लेकिन प्रकाश ये किरण का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द जो दिया है नियति, नियति का समानार्थी आपका होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, भाग्य। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, ये कुबेर का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा कुबेर का पर्यायवाची होता है अलंकेश। अगला है कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, और बादल का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर वारिध, वारिध, वारिध होता है, धा होता है, बताया था समुद्र, ठीक है, सागर, ये होता है आपका वारिध में। अगला क्वेश्चन है असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो असुर का धनुष, दानव, दैत्य होता है, लेकिन यक्ष नहीं होता है। यक्ष मतलब होता है जादू की शक्ति, यक्ष मतलब होता है जादू की शक्ति। अगला है आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अमृत फल, आम्र और रसाल तो होते हैं, लेकिन पिक नहीं होता है, याद रखिए पिक किसका होता है? तो पिक मतलब होता है कोयल, यह सारिका, वसंत, दूध, वन प्रिया। ठीक है, पिक के पर्यायवाची क्या हुए? कोयल, सारिका, वसंत, दूध, वन प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द, अनुपम का पर्यायवाची शब्द पूछा है,
और यहाँ पर 181 सही जवाब हो जाएगा। अनुपम मतलब होता है अद्वितीय होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अद्वितीय होता है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हनुमान का पर्यायवाची पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुत तो होता है लेकिन विनायक नहीं होता है, विनायक विनायक होता है एकदंत, गजानन, गौरी नंदन, गण। यहाँ पर कह रहा है स्थावर का विलोम, यहाँ पर पहला पॉइंट आता है कि स्थावर का मतलब क्या होता है। अगर आप मतलब समझ गए तो आप विलोम शब्द आप जरूर समझ जाएंगे। स्थावर का मतलब होता है स्थिर या जो चल ना सकता हो, स्थिर या जो चल ना सकता हो उसे हम लोग बोलते हैं स्थावर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हुआ इसका जो विलोम बनेगा जंगम, अर्थात स्थिर नहीं वो चल सकने वाला हो, ठीक है, गतिशील हो, तो स्थावर का विलोम होता है जंगम, ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन आपका है ग्रस्त का विपरीत, ग्रस्त का विपरीत, और ग्रस्त का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर देखो ग्रस्त का विपरीत हो जाएगा मुक्त, क्या हो जाएगा यहाँ पर मुक्त हो जाएगा, अर्थात उसे बिल्कुल मुक्त हो चुका है, ठीक है, ग्रस्त मतलब कह सकते हैं बिजी है और इसके बाद मुक्त मतलब बिल्कुल से फ्रीडम अर्थात फ्री हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है मुख का विलोम, मुख का विलोम, मुख का विलोम मतलब बहुत कम बोलता हो है, और यहाँ पर जो मुख का विलोम हो जाएगा वाचार जो बहुत ज्यादा बोलता हो, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा वाचार हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है स्पर्श का विलोम बताइए, स्पर्श का विलोम बताना है, तो बस यहाँ पर आपको आ लगा देना है और सीधा सीधा आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है, जो दिख रहा है जो ना दिख रहा हो, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग का विलोम शब्द बताइए, अग का विलोम, अग का विलोम क्या होगा, विज्ञ हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, अग का विलोम क्या होता है, विज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है गौरव का विलोम बताइए, गौरव का विलोम, गौरव का विलोम, गौरव, गौरव मतलब बहुत ऊंचा होना है ना, किसी चीज बोले गौरव तो उसको लाघव आता है बिल्कुल छोटा, तो यहाँ पर गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो चुकी है और थोड़ा ही बच्चे हैं जो नए हैं उनके यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन किताबों का सहारा लीजिए, पक्का यहाँ पर आप लोग भी तोते जैसे बोलेंगे, अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो जिस प्रकार से तोता बोलने लगता है कुछ दिनों में आप लोग भी बोलने लगेंगे, ठीक है। चलिए सृष्टि का विलोम बताइए, सृष्टि का विलोम, और सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय, क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो चीज आप जानते हैं उस पर हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं बोलेंगे। अगला इप्सित का विलोम, इप्सित का विलोम, इप्सित का विलोम होता है अनिप्सित, ठीक है, अन लगा दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा अनिप्सित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साहचर्य का विलोम, साहचर बिल्कुल पास पास आना, और साहचर्य में चार दोस्त होते हैं बिल्कुल पास में होते हैं ना, तो इसका हो जाएगा अलगाव, ठीक है, जब फूट पड़ती है तो दोस्त बहुत दूर होते हैं, तो साहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर अलगाव हो जाएगा, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा अलगाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विराट का विलोम, विराट बोलते हैं विराट रूप है इनका, तो बिल्कुल क्षुब्ध रूप हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विराट का विलोम हो जाएगा आपका डी नंबर क्षुब्ध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आहूत का विलोम बताइए, आहूत का विलोम, आहूत का विलोम हो जाएगा अनाहूत, ठीक है, आहूत मतलब बुलाना, ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी अनाहूत हो जाएगा डी नंबर। अगला है अर्थ का विलोम बताइए, अर्थ का विलोम, तो अर्थ का अनर्थ होता है, ठीक है, अर्थ का क्या होता है अनर्थ होता है, तो यहाँ पर भाई कोई आपका ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको कह सकते हैं अर्थ का यहाँ पर लिख लीजिएगा अनर्थ होता है, ठीक है, अर्थ का अनर्थ होता है, यहाँ पर आपका सी दिया जो कि आपका गलत दिया गया है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि पहले पढ़ लीजिए फिर पीडीएफ का सहारा लीजिए, ठीक है, तो अर्थ का विलोम क्या होता है अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला है वादी का विलोम बताइए, वादी का विलोम, वादी मतलब होता है वक्ता, वादी मतलब क्या होता है वक्ता, तो इसका जो विलोम बनेगा वो आपका हो जाएगा प्रतिवादी, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रतिवादी, उसका जवाब देने वाला, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला है अवर का विलोम बताइए, अवर का विलोम, अवर का विलोम होता है प्रवर, क्या होता है भाई प्रवर होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, फटाफट आंसर देते चलिएगा। जटिल का विलोम बताइए, जटिल का विलोम, और जटिल का क्या विलोम होता है सरल हो जाएगा, ठीक है, जटिल का विलोम सरल हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है, तो आयात का निर्यात होता है, दृश्य का दृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, और आमिष का होता है भाई निरामिष होता है, आमिष का क्या होता है निरामिष होता है, याद रखिएगा आमिष का क्या होता है निरामिष होता है, समिष नहीं होता है, तो आमिष का निरामिष, तो इस प्रकार से कौन सा युग्म गलत है, डी नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया बहिरंग का विलोम, बहिरंग, और बहिरंग का विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन, यहाँ पर आपका सही है बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग, क्या हो जाएगा अंतरंग, ठीक है, ऑप्शन आपका पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि ग्रस्त का विलोम शब्द बताइए, ग्रस्त का विलोम, ग्रस्त का विलोम आपसे पूछा है, और ग्रस्त का विलोम क्या होता है, देखो ग्रस्त अभी हमने बताया था कि मतलब बिल्कुल बिजी हो जाए है ना, तो उसका हो जाए मुक्त हो जाना, ठीक है, फ्री हो जाना अर्थात मुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है तिमिर का, और तिमिर शब्द का विलोम, तिमिर मतलब होता है अंधकार या अंधियारा, तिमिर का मतलब क्या होता है अंधकार या अंधियारा, और इसका जो विलोम बनेगा आलोक अर्थात उजियारा, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, तिमिर का हो जाएगा आपका क्या आलोक हो जाएगा। अगला है उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन, उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ देना, ठीक है, उखाड़ देना, और उसका विपरीत होता है रोपण, उन्मूलन का होता है रोपण, जो कि ऑप्शन आपका सी है अर्थात लगाना, ठीक है, तो उन्मूलन का आपका हो जाएगा रोपण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से गलत युग्म शब्द बताइए, यहाँ पर दिया है प्रवेश का दिया है आपका नरेश, याद दिया भाई प्रवेश का दिया है नरेश, मुख का दिया है वाचाल, भूत का दिया है भविष्य, और पुरस्कार का दिया है तिरस्कार, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो गया गलत ए नंबर, ठीक है, गलती किसमें है ए नंबर में, प्रवेश का दिया है नवेश, बल्कि प्रवेश
अर्थात कह सकते हैं कि निकास है ना, प्रवेश मतलब होता है निकास होता है या प्रस्थान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो गलती आपके ए नंबर में हो जाएगा, ठीक है, प्रवेश का क्या हो जाएगा, निकास हो जाएगा। देखो एंट्री किया आउट हो गए, है ना, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि जंगम का विलोम। देखो जंगम का विलोम, जंगल मतलब क्या होता है, जंगम मतलब क्या होता है, जो चल सकता हो। जंगम मतलब क्या होता है, जो चल सकता हो। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, जो चलना सकता हो अर्थात स्थिर रहने वाला अर्थात स्थावर हो जाएगा। क्वेश्चन मिला था अभी। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष का विलोम बताना है। उत्कर्ष का विलोम, उत्कर्ष का विलोम अर्थात ऊपर खींचे जाना अर्थात जो होता है उन्नति बोल देते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा उतार अर्थात उतार मतलब हो जाएगा अपकर्ष। तो उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी का विलोम शब्द बताइए। अंतर्मुखी का विलोम, अंतर्मुखी का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बहिर्मुखी हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उपकार शब्द का विलोम बताइए। उपकार का विलोम, उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार, क्या हो जाएगा अपकार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अपकार। अगला है आविर्भाव शब्द का विलोम बताइए। आविर्भाव, आविर्भाव मतलब होता है प्रकट होना। आविर्भाव मतलब क्या होता है, प्रकट होना। तो उसका मतलब होता है अदृश्य हो जाना। अगर इसका विपरीत अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, जो अदृश्य हो जाए। अदृश्य मतलब होता है तिरोभाव। तो याद रखिए आविर्भाव क्या होता है, तिरोभाव, ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा तिरोभाव। तो आविर्भाव का मतलब क्या हुआ, प्रकट होना, और तिरोभाव मतलब हो जाएगा अदृश्य हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उक्त शब्द का विलोम। उक्त का विलोम पूछा है। उक्त का, उक्त मतलब होता है कहा हुआ या कथित। उक्त का मतलब क्या होता है, कहा हुआ या कह सकते हैं कथित। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अकथित। अकथित मतलब हो जाएगा अनुक्त। तो उक्त का हो जाएगा अनुक्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निर्दय शब्द का विलोम बताइए। निर्दय मतलब दयाहीन, जिस जो निष्ठुर कहा जाता है, जिसे कठोर कहा जाता है ना, जो बोलते हैं उसके हृदय में कठोरता ही नहीं है, दया ही नहीं है, निष्ठुर है वो। तो निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा आपका, तो सदय हो जाएगा। सदय, ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा, सदय। अगर प्रत्यक्ष शब्द का विलोम बताइए। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम पूछा है, और प्रत्यक्ष का विलोम क्या बनेगा भाई, प्रत्यक्ष का विलोम बनेगा आपका परोक्ष बनेगा, ठीक है, परोक्ष बनेगा। प्रत्यक्ष जो सामने दिख रहा है, परोक्ष मतलब जो सामने नहीं हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्य शब्द का विलोम, सामान्य, और सामान्य शब्द का विलोम हो जाएगा विशिष्ट, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। अगला है अमर शब्द का विलोम, अमर का विलोम। तो अमर जो अमर हो गया है उसका जो विलोम बनेगा मृत्य बनेगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मृत्य हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उन्मीलन शब्द का विलोम बताइए। उन्मीलन शब्द का विलोम, भाई वीडियो लाइक करिए, सबसे पहले वीडियो लाइक करिए। गर्मियों में देखते हैं पसीना निकलता है ना, सर्दियों में भी दिक्कतें होती हैं, सब कुछ होते हैं, पढ़ाने वाले को दिक्कतें होती हैं हर एक सीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो लाइक कर दिया करिए, हम भी थोड़े मोटिवेट रहा करें, हमें भी अच्छा लगे लगे कि आप लोग लाइक करते हैं। चलिए उन्मीलन का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई उन्मीलन, अभी हमने बताया उन्मीलन मतलब होता है खुलना, जैसे आँख खुलना होता है ना, आँख खुलना, उन्मीलन मतलब होता है खुलना, जैसे आँख। निमीलन मतलब हो जाए झपकना, है ना, तो उन्मीलन का क्या हो जाएगा, निमीलन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है अपकर्ष का विलोम। अपकर्ष का विलोम क्या हो जाएगा आपका, अपकर्ष का विलोम, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, ठीक है। चलो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, एक दूसरे का विलोम है। चलिए अगला है यथार्थ का विलोम। यथार्थ, यथार्थ का विलोम, यथार्थ का विलोम कल्पित होता है, याद रखिए अथार्थ का, यथार्थ का विलोम क्या होता है, कल्पित होता है, कल्पित, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस कारण से ये आपके यहाँ पर गलत है, याद रखिए यथार्थ का विलोम कल्पित होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो दिया है वो गलत है, यहाँ पर डायरेक्ट हमने बता दिया यथार्थ क्या होता है, कल्पित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साधु का विलोम शब्द बताइए। साधु का विलोम, साधु का विलोम होता है असाधु, क्या होता है असाधु, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम। श्री गणेश, देखो कोई कार्य करते हैं उसे बोलते हैं श्री गणेश, और काम जब समाप्त हो जाता है उसे बोलते हैं इतिश्री। तो श्री गणेश शब्द का विलोम होता है आपका इतिश्री, और इतिश्री कौन है, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है धनी का विलोम शब्द बताइए। धनी का विलोम, और धनी का विलोम क्या होता है भाई, धनी होता है एक निर्धन होता है ना, धनी हो गया एक निर्धन हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, निर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उन्मीलन शब्द का विलोम। उन्मीलन, उन्मीलन शब्द का विलोम पूछा गया भाई, और उन्मीलन अभी हमने आपको बताया भी था, है ना, उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन हो जाएगा, निमीलन अभी आपको मिला भी था, है ना। उन्मीलन मतलब होता है खुलना, जैसे आंख का, और निमीलन मतलब झपकना। अगला क्वेश्चन दिया है अधिकृत शब्द का विलोम। अधिकृत का विलोम, अधिकृत मतलब होता है अधिकार, ठीक है, अधिकार में आया हुआ, तो इसका हो जाएगा अनाधिकार, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अनाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इप्सित शब्द का विलोम। इप्सित का विलोम, इप्सित, इप्सित मतलब होता है इच्छा की गई हो, ठीक है, क्या की गई हो, इच्छा, इच्छा जाहिर की जाती ना, इप्सित मतलब होता है इच्छा की गई हो, और इसका जो विपरीत बनेगा अनिप्सित बन जाएगा, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा अनिप्सित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्वजाति का विलोम। स्वजाति, स्वजाति है मतलब एक ही जाति के, तो उसका हो जाएगा विजाति, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, विजाति हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उन्मूलन का विलोम। उन्मूलन अब बताया था उन्मूलन का रोपण, ठीक है, उन्मूलन मतलब होता है कि उखाड़ना, और रोपण मतलब लगाना, है ना, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे कि अमित शब्द का विलोम। अमित शब्द का विलोम, अब यहाँ अमित का अर्थ भी आना चाहिए, अमित मतलब होता है बेहद या कह सकते हैं अत्यंत, ठीक है, बेहद या अत्यंत। तो अमित शब्द का विलोम क्या बनेगा, इसका बनेगा अमित का बनता है परमित, क्या बनता है, परमित बनता है, सीमित भर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है अनुलोम शब्द का विलोम। अनुलोम, अनुलोम मतलब क्या होता है, आप लोग बोलते हैं ना योगा करना, योगा में बोलते हैं अनुलोम विलोम करिए, है ना, अनुलोम प्रतिलोम बोलते हैं, अर्थात जो ऊपर से नीचे की ओर आने वाला,
क्या हुआ, अनुलोम मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर आने वाला, प्रतिलोम हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला, अर्थात अनुलोम का होता है प्रतिलोम, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिश्रम का विलोम, अब ये तो बता ही सकते हो ना भाई, परिश्रम तो बता ही सकते हो, परिश्रम का विलोम, परिश्रम परिश्रम कर रहे हैं भाई, अब विश्राम कर लीजिए थोड़ा, तो क्या हो जाएगा सी नंबर विश्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथ का विलोम, अथ का विलोम, और ये अथ का मतलब क्या होता है आरंभ, अथ मतलब क्या होता है आरंभ होता है, ठीक है, अथ का मतलब आरंभ हो गया, तो इसका मतलब है कि खत्म कहां से हो जाएगा, आंसर दे दिया है आपका सी नंबर, यहां पर खत्म हो जाएगा, आरंभ का खत्म होता है, यहां पर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है कि आरंभ अर्थ मतलब होता है आरंभ और इसका इति हो जाएगा मतलब समाप्त होना, ठीक है, ये तो चालू और खत्म होना की बात हो गई ना, यहाँ पर अर्थ मतलब होता है कह सकते हैं कि आरंभ तो इसका समाप्ति हो जाता है, इति हो जाता है ना, जैसे गणेश होते हैं श्री गणेश स्टार्ट हो गया इति श्री, तो इसी प्रकार से हो जाएगा अर्थ मतलब आरंभ, इति मतलब यहाँ पर कह सकते हैं समाप्ति वहां पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अभिज्ञ का विलोम, अभिज्ञ का विलोम बताना है, अभिज्ञ मतलब जानने वाला या ज्ञाता, अभिज्ञ मतलब क्या बोलते हैं जानने वाला या कह सकते हैं ज्ञाता, तो यहाँ पर आपका 48 का जवाब क्या हो जाएगा अभिज्ञ का हो जाएगा, अनभिज्ञ जो ज्ञाता ना हो या ना जानता हो। अगला है कृतज्ञ का विलोम, कृतज्ञ का विलोम, कृतज्ञ मतलब होता है उपकार मानने वाला, कृतज्ञ मतलब क्या होता है कृतज्ञ मतलब उपकार मानने वाला, तो इसका मतलब उपकार ना मानने वाले को बोलते हैं कृतघ्न, ठीक है, क्या बोलते हैं कृतघ्न, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है संकीर्ण का विलोम बताइए, संकीर्ण का विलोम, संकीर्ण मतलब होता है किसी भी अपेक्षा, किसी की अपेक्षा करने वाला, ठीक है, सापेक्ष, संकीर्ण मतलब होगा संकरा हुआ, संकरा हुआ, ठीक है, संकीर्ण का संकरा हो गया, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा विस्तीर्ण हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर अनुरक्ति का विलोम, अनुरक्ति का विलोम पूछा है, अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम, अनुरक्ति मतलब होता है प्रेम, ठीक है, और इसका हो जाता है विरक्ति, जब किसी से लगाव होता है उसे अनुरक्ति बोलते हैं, जब उसे दूर हो जाता है उसे विरक्ति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सापेक्ष का विलोम, सापेक्ष का विलोम, तो सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा आपका सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष, सापेक्ष क्या हो जाएगा आपका निरपेक्ष हो जाएगा, ऑप्शन आपके यहाँ पर से हो जाएगा निरपेक्ष, मतलब सापेक्ष मतलब होता है किसी की अपेक्षा करने वाला, ठीक है, सापेक्ष मतलब होता है किसी की अपेक्षा करने वाला, ठीक है, तो उसका जो विलोम बनेगा निरपेक्ष बनेगा। अगला क्वेश्चन है विग्रह का विलोम बताइए, विग्रह का विलोम, विग्रह का विलोम बताना है भाई आपको, और यहाँ पर विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा आपका जवाब, यहाँ पर आपका हो जाएगा टुकड़ा, विग्रह मतलब होता है टुकड़ा और इसका विलोम आपका हो जाएगा संधि, ठीक है, तो विग्रह का हो जाएगा संधि, विग्रह मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है, और संधि मतलब होता है जोड़ना, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण पूछा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज और उन्नत का अवगत दिया है और आदान का प्रदान, तो गलती आपकी मिल गई इसी नंबर में, उन्नत का उन्नत दिया है, देखो उन्नत, उन्नत का होता है अवन्नत होता है, अवन्नत होता है अवगत नहीं होता, अवन्नत होता है अवन्नत, ये होता है आपका, समझ में आया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि मोटे काले जो शब्द छपे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर विलोम बताना है, विलोम बताना है किसका अभिज्ञ का, यहाँ पर अभिज्ञ बताना है, अभिज्ञ का आपसे विलोम पूछा है और अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा अनभिज्ञ हो जाएगा, सी नंबर अनभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि मोटे काले जो अक्षर हैं, सीधा सीधा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है आपका संपन्न का विलोम, संपन्न का विलोम क्या होता है भाई, देख लीजिए भाई, संपन्न का विलोम ये दिया है आपका संपन्न, और संपन्न का विलोम होता है विपन्न, क्या होता है विपन्न होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है विस्तार का विलोम, विस्तार का विलोम, विस्तार का विलोम संक्षेप हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई संक्षेप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गरिमा का विलोम, गरिमा, गरिमा का विलोम होता है लघिमा, ठीक है, गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा लघिमा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मौखिक का विलोम बताइए भाई, मौखिक का विलोम, मौखिक का विलोम बताइए, मौखिक का विलोम, चलिए मौखिक का विलोम क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका लिखित हो जाएगा, मौखिक का विलोम लिखित बोलते हैं, मुख से जवाब दीजिए या लिखित में है ना, वही बोलते हैं मौखिक का लिखित। अगला क्वेश्चन है अनाथ का विलोम शब्द, अनाथ का विलोम, अनाथ का विलोम हो जाएगा क्या बनेगा भाई, अनाथ का, अनाथ का होता है सनाथ, अनाथ का होता है सनाथ, देखिए अनाथ का मतलब होता है असहाय या जिसका कोई मालिक या कोई सहारा ना हो, ठीक है, तो अनाथ का हो जाएगा सनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर अल्पज्ञ का विलोम बताइए, अल्पज्ञ का विलोम बताना है भाई, अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हो जाएगा, बिल्कुल सही है, अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है। चलिए सकारात्मक का विलोम बताइए, सकारात्मक क्या हो जाएगा नकारात्मक हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर नकारात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मुख का विलोम बताइए, सम्मुख का विलोम, सम्मुख का विलोम बताना है भाई यहाँ पर, सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा आपका, चलिए सम्मुख का विलोम, सम्मुख, सम्मुख 63 का जवाब, सम्मुख मतलब होता है जो सामने मौजूद हो, सम्मुख मतलब क्या होता है जो सामने मौजूद हो, तो इसका जो विपरीत बनता है वो बनता है विमुख, क्या बनता है विमुख, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है अथ का विलोम, अभी हमने देखा अथ का विलोम, अथ मतलब आरंभ है ना, तो इसका विपरीत हो जाएगा इति, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इति। अगला क्वेश्चन है उर्वर का विलोम शब्द बताइए, उर्वर का विलोम, उर्वर का विलोम, उर्वर का, उर्वर जैसे होता है खेत में बोलते हैं ना, तो उर्वरा शक्ति ज्यादा है तो उसका क्या हो जाता है ऊसर बन जाता है, तो उर्वर का विलोम हो जाएगा ऊसर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है थोक का विलोम बताइए, थोक मतलब होता है क्या ढेर, या कह सकते हैं जहां इकट्ठा हुआ बहुत होता है, तो थोक का विपरीत होता है परचून, परचून में क्या करते हैं ना एक एक चीजें लोगों को देते हैं ना, तो उस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा परचून बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूषण का विलोम, भूषण का विलोम,
भूषण का विलोम होता है दूषण, भूषण का विलोम होता है दूषण, भूषण का मतलब होता है गहना या कह सकते हैं जेवर, और इसका जो विलोम बनता है वो आपका दूषण बनता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवनि का विलोम शब्द बताइए। अवनि का विलोम, अवनि मतलब होता है धरती, याद रखिए अवनि का मतलब होता है धरती, और धरती का जो आपका कह सकते हैं विलोम बनेगा वो आपका बनेगा आकाश, आकाश मतलब अंबर, तो अवनि का हो जाएगा अंबर, अवनि का विलोम अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हे का विलोम शब्द बताइए। हे, हे मतलब होता है घृणित या तुच्छ, हे मतलब क्या होता है घृणित या तुच्छ होता है, तो इसका जो विलोम आपका बनेगा वो आपका बनेगा ग्राह, ग्राह ठीक है, हे का विलोम हो जाएगा ग्राह, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदुल का विलोम बताइए। मृदुल, मृदुल मतलब होता है कोमल या मुलायम, ठीक है मृदुल मतलब होता है कोमल या मुलायम, तो मृदुल का जो विलोम बनेगा वो आपका बनेगा कठोर, क्या बनेगा कठोर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऋणात्मक का विलोम बताइए। ऋणात्मक का विलोम, तो भाई ऋणात्मक का विलोम क्या हो जाएगा आपका धनात्मक हो जाएगा, सिंपल सा है ठीक है ऋणात्मक। अगला है कलुष का विलोम बताइए। कलुष का विलोम निष्कलुष, ठीक है कलुष मतलब क्या होता है, कलुष मतलब होता है मैल या कह सकते हैं अपवित्र, ठीक है तो कलुष का जो विलोम बनता है निष्कलुष बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चिरंतन का विलोम शब्द। चिरंतन मतलब क्या होता है पहले इसको मतलब, चिरंतन मतलब होता है क्या बहुत दिनों से चला आने वाला, बहुत दिनों से चले आने वाला, कह सकते हैं पुरातन कह सकते हैं, है ना, तो चिरंतन का विलोम जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा नश्वर, क्या बनेगा नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नश्वर मतलब नाश होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्यासी का विलोम बताइए। इजी क्वेश्चन है सन्यासी का विलोम, तो भैया सन्यासी का विलोम बनेगा आपका यहाँ पर गृहस्थ, ठीक है सन्यासी लोग होते हैं ना बाहर निकल जाते हैं जंगलों में चले जाते हैं, और सन्यासी का जो विलोम बनेगा वो गृहस्थ बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वकीय का विलोम शब्द बताइए। स्वकीय, स्वकीय मतलब होता है वह विवाहित स्त्री जो अपने पति से प्रेम करती हो, ठीक है स्वकीय का मतलब क्या होता है वह विवाहित स्त्री जो अपने पति से प्रेम करती हो, और इसका जो विलोम बनता है वो आपका बनता है परकीय, स्वकीय का परकीय, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा भाई डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एकाधिकार का विलोम बताइए। एकाधिकार का विलोम भाई एकाधिकार है तो क्या हो जाएगा सर्वाधिकार, ठीक है क्या हो जाएगा सर्वाधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है श्री गणेश का विलोम। श्री गणेश का विलोम जो समाप्ति मतलब इतश्री हो जाएगा, श्री गणेश का इतश्री हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आकर्षण का विलोम बताइए। आकर्षण का विलोम, आकर्षण का क्या होता है आपका आकर्षण का विकर्षण, ठीक है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यक का विलोम बताइए। अल्पसंख्यक का विलोम, अल्पसंख्यक का विलोम क्या होता है बहुसंख्यक, याद रखिए बहुसंख्यक होता है, ठीक है बहुसंख्यक। अगला क्वेश्चन है कि उपमान का विलोम, आपने अलंकार पढ़ा होगा उपमेय उपमान, है ना, तो उपमान मतलब होता है जब किसी वस्तु जिसे उपमा दी जाए, ठीक है जब कोई होती वस्तु उसे उपमा दी जाए, ठीक है जिसे उपमा दी जाए उसे उपमान बोलते हैं, तो इसका जो मतलब विलोम बनेगा वो आपका बनेगा क्या उपमेय बनेगा, तो उपमान का विलोम उपमेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद का विलोम। मंद है, ठीक है धीरे धीरे कोई चल रही है तो उसको स्पीड में चला देते हैं, एक्सीलेटर, एक्सीलेटर मतलब होता है द्रुत, द्रुत ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मंद का विलोम होता है द्रुत होता है, ठीक है मंद क्या होता है द्रुत हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सूक्ष्म का विलोम बताइए। सूक्ष्म है, सूक्ष्म का विलोम बताइए। सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल, ठीक है सूक्ष्म का होता है स्थूल होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है अधुनातन, अधुनातन का विलोम, अधुनातन का विलोम पुरातन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है सृष्टि का विलोम। सृष्टि का विलोम, सृष्टि और सृष्टि आई है तो इसका प्रलय हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रलय हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीत नहीं है उसे चुनिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि आय का अव्यय होता है, सरल का कठिन होता है, गुरु का अलग होता है, और वृष्टि सृष्टि दिया है जो कि गलत है, या देखिए वृष्टि का होता है अनावृष्टि, ठीक है यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया है सृष्टि वृष्टि, देखो वृष्टि का होता क्या है, वृष्टि का होता है अनावृष्टि, वृष्टि मतलब होता है बाढ़ आना, है ना, और अनावृष्टि मतलब होता है सूखा, तो यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन आपका गलत दिया गया था। अगला है अति का विपरीत शब्द बताइए। अति, देखो अति मतलब होता है बहुत, ये मत समझना कि अति मतलब बहुत थोड़ा, अति मतलब होता है बहुत, और इसका जो विपरीत बनता है वो बनता है अल्प, ठीक है तो अति का विपरीत क्या बन जाएगा अल्प बन जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है ब्रह्मा का विपरीत बताइए। ब्रह्मा का विपरीत, ब्रह्मा का विपरीत क्या बनेगा आपका जीव बनेगा, ब्रह्मा का विपरीत जीव होता है, याद रखिएगा। बहिरंग का विलोम बताइए या विपरीत बताइए। बहिरंग, बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग, अंतरंग ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो खत्म होने के कगार में है, और वीडियो लाइक कर दीजिए सभी लोग पहले, चलिए सभी लोग पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, इतना बड़ा वीडियो बनाते हैं आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर हिंदी कंप्लीट करा रहे हैं, आपको लगता तो है कि हम मेहनत कर रहे हैं, बोलने में मेहनत नहीं लगती है, आप बताइए आपके अंगूठे टाइप करने में आपके अंगूठे दर्द करने लगते हैं कि नहीं करने लगते, करते हैं ना हमको बोलने में, और दोनों चीज़ करने देख सकते हैं, है ना, तो लाइक कर दिया करो। चलिए अनागत का विलोम बताइए। अनागत का विलोम, अनागत का विलोम होता है क्या आगत होता है, ठीक है 89 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आगत। उत्तम का विलोम बताइए। उत्तम का विलोम, उत्तम का विलोम होता है अधम, क्या होता है भाई उत्तम का विलोम होता है अधम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नीरस का विलोम बताइए। नीरस का विलोम, नीरस मतलब होता है रसहीन या कह सकते हैं फीका, नीरस का मतलब होता है रसहीन या फीका, और इसका विलोम जो बनता है वो बनता है सरस, ठीक है या रसीला, है ना, तो इस प्रकार से नीरस का विलोम हो जाएगा सरस। अगला क्वेश्चन दिया है देखो नीरस का हो जाए सरस होता है, याद रखिएगा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मुख्य का विलोम बताइए। मुख्य शब्द का विलोम, मुख्य का विलोम 92, मुख्य का विलोम, तो मुख्य का विलोम होता है आपका गौड़, क्या होता है गौड़, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि महान का विलोम शब्द बताइए। महान का विलोम, महान का विलोम होता है क्षुद्र, क्या होता है भाई क्षुद्र होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है धनवान का विलोम बताइए, धनवान जो धनवान हो और उसका विलोम हो जाएगा अकिंचन, तो धनवान का विलोम अकिंचन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धत का विलोम शब्द बताइए, उद्धत का विलोम बताना है 95, उद्धत का विलोम शब्द और उद्धत का विलोम हो जाएगा 100 में हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर 100 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूक का विपरीत शब्द बताइए, मूक, मूक का विपरीत क्या होता है, वाचाल होता है, याद रखिए वाचाल, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा वाचाल। अगला है सही विलोम शब्द चुनिए, अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या होता है भाई, अर्वाचीन का क्या हो जाएगा आपका, तो अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन, क्या हो जाएगा प्राचीन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सही विलोम बताना है मानव का विलोम, मानव का विलोम दानव, क्या होता है दानव, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा दानव। अगला है विपरीत बताना है शोषक का विलोम, शोषक, शोषक का विलोम हो जाएगा पोषक हो जाएगा, ठीक है शोषक का विलोम पोषक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कृतज्ञ का विलोम, कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ होता है, ठीक है कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन है कि विपत्ति का विलोम बताइए, विपत्ति आ गई तो विपत्ति का संपत्ति, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है अनुराग का विलोम, अनुराग का विलोम, अनुराग का होता है विराग, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा विराग। दक्षिण का विलोम बताइए, दक्षिण का विलोम, दक्षिण का विलोम होता है पश्चिम, मत बता देना पश्चिम मत बोलिए भाई, दक्षिण का विलोम होता है वाम मतलब उत्तर, ठीक है दक्षिण का होता है उत्तर, उत्तर मतलब वाम, सी नंबर। अगला है आशा का विलोम बताइए, आशा का विलोम, आशा का होता है निराशा, ठीक है बी नंबर हो जाएगा निराशा हो जाएगा। अगला है परोच्च का विलोम, परोच्च का विलोम, परोच्च का विलोम क्या होता है प्रत्यक्ष, ठीक है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष परोच्च मतलब प्रत्यक्ष मतलब होता है जो सामने, परोच्च मतलब होता है इनडायरेक्ट जो सामने ना हो, ठीक है तो परोच्च का आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, यहाँ पर तत्सम शब्दों की जोड़ी पूछा है नहीं शब्द दिया है पर, तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है कि कर्म विद्या दधि भात मत्स्य मृग ज्ञान क्षेत्र, यहाँ पर तत्सम शब्दों की जोड़ी जो आपकी सही नहीं है वो आपकी कौन सी, देखो यहाँ पर दधि दिया है और दधि का जो तत्सम बनता है वो आपका दही बनता है, क्या बनता है दही बनता है, जो भात नहीं बनता भाई, ठीक है तो आपका बी नंबर यहाँ पर आपका कह सकते हैं ये तत्सम शब्दों की जोड़ी सही नहीं है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन है कर्पट का तद्भव रूप कौन सा है, कर्पट का तद्भव पूछा है और कर्पट का तद्भव आपका बनेगा क्या भाई, कर्पट का तद्भव याद रखिएगा कपड़ा होता है, ठीक है साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा कपड़ा होता है। ठीक है कर्पट का तद्भव क्या होता है कपड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है इसका मतलब तत्सम होगा, तो यहां पर देख सकते हैं कि तद्भव शब्द में पत्ता है हाथ है और अंग्रेज है, लेकिन जो तस्कर है ये तस्कर शब्द आपका तत्सम है। ठीक है तस्कर जो है ये तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव बनता है वो स्मगलर बनता है, क्या बनता है इसका तद्भव स्मगलर बनता है। ठीक है चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि कैवर्त शब्द का तद्भव शब्द बताइए, कैवर्त शब्द का तद्भव, कैवर्त शब्द का तद्भव जो बनता है वो आपका बनता है क्या, जवाब देते चलिए भाई यहां पर कैवर्त शब्द का तद्भव बनता है केवट, क्या बनता है साथियों केवट बनता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रद शब्द का तद्भव रूप बताइए, ग्रद शब्द का तद्भव रूप क्या बनेगा, ग्रद का तद्भव, और याद रखिए ग्रद का तद्भव आपका बनता है क्या, क्या बनता है गधा बनता, गीध बनता है सॉरी, ठीक है ग्रद का तद्भव बनता है गीध। ठीक है और जो गधा होता है, ठीक है गधा, गधा का बनता है गर्धव, है ना, तो यहाँ पर ग्रद मत बोलना गर्धव होता है, तो यहाँ पर ग्रद का पूछा था जो कि गीध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मक्खी का तत्सम रूप बताइए, मक्खी का तत्सम, मक्खी का तत्सम आपका क्या होता है भाई, मच्छिका होता है। ठीक है मच्छिका, और मच्छिका किस प्रकार से सही होगा, ए या डी सही होगा, तो याद रखिए ऑप्शन आपका डी सही होगा, मच्छिका इस प्रकार से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया साथ यहाँ पर स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, नहीं शब्द दिया है साथियों, तो तद्भव शब्द आपका यहाँ पर नहीं है कौन सा, तो यहाँ पर द्वार है गिरस्ती पौ ये तो नहीं है, बी नंबर यहाँ पर सायम, ये जो आपका है ये तत्सम है। ठीक है और इसका जो तद्भव बनता है वो आपका साम बनता है। ठीक है साम बनता है, इस प्रकार से कौन हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल शब्द का तद्भव शब्द बताइए, एकल का तद्भव शब्द पूछा है, एकल का तद्भव बनेगा साथियों क्या, तो एकल का बनेगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर अकेला बनेगा, वेरी गुड ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्पट शब्द का तद्भव, अभी आंसर आपको इसका देखने को मिला था कि कर्पट का जो आपका तद्भव बनता है कपड़ा बनता है। ठीक है कपड़ा बनता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हल्दी शब्द का तत्सम, सबका जवाब यहाँ पर आना चाहिए, हल्दी शब्द का तत्सम क्या बनेगा साथियों, तो हरिद्रिका बनता है या हरिद्रा बनता है, बच्चों में कंफ्यूजन होता है हरिद्रा या हरिद्रिका, तो याद रखिए साथियों हल्दी का तत्सम रूप जो आपका होता है हरिद्रा होता है, क्या होता है हरिद्रा होता है, जवाब जिसका सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा हरिद्रा। हुलास शब्द का तत्सम बताइए, हुलास शब्द का तत्सम, और हुलास का तत्सम बनता है क्या साथियों, जवाब देते चलिए फटाफट देना है आंसर आज, हुलास शब्द का तत्सम आपका उल्लास बनता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल शब्द का तत्सम, चलिए साथियों नारियल शब्द का तत्सम यहां पर बताना है, और नारियल का जो तत्सम बनेगा क्या बनेगा, 12 का जवाब यहां पर आपका सही आ रहा है बच्चों का, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं यहां पर, और यहां पर आपका जो जवाब 12 का हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका नारिकेल, क्या होगा नारिकेल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है सींग शब्द का तत्सम बताइए, सींग शब्द है इसका तत्सम बताना है, सींग शब्द का तत्सम बताना है साथियों, चलिए यहां पर सींग का होता है
श्रृंग होता है, श्रृंग, और कौन सा, ये वाला श्रृंग आपका होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको मत लगाइएगा, इसको लगाना, ठीक है, ये आपका यहाँ पर श्रृंग हो जाएगा, पूरा पूरा सा बनेगा यहाँ पर, ठीक ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, चलिए साथ यहाँ पर दीजिए जवाब कि तत्सम शब्द आपका कौन सा है, यहाँ पर 14 का जवाब पूछा है, तो यहाँ पर स्कंद है, ईर्ष्या है, कपोत है और हल्दी है। यहां पर देखिए साथियों, वहां पर आपके जवाब जो हल्दी तत्सम नहीं है, तो इसका मतलब तद्भव पूछा है ना, यहां पर ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, लेकिन हल्दी जो आपका है ये आपका तद्भव है ना, और इसका हरिद्रा बनता है ना, तो डी आपका इसका जवाब हो जाएगा। यहां पर बी हमका जो आंसर है ये आपका गलत है, यहां पर डी नंबर आपका होगा, तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, यहां पर आपसे तत्सम शब्द पूछा है, और तत्सम शब्द आपका क्या बनेगा यहां पर, सही, चलिए तत्सम शब्द आपका कौन है, 15 का जवाब, और 15 को ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहां पर देख सकते हैं जो विस्मय है, विस्मय ऑप्शन डी हो जाएगा, विस्मय यहां पर ये आपका कैसा है, आपका तत्सम है, ठीक है, तत्सम है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तद्भव शब्द का चयन करना है साथियों यहां पर, चलिए यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा आपका, 16 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहां पर आपका हो जाएगा, जो आपका तद्भव है वो आपका यहां पर निडर, ठीक है, क्या है आपका निडर, निडर का जो आप कह सकते हैं तत्सम बनता है वो निर्दय बनता है, निर्दर, ठीक है, निडर का तत्सम बनता है निर्दर, निर्दर, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गधा का तत्सम, अभी हमने बताया था गधा का जो तत्सम बनता है क्या बनता है, यहां पर जवाब आपका 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो गधा का होता है गर्धव, गर्धव सही लिखा जाएगा आपका, डी नंबर। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्री का तद्भव शब्द बताइए, प्री का तद्भव शब्द पूछा है, चलिए यहां पर प्री का तद्भव होता है पिया होता है, क्या होता है, पिया होता है, ऑप्शन राइट, जिसका ए आया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, चलिए साथियों यहां पर तत्सम शब्द नहीं है ये पूछा गया आपसे, चलिए यहां पर तत्सम शब्द नहीं है, और यहां पर 19 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब आपका हो जाएगा तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम शब्द में देखिए कुसुम भी होता है, मुस्के और वंश, लेकिन जो नेह है ये आपका यहां पर तद्भव है, इसका जो तत्सम बनता है वो आपका स्नेह बनता है, इसका तत्सम स्नेह बनता है, ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है, जवाब दीजिए कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव, चलिए यहां पर जवाब आपका तद्भव हो जाएगा आपका कौन सा, ए नंबर पंख, पंख जो आपका ये तद्भव है, और इसका जो तत्सम बनता है वो आपका बनता है पक्ष, क्या बनता है, पक्ष बनता है साथियों, ठीक है, ए नंबर। चलिए पक्ष का तद्भव आपसे पूछ लिया है जो कि अभी हमने बताया, तो जवाब हो जाएगा आपका पंख हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ससुर का तत्सम शब्द बताइए, ससुर का तत्सम, ससुर का तत्सम क्या हो जाएगा, तो यहां पर ये जो सा है इसको हटाइए और ये वाला सा जुड़ जाएगा, तो आपका जो बनेगा वो आपका ससुर होगा, यहां पर याद रखिए ये वाला सा हटा के ये वाला सा आपका लगाया जाता है, और ससुर का तत्सम बनता है ससुर, ससुर, जो कि ऑप्शन आपके यहां पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यहां पर तद्भव पूछा गया है, और आपका तद्भव जो बनेगा सही क्या बनेगा, चलिए साथियों तद्भव शब्द पूछा है, और 23 का जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट, यहां पर जवाब आपका तद्भव शब्द पूछा है जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आधा, आधा यहां पर आपका तद्भव है, ठीक है, और इसका जो तत्सम बनता है वो अर्ध बनता है, इसका तत्सम अर्ध बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द है, तत्सम यहां पर पूछा है, कौन शब्द यहां पर आपका तत्सम है, 24 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा तत्सम, यहां पर ए नंबर क्लिष्ट, क्लिष्ट जो आपका है, ठीक है, ए नंबर आपका जो है क्लिष्ट, ये आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है, क्लिष्ट आपका जो है ये आपका तत्सम है, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरन का तत्सम बताइए, चूरन का यहां पर तत्सम बताना है आपको, और चूरन का जो तत्सम आपका बनेगा क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहां पर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका 25 का हो जाएगा आपका, बी नंबर, चूर्ण होता है, ठीक है, चूर्ण होता है, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, चलिए यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा भाई, यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा, तो तत्सम शब्द आपका नहीं है, 26 का ऑप्शन डी, रात, रात जो आपका है ये तद्भव है, और रात्रि इसका कह सकते हैं आपका तत्सम बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिक्त का तद्भव शब्द, तिक्त का तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है कि तिक्त का तद्भव क्या बनेगा, सही जवाब यहां पर तिक्त का जो तद्भव बनता है तीता बनता है, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं याद रखिएगा आपके चार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है, शुद्ध आपके यही चार होते हैं, जोड़ने को तो पांचवा जोड़ देते हैं संकर शब्द, बल्कि वो मिक्स हो जाता है, मेन आपके चार ही आपको यहां पर रखेंगे, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, यहां पर देख सकते हैं संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, उन्हें तत्सम बोलते हैं, ठीक है, तत्सम बोलते हैं, ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा, और ये क्वेश्चन अभी पूछे गए थे एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, रूढ़ शब्द मतलब होता है जिसका हम लोग खंडन नहीं कर सकते हैं, उनको अलग नहीं कर सकते हैं, और अलग कर भी लिया तो उसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं 30 का जवाब आ चुका है, ऑप्शन डी हो जाएगा पशु, तो पशु जो आपका ये रूढ़ शब्द है इसको अलग करेंगे तो कोई किसी का अर्थ नहीं निकलेगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
कि शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूट शब्द है। योग रूट शब्द मतलब बहुव्रीहि समास होता है, योग रूट शब्द को बहुव्रीहि समास कह सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं योग रूट शब्द है जिसका विशेष अर्थ निकल रहा है। 31 का जवाब जिसका डी आ रहा है बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा जलज, और जलज बोलते हैं आपको कमल को, ठीक है कमल को, तो ये विशेष आपका हो जाएगा। तो आपका योग रूट शब्द आपका हो गया कौन सा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट शब्द, रूट शब्द जिनको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, और अलग नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा 32 में, यहां पर जवाब आपका 32 को ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, वैभव, ठीक है वैभव। तो यहां पर अगर अलग भी करेंगे तो किसी का अर्थ हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर इसमें किसी को अलग करेंगे तो जल शब्द आपका निकल आ रहा है ना। तो यहां पर जिसको अर्थ अलग करें, जिसको हम लोग तोड़े और अर्थ निकले, उसे हम रूट शब्द कहेंगे, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, परीक्षा, परीक्षा जो आता है वो किस वर्ग में रखेंगे साथियों। 33 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए नंबर, इसे हम लोग तत्सम, ये तत्सम के अंतर्गत आता है परीक्षा। चलिए साथियों मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है, मजिस्ट्रेट शब्द जो आपका है ये कैसा शब्द है, मजिस्ट्रेट। 34 का जवाब यहाँ पर आपका आ रहा है जो कि मजिस्ट्रेट आपका है विदेशा शब्द है, ठीक है कैसा शब्द है, विदेशा शब्द है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, देशज शब्द आपका यहाँ पर कौन सा है। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब देशज आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, लोटा, लोटा जो आपका है ये आपका कैसा है भाई, ये आपका देशज शब्द है, देशज मतलब होता है जो अपने देश में उत्पत्ति हुई हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र ना हो, स्वतंत्र सत्ता ना हो, स्वतंत्र ना हो। चलिए साथियों इसको जवाब देना है आपका, जवाब सही क्या हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, यौगिक, यौगिक शब्द होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से ही आपके यौगिक बनते हैं साथियों, ठीक है। तो जवाब यहां पर आपका क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से यौगिक शब्द यहां पर बताना है, यौगिक शब्द, चलिए यौगिक शब्द आपसे पूछा है, यौगिक मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बना होगा, कौन सा बना है यहां पर, तो यहां पर विद्यालय, विद्याधनालय, विद्याधनालय, तो यहां पर देख सकते हैं विद्यालय जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगी की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म अंतर जो व्यक्त करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं साथियों, सूक्ष्म अंतर। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा 38 को ऑप्शन राइट आपका यहां पर बी नंबर, समानार्थक बोलते हैं उन्हें, ठीक है बी नंबर। चलिए यौगिक शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द अर्थात दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाला हो, तो सही जवाब हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहां पर, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा बी नंबर, ठीक है पाठशाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है, विभावरी, विभावरी किस प्रकार का यहां पर शब्द है भाई। चलिए यहां पर जवाब आपका सही हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहां पर ए नंबर, यह आपका तत्सम शब्द है, ठीक है तत्सम शब्द है, ए नंबर आपका हो जाएगा, विभावरी मतलब रात होता है, ठीक है साथियों। चलिए योग रूट शब्द बताइए कौन सा है, योग रूट शब्द मतलब विशेष अर्थ निकालने वाले शब्द। चलिए यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं लंबोदर, लंबोदर जो कि गणेश भगवान जी को बोलते हैं, है ना, तो आपका जवाब आपका सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द भाई, तत्सम शब्द जो आपके होते हैं संस्कृत शब्द होते हैं, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है यहां पर आपका, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, बी नंबर, गोधूम, गोधूम बोलते हैं गेहूं को, ठीक है गेहूं होता है तद्भव, गोधूम होता है उसका तत्सम, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तद्भव शब्द पूछा है यहां पर, तद्भव शब्द आपका पूछा है और सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 43 में, तद्भव शब्द आपका हो जाएगा मुंह, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखिए, जहां भी चांद की बिंदी मिल जाए वो हमेशा तद्भव होता है, जैसे अंधा, अंधेरा, है ना, आंधी, और जितने भी चांद की बिंदी हो आपको हमेशा आपको तद्भव ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, अर्थात जिसके सार्थक खंड हो सके उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सार्थक खंड अभी बताया दो या दो से अधिक शब्द बनकर बने, अर्थात उन्हें हम लोग बोलते हैं यौगिक बोलते हैं, ठीक है। 44 क्वेश्चन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द देशज नहीं है, देशज नहीं है, देशज नहीं है, तो ढिबरी, ढोर, पगड़ी ये तो है लेकिन पुष्कर आपका नहीं है, ठीक है। 45 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। चलिए जवाब यहां पर 46 का ऑप्शन राइट आपका यहां पर सी हो जाएगा, देशज शब्द, ठीक है। क्या हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा, देशज शब्द। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वकील किस भाषा का शब्द है, वकील किस भाषा का शब्द है, वकील, और याद रखिए वकील जो आपका है वो आपका किसके अंतर्गत, तो ये वकील आता है आपके पुर्तगाली में, अरबी में आता है, ठीक है, वकील आपके अरबी में आता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द पूछा है और तत्सम शब्द आपका क्या होगा। चलिए साथियों यहां पर तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, चलिए यहां पर तत्सम शब्द आपका जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 48 का ऑप्शन आपका डी। यहां पर तत्सम शब्द आपका तीर्थ है, ठीक है, तीर्थ कैसा है, तत्सम है, और इसका जो तत्व बनता है वो तीर्थ बनता है, क्या बनता है साथियों, तीर्थ बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंगीठी का तत्सम शब्द बताइए, अंगीठी का तत्सम शब्द बताइए, अंगीठी का तत्सम क्या बनता है साथियों, इसका जवाब सबका सही होना चाहिए,
चलिए अंगीठी का आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका बनता है अग्निष्ठिका। क्या बनता है? अग्निष्ठिका। यहाँ पर जवाब जो आपका सही हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा आपका सी नंबर अग्निष्ठिका। यहाँ पर रा चढ़ा दिया है, ठीक है, वैसे नहीं है, अग्निष्ठिका आपको होता है अग्निष्ठिका। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की पहचान करना है साथियों यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 50 का जवाब आपका हो जाएगा जो तद्भव शब्द है। देखिए दिनकर दिवाकर प्रभाकर ये तो तत्सम है, लेकिन सूरज, सूरज यहाँ पर आपका कैसा है? ये तद्भव है और इसका तत्सम बनता है आपका सूर्य बनता है। ठीक है, सूर्य बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। चलिए साथियों 51 का जवाब दीजिए, तत्सम शब्द नहीं है। और तत्सम शब्द नहीं है इसका मतलब तद्भव होगा और तद्भव जो आपका होगा चांद की बिंदी मिलेगी, जो कि अभी हमने आपको बताया था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, तत्सम शब्द। 52 का जवाब यहाँ पर तत्सम सही हो जाएगा। यहाँ पर मुख, मुख जो आपका है यह आपका तत्सम है साथियों, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। ठीक है, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है तद्भव शब्द बताना है, तद्भव। और तद्भव की अभी हमने बताया जहां भी आपकी चांद की बिंदी मिल जाए वो हमेशा क्या होता है? तद्भव होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पहचान बिल्कुल बिल्कुल पक्की हो चुकी है। चलिए आगे, श्रृंगार शब्द का तत्सम, श्रृंगार, श्रृंगार का तत्सम आपका क्या होता है? श्रृंगार। और यहाँ पर जो श्रृंगार बनेगा वो ये वाला श्रृंगार बनेगा यहाँ पर। ठीक है साथियों, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी का तत्सम, इसका जवाब गलत मत करिएगा, अभी हमने बताया था। हल्दी का तत्सम क्या बनता है साथियों? हरिद्रा बनता है। ठीक है, बी नंबर हरिद्रा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का तत्सम, गेहूं का तत्सम क्या बनता है? गेहूं का गोधूम बनता है, गोधूम। और गोधूम कौन सा सही होगा यहाँ पर 56 में? आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडहर का तत्सम बताइए, खंडहर का तत्सम, खंडहर का तत्सम जो आपका हो जाएगा खंडग्रह होता है। क्या होता है साथियों? खंडग्रह होता है, जो कि आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, खंडग्रह। कि निम्नलिखित में से कौन समास नहीं है? देखिए समास नहीं है, समास के 6 प्रकार हमने आपको बताया है ना, और इन 6 प्रकार में से यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो दिया गया है आपका कर्म कारक समास। क्या आपने कर्म कारक समास पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, कर्म कारक समास नहीं होता है। याद रखिए अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बताइए भाई कि कौन सा समास है जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान जो होते हैं वो आपके होते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब देखिए दोनों पद प्रधान पूछ लिया तो इससे याद रखिए, दो दो लिखा है ना, इससे थोड़ा बहुत याद रहेगा। ठीक है, तो दोनों पद प्रधान होते हैं आपके द्वंद्व समास में होते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। अब द्वंद्व समास में कुछ उदाहरण होते हैं जैसे दुख सुख है ना, और नर नारी, और शब्द लगभग आपको छुपा होता है राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ये आपको होते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है, या वह आपका कौन सा है? तो संख्यावाची होता है, अभी हमने बताया कि संख्यावाची जो होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी, आपका द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास जो आपका होता है वो संख्यावाची होता है, पंचवटी, चौराहा है ना, चौमासा, ऐसे शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरुदेव में समास बताइए, गुरुदेव में समास बताना है, गुरुदेव में। और गुरुदेव में समास क्या होगा भाई यहाँ पर? गुरुदेव, महात्मा, गुरुदेव है ना, ऐसे जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे ये आपके होते हैं आपकी कर्मधारय समास में। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, फास्ट आंसर दीजिए भाई सभी लोग। अगला क्वेश्चन है बारह सिंघा में समास बताइए, बारह सिंघा, इसका जवाब दीजिए, तब समझेंगे कि आपके यहाँ पर समास आ रहे हैं। ठीक है, बारह सिंघा, और याद रखिए बारह सिंघा अर्थात बारह सिंघा जो होते हैं एक विशेष हिरण के ही पास होते हैं ना, और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक विशेष ही आपका हिरण होगा, इसलिए उसे हम लोग बहुव्रीहि समास में रखते हैं। तो 7 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए नंबर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। अगला है कि कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए, कर्मधारय समास का उदाहरण। अब यहाँ पर 8 नंबर में अगर पहचान करते हैं कि नहीं यहाँ कौन कर्मधारय है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास जो आपका है, देखिए आपका श्वेत पत्र, 8 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, श्वेत पत्र। ठीक है, श्वेत पत्र जो आपका है ये आपका यहाँ पर कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया था श्वेत मतलब सफेद पत्र, सफेद मतलब कह सकते हैं यहाँ पर विशेष और विशेषण होता है, और जिसमें विशेष और विशेषण हो जाता है वो आपका क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। यहाँ पर श्वेत जो शब्द है वो आपका विशेषण हो जाएगा है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे यहाँ पर कि परमानंद में समास बताइए, परमानंद में समास पूछा गया, परमानंद, और परमानंद में भी आपका जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, परमानंद में भी आपका आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, परम है जो आनंद है, और है जो शब्द जो आपको लग जाए, कुछ ट्रिक याद कर लीजिए, कर्मधारय में जो कुछ पॉइंट होते हैं के समान है ना, है जो है, के समान है जो, और रूपी शब्द, ये जो मिलेंगे आपको कर्मधारय समास में ही मिलेंगे। ठीक है, परमानंद, परम है जो आनंद, नीला गगन, नीला है जो गगन है ना, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है महाजन, महाजन, और महाजन में क्या हो जाएगा आपका? तो ये पॉइंट याद रखिए, महाशब्द जहां मिल जाए, महाशब्द जहां भी कहीं मिल जाए वो आपका हमेशा कर्मधारय समास होता है, जैसे महापुरुष, महात्मा है ना, जितने भी महाशब्द मिल जाए वो आपका यहीं पर आपका होगा क्या? तो आपका यहां पर कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो लोग ट्रिक और पॉइंट को ध्यान देते जाएं,
पुराने बच्चों को तो लगभग तैयार ही है, तभी जवाब फटाफट आ रहे हैं। अगला कह रहा है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान प्रधान होता है वहां पर कौन है, अर्थात ऐसा कौन सा समास है जिसमें से कोई पद प्रधान ना हो लेकिन अगला जो बनने वाला तीसरा शब्द होगा वो प्रधान हो जाएगा, और ऐसा समास जो आपका होता है वो आपका बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, जैसे दस आनंद होता है, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, चतुर्भुज अर्थात चतुर्भुजाएं, चार भुजाएं हैं जिनके अर्थात भगवान विष्णु, तो इसमें से बहुव्रीहि समास में मैक्सिमम जो बड़े अर्थात भगवानों के नाम ऐसे वर्ड ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो तत्पुरुष समास के यहाँ पर देखते हैं आपके, तत्पुरुष के तो कई पार्ट होते हैं, यहाँ पर राजकुमार राजा का कुमार ये तो आपका है ही तत्पुरुष, यज्ञ देवी में भी है, ग्रामवासी में है, लेकिन आजन्म देखो, आजन्म जिसका जन्म यहाँ पर आ शब्द लिखा है जो कि आप कह सकते हैं उपसर्ग है, और कोई भी शब्द जो आपका उपसर्ग होता है वो आपका क्या होता है भाई, तो वो आपका कह सकते हैं अव्ययीभाव समास होता है, अव्यय होता है, आजन्म मतलब होता है जन्म भर, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सी नंबर है ये आपका यहाँ पर कौन सा है समास, ये अव्ययीभाव समास है ना कि तत्पुरुष समास है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका, तो संक्षेप होता है, याद रखिए संक्षेप होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है उपकूल में कौन सा समास है, उपकूल, उपकूल में बताइए भाई कि कौन सा समास है उपकूल, और उप शब्द आपका जो है वो आपका क्या है, एक उपसर्ग है, उपसर्ग जो होता है एक अव्यय होता है, और अव्यय कहां पर आपका है, सी नंबर आपका हो जाएगा, तो उपकूल में कौन सा समास हो गया, तो अव्ययीभाव समास हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए, तत्पुरुष समास यहाँ पर देखिए, तत्पुरुष समास आपका कौन सा यहाँ पर, तो तत्पुरुष समास एक तरफा में होगा नहीं, धनंजय में नहीं होगा, वक्रतुंड में नहीं होगा, यहाँ पर आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर जो शब्द है इसमें आपका क्या है आपका, ये तत्पुरुष समास है, आत्मनिर्भर, खुद पे आपका निर्भर हो जाना, खुद में निर्भर हो जाना। ठीक है, आत्मनिर्भर सी नंबर। अगला चंद्रशेखर शब्द में समास बताइए, चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर किसे बोले जाते हैं आपके, शंकर भगवान को, अर्थात चांद किसके सर पे, शिव भगवान के, है ना, तो आपका एक विशेष अर्थ निकालेगा, और विशेष अर्थ किसमें होता है, तो आपके बहुव्रीहि समास में होता है, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण बताइए, द्विगु समास अर्थात संख्यावाची होता है, अब द्विगु समास आपका पूछा गया है, और यहाँ पर सही किसे करेंगे द्विगु समास में, तो यहाँ पर दिया है त्रिभुवन, त्रिभुवन, और एक दिया है तिरंगा, एकांत दशानंद होगा नहीं, तो देखो यहाँ पर आपका सही किया गया कौन सा, यहाँ पर ये नंबर त्रिभुवन है ना, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा त्रिभुवन। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है यथाशीघ्र, यथाशीघ्र अभी हमने देखा था, बताया था कि यथाशीघ्र मतलब क्या होता है, समय के अनुसार, और यथा यहाँ पर जो आपका है अव्यय, और अव्यय मतलब आपका अव्ययी भाव समास, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है चौराहा कौन सा समास है, चौराहा चार राहों का जो समाहार होता है उसे हम लोग चौराहा बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पर चौराहा जो आपका है वो आपका कैसा है, संख्यावाची है, और संख्यावाची मतलब आपका द्विगु समास है। ठीक है, निर्विवाद में समास बताइए, निर्विवाद, निर्विवाद में जो आपका समास है वो आपका कौन सा है, निर्विवाद अर्थात विवाद के अनुसार, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो कर्मधारय समास होगा। ठीक है, निर्विवाद में कौन सा समास है आपका है, तो आपका कर्मधारय समास है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चौराहा में तो अभी आपका जवाब भी मिला था कि सी नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है निगमों में से एक समास की दृष्टि अशुद्ध है, यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा अशुद्ध आपका यहाँ पर, भरपेट में दिया आपका अव्ययीभाव भाव समास, ये तो सही है आपका, रसोई घर में तत्पुरुष समय, रसोई के लिए घर, रसोई में आपका तत्पुरुष, ये भी सही है, दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास है, चाल चलन, चाल चलन दिया आपका अव्ययीभाव भाव समास, तो चाल और चलन ये आपका कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास नहीं है, चाल और चलन एक द्वंद्व समास में आता है, इस कारण से कह सकते हैं आपका डी नंबर आपका यहाँ पर ये युग्म आपका अशुद्ध है। ठीक है, अगला है जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, यहाँ पर देख लीजिए जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, उसे हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास, क्या बोलते हैं द्वंद्व समास, अभी क्वेश्चन आपका आया था, है ना। चलिए जितने बच्चे अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सबसे पहले लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगने लगे कि हाँ इतने बच्चे हैं और हम इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, और आपको अगर लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ तो आप लोग जरूर लाइक कर दिया करिए, वीडियो आते ही लाइक कर दिया करिए, अगर आपको लगे कि नहीं हमारे पास साथ टाइम पास कर रहे हैं तो भाई आप डिसलाइक भी कर दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमको फ्री शिक्षा दे रहे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, डेली हमारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं, तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, लाइक में हमारा थोड़ा मोटिवेट बन जाता है, थोड़ा अच्छा लगने लगता है कि नहीं हाँ आप लोग हमको हमारे वीडियो को नहीं लाइक कर रहे हो, हमारे टीचिंग को लाइक कर रहे हो, हमको लाइक कर रहे हो, ऐसा महसूस होता है ना, अपनापन एक लगता है लाइक करते हो, तो अपनापन लगता है कि नहीं आप लोग इतना प्यार करते हैं। चलिए 24 नंबर आपसे दिया है कि जिस समाज में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं, तो अभी हमने बताया था ना आपको कि जिस समाज का कोई भी पद प्रधान ना हो, ठीक है, एक विशेष शब्द निकले तो वो आपका होता है बहुव्रीहि समास, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समाज में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो उसे क्या कहते हैं, उत्तर पद मतलब होता है कि बाद का पद प्रधान हो और जो पहला पद है वो गौड़ हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, 26 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर तत्पुरुष समास बोलते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास जैसे राजपुत्र होता है ना, राजपुत्र तो राजा का पुत्र, फोकस इस पर हुआ ना, राजा का पुत्र तो इस पर फोकस हुआ था, अर्थात ये आपका यहाँ पर उत्तर पद है, ये आपका गौड़ पद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, समास है अभी आपका आया था यथाशक्ति, सभी का जवाब सही आना चाहिए, नाक मत कटाइएगा, पुराने बच्चे नाक मत कटाइएगा, चलिए नए बच्चे तो एक बार उनसे गलती हो जाती है लेकिन पुराने बच्चों की नहीं, तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, अर्थात कह सकते हैं आपका यहाँ पर यथा आपका अव्यय है जो कि आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे क्या कहते हैं, या कौन सा समास होता है, विशेष विशेषण वाला काला गोरा वाला जो समास आपका है वो आपका कौन है, हमने कहते काला गोरा ये शब्द क्या होते हैं, लाल पीला ये विशेषण होते हैं, और विशेषण जो आपका होता है वो आपका समास कौन होता है, आपका कर्मधारय समास होता है, कौन सा कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं, जिस शब्द में दूसरा पद प्रधान रहता है,
तो अभी हमने आपको अभी तुरंत बताया कि जो उत्तर पद प्रधान होता है तो वही आपका होता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित शब्द में समासार्थ, यहां पर कह सकते हैं रेखांकित आपका नहीं लगा है लेकिन यहां पर गुरु भाई के लिए बोला गया है कृष्ण और सुदामा। तो तीसरा ऑप्शन आपका जो जवाब हो जाएगा गुरु भाई, गुरु के भाई अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं गुरु भाई एक दूसरे के भाई है ना, फोकस आपको भाई पर किया है और भाई यहाँ पर उत्तर पद है और उत्तर पद जो होता है आपको कह सकते हैं तत्पुरुष समास होता है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है कि लड़की चौलड़ी पहने है, चौलड़ी मतलब चार लड़ियों है ना, चार लड़ी, तो ये आपका क्या हो जाएगा संख्यावाची, और संख्यावाची जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं द्विगु समास, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास आपसे बताया पूछा गया है बहुव्रीहि समास, और बहुव्रीहि समास में यहाँ पर देख सकते हैं यथाक्रम तो होगा नहीं, हथकड़ी नहीं होगा, हंसमुख नहीं होगा, शूलपाणी है ना, शूलपाणी, तो ये आपका जवाब हो जाएगा आपका कौन, आपका ए नंबर हो जाएगा शूलपाणी है ना, विशेष में आपका निकलता है शूलपाणी, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, सबका सही है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है, द्विगु समास, और द्विगु समास जो कि संख्यावाची होता है ना, और संख्यावाची यहाँ पर क्या हो जाएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज जो आपका यहाँ पर है वो आपका यहाँ पर संख्यावाची हो जाएगा, चार भुजाएं ठीक है। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि कभी कभी आयोग क्या कर देता है कि चतुर्भुज को बहुव्रीहि कर देते हैं, क्योंकि चतुर्भुज अर्थात चार भुजाएं हैं जिनके है ना, चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिनके, तो भगवान विष्णु को तो बोल देते हैं ना, तो जब वो है नहीं है ऑप्शन में और दिया गया है द्विगु समास तो हम लोग फोकस किसमें करेंगे, बहुव्रीहि इसमें कर देंगे ना, और कोई तो हमारे पास चारा है नहीं है, और प्रश्न को आपको करके सही आना भी है, अगर ना भी आपको लगे कि नहीं प्रश्न त्रुटि है तो उसको जरूर करिएगा, क्योंकि या तो उसका जवाब सही माना जाएगा या तो उस प्रश्न को हटा दिया जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है प्रतिदिन समास में समास बताइए, प्रतिदिन शब्द, प्रतिदिन, प्रति जो आपका है वो क्या है उपसर्ग है, प्रति क्या है उपसर्ग है, और जो उपसर्ग होता है वो आपका होता है अव्ययीभाव समास, जो कि ऑप्शन आपका डी है। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो है ना, संख्यावाची और उससे समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संख्यावाची हो और समुदाय हो, यहां से आपको एक पॉइंट पता चल रहा है कि संख्यावाची के साथ साथ समुदाय का बोध होता है, जब समुदाय की बात हो रही है इसका मतलब वो आपका द्विगु समास होता है ठीक है, संख्यावाची के साथ साथ समुदाय का बोध कराए दे उसे द्विगु समास कहते हैं। जलमग्न, जलमग्न में समास बताना है, जलमग्न, जल से मग्न है ना, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा जलमग्न, यहाँ पर कह सकते हैं विभक्ति है और विभक्ति वाला जो आपका होता है वो आपका जल कह सकते हैं तत्पुरुष समास होता है। वज्रपाणी, वज्रपाण तो आप देखते हैं वज्र धारण किए हुए जिनको है ना, तो वज्रपाणी में जो समास होता है आपका कौन होता है बहुव्रीहि समास होता है ठीक है, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है पंचवटी शब्द में समास पांच वृक्ष है और समाहार अर्थात संख्यावाची है और समुदाय का बोध करा रहा है, और जब ऐसा बोध कराता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसे हम बोलते हैं संख्यावाची, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा द्विगु समास है ना। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, यहाँ पर घास फूस, देखो घास फूस दिया है डैश भी लगा है, तो घास और फूस है ना, घास और फूस ये जो आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि इसका भी एक अर्थ निकल रहा है, इसका भी अर्थ कह सकते हैं, दोनों ही यहाँ पर प्रधानता दर्शा रहे हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दशानन का समास बताना है, दशानन, दस है आनंद जिनके, दशानन, दशानन हमने बताया दशानन अर्थात यहाँ पर एक विशेष अर्थ निकाल रहे हैं, रावण को बोलते हैं, और जो रावण हो जाएगा उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे है ना, बी नंबर आपका हो जाएगा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित, और से शब्द जो होगा वो आपका कैसा होता है आपका विभक्ति, और विभक्ति होती है आपके तत्पुरुष में, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। प्रतिमान में समास बताना है, प्रतिमान, प्रति शब्द क्या है एक अव्यय है ना, प्रतिमान, प्रति अव्यय है, ये कह सकते हैं फोकस आपका प्रति में किया गया है, जब पहला पद प्रधान हो वो आपका होता है कौन सा, तो अव्यय भाव समास, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वीर पुरुष में समास, वीर पुरुष, वीर पुरुष में समास पूछा गया है, और वीर पुरुष अर्थात कह सकते हैं वीर पुरुष, फोकस हो गया कि ऐसा पुरुष जो वीर हो है ना, तो यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान है, द्वितीय पद प्रधान होगा तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई घर, रसोई के लिए, घर के लिए शब्द आ गया, विभक्ति आ गई, और जब विभक्ति होती है वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला नील गाय में कौन सी समास है, नील गाय, नीली गाय, नीला शब्द विशेषण है ना, और विशेषण और विशेष वाला काला घोड़ा है ना, काला इत्तान वाले जो शब्द होते हैं विशेष विशेषण वाले वो कौन होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, और जब विशेष अर्थ निकालते हैं तो वहां पर आपका होता है क्या, बहुव्रीहि समास होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। घनश्याम दिया है, घनश्याम, घन श्याम, घन मतलब बादल, और जो श्याम है मतलब काले बादल है ना, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। घन श्याम, घन मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि आपके बादल हो गए, और श्याम मतलब सांवला हो गया है ना, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। हाँ, आयोग यहाँ पर जो सही किया है वो आपको कर्मधारय समास सही किया और सही भी होगा ठीक है, और इसे कभी कभी आयोग क्या कर देता है, बहुव्रीहि समास कर देता है, क्योंकि घनश्याम आपके कृष्ण भगवान को बोल देते हैं है ना, लेकिन यहाँ पर आयोग जो मान्यता देता है वो आपको इसी को देता है ठीक है, तो इसका जवाब आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब ऑप्शन में ना हो तो आप बहुव्रीहि लगा सकते हैं, परमानंद में समास बताइए, परमानंद, परम है जो आनंद, ये प्रश्न आपका दोबारा से मिला है और दोबारा से मिला है अर्थात आपने पढ़ लिया है, तो परम है जो आनंद, है जो शब्द जो होता है वो कर्मधारय समास में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा कर्मधारय। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास अर्थात दोनों ही पद क्या हो, दोनों ही पद क्या हो आपके प्रधान हो ठीक है, वो पद आपका कौन हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, और यहाँ पर पाप और पुण्य, पाप और पुण्य ये आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे यहाँ पर लंबोदर उदाहरण है, लंबोदर का बताइए
लंबोदर का जवाब दीजिए, लंबोदर गणेश भगवान को कहते हैं, जो कि एक विशेष अर्थ निकालेगा, है ना। तो विशेष अर्थ जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, है ना, कहने वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है तिरंगा शब्द में समास बताइए, तिरंगा शब्द में समास 50 नंबर, तिरंगा शब्द में समास। तो अभी हमने बताया था तिरंगा शब्द, जो कि यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तिरंगा। इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा, दीर्घ समास हो जाएगा, संख्यावाची। अगला है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक जो शब्दों से सार्थक शब्द मिलकर बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 51 का जवाब दीजिए भाई, 51 का सही जवाब, और सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, 51 का ऑप्शन राइट बी नंबर, जो पढ़ रहे हो तो वही तो होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है आपका संक्षेप होता है, ठीक है, जो कि अभी आपने पढ़ा था, ये नंबर आपका हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, चलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास पूछा है, और अव्ययी भाव समास आपका कौन सा है, यहाँ पर सभी को जवाब देना है अव्ययी भाव समास। तो देखिए प्रतिशब्द आपका लगा हुआ है ना, प्रतिशब्द लगा है, अव्यय है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रतिदिन। अगला है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेष विशेषण का संबंध भी होता है, है ना। विशेष विशेषण जो होता है वो आपको किसमें होता है भाई, विशेष विशेषण अभी देखो हमने बताया था, और विशेष विशेषण आपको किसमें हो गया आपका, तो आपकी कर्मधारय समास में होता है ना। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है, कर्मधारय समास यहाँ पर किसमें है भाई। चलिए तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 55 का, तो 55 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर कर्मधारय, यहाँ पर दिया है नीलोत्पलम, नीला शब्द आपको यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास आता है, दोनों पद प्रधान ना हो, दोनों पद प्रधान ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर 56 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है आपका कौन सा, कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय बोला जाता ना इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि देवासुर में समास बताइए, देवासुर में समास, चलिए जवाब दीजिए। चलिए देवासुर अर्थात देव और असुर, देव और असुर, इसे तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, देव और असुर, तो ये आपका क्या हो गया 58 में, 58 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, द्वंद्व समास हो जाएगा, देव असुर हो जाएगा, द्वंद्व समास, देव और असुर, ये दोनों हो गया ना इस प्रकार से। अगला देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर 59, देशांतर में कौन सा समास है, तो देशांतर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। देशांतर में आपका कौन है, कर्मधारय समास है, इसमें भी आपको बहुत अपवाद रहते हैं एग्जामों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दीनानाथ में कौन सा समास है, दीनानाथ, दीनानाथ, दीनों के नाथ, है ना, दीनानाथ, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। कि जिसे किसी वस्तु की स्प्राहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, जिसे किसी वस्तु की स्प्राहा ना हो उपयुक्त शब्द होगा, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका। चलिए साथियों फटाफट आंसर दीजिएगा और फटाफट यहाँ पर हम लोग टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर, निस्प्राह, ठीक है, क्या होगा, निस्प्राह, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, याद रखिए निस्प्राह होगा, ठीक है। बड़ा यहाँ पर देखो बड़ा की मात्रा, यहाँ पर छोटा की मात्रा है, तो आपका जवाब कौन होगा, ये वाला आपका होगा, ठीक है, निस्प्राह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो और जिसकी पूर्व से कोई आशा नहीं होती है उसे बोलते हैं अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित, और जवाब कौन सा आपका, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, कनिष्ठिका और मध्यमा, इन दोनों के बीच की जो उंगली होती है उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर इसे बोलते हैं अनामिका, और अनामिका कौन सा सही लिखा हुआ है, डी नंबर लिखा है अनामिका, ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसके पेट में माने रस्सी अर्थात रस्सी को दाम भी बोलते हैं, तो जिसके पेट में माने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। चलिए साथियों बिल्कुल सही जवाब आ रहा है और उसे बोलते हैं दामोदर, ठीक है, दामोदर, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर। आपने झांसी वाली रानी का नाम सुना था ना, उन्होंने अपने पुत्र को कह सकते हैं जो दत्तक पुत्र था उसको पीठ में बांधा था, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका दामोदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, पीछे पीछे चलने वाला के लिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, और यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पर सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन आपका हो जाएगा अनुगामी, क्या बोलते हैं उसे, अनुगामी बोलते हैं, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा मर्माहत, क्या होता है, मर्माहत होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर जवाब बी सही हो जाएगा, जिसके हृदय में आघात हुआ हो उसे बोलते हैं मर्माहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए शब्द बताइए, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए शब्द क्या होगा, सही जवाब यहाँ पर आ चुके हैं और आ भी रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पदच्युत, ऑप्शन आपका यहाँ पर जवाब आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, और अच्छा प्रश्न आपका है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट
इसे बोलते हैं अमूल्य। क्या बोलते हैं? अमूल्य बोलते हैं। याद रखिए बहुमूल्य मत बोलिएगा, कि जिसकी कोई कीमत ना हो उसे बोलते हैं अमूल्य, ठीक है, कोई कीमत ना हो। और जो बहुत महंगा होता है उसे बोलते हैं बहुमूल्य, है ना, लेकिन इसकी कोई कीमत ही नहीं है तो आपका अमूल्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, जैसे गर्ल्स होती हैं बहुत, मतलब सभी नहीं, लगभग 80% वो एक लिमिट होती है, एक रोटी दो रोटी, एक रोटी दो रोटी, है ना। तो यहाँ पर जो थोड़ा नपा तुला भोजन करते हैं, गिनकर बिल्कुल करते हैं, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं मिताहारी। क्या बोलते हैं? मिताहारी। और जो कि ऑप्शन आपका कौन सा, यहाँ पर आपका जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा, मिताहारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए क्या बोलते हैं? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, पहले के समय में गुरु और शिष्य जो कि देखते हैं कि जो शिष्य थे वो कुटी में जाकर रहते थे, है ना। चलिए तो यहाँ पर 10 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, अंतेवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतेवासी बोलते हैं, आश्रमवासी नहीं, अंतेवासी, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पतयुक्त स्त्री को एक शब्द कहते हैं, जो पतयुक्त पत्नी होती है, स्त्री होती है, जो पतयुक्त स्त्री होती है उसे क्या बोलते हैं? तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, पतयुक्त स्त्री को सधवा बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सधवा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, चलिए साथियों जवाब दीजिए, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए शब्द बताइए, और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, और जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, 12 ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, नारद, ठीक है, नारद मुनि है, ये झगड़ा लगाते थे, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, है ना, झगड़ा लगाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तिलक लगाने के लिए किस अन्य का प्रयोग होता है? देखते हैं कि जो तिलक लगाते हैं ना, तो ऐसे आप लोग बोलते हैं चावल, है ना, लेकिन जो तिलक लगाने के लिए अन्य का प्रयोग करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं अच्छत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छत बोलते हैं, वेरी गुड, अच्छा यहाँ पर तैयारी है, और जवाब यहाँ पर भी अच्छत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही धनाधन तैयारी होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है, किताबों से पढ़ते रहिए, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं। चलिए, जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसे लिए यहाँ पर बताना है क्या शब्द होगा, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, जवाब यहाँ पर आपका अंत्यज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंत्यज, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उसे अछूत मत बोलिएगा, ना ही शूद्र बोलिएगा, ठीक है, ना ही अंत्यज बोलिएगा, यहाँ पर क्या बोलेंगे? अंत्यज बोलेंगे, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महल के भीतरी भाग को किसी शब्द में जानते हैं, किस शब्द में जानते हैं, यहाँ पर होगा कि महल के भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? महल के भीतरी भाग को, बिल्कुल सही जवाब है, अंतःपुर बोलते हैं, ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अंतःपुर होता है, ठीक है। चलिए अगला है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, जो लोग अभी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो लाइक कर दीजिए, हमें भी अच्छा लगे और आपको अच्छा लगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग ही रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तभी वीडियो आपको देख भी रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत अधिक बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, वाचाल, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द बताइए, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द बताइए, 17 का जवाब देना है, और जवाब यहाँ 17 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है, उन्हें चंद्रशेखर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? उन्हें चंद्रशेखर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द बताइए, जिसके हृदय में ममता नहीं है, क्या होगा जवाब यहाँ पर? तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा, निर्मम बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? निर्मम बोलते हैं, आपका सी हो जाएगा, निर्दय मत बोलिएगा, ठीक है, निर्दय मत बोलिएगा, क्या बोलेंगे? निर्मम बोलेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सी, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम बोलते हैं, ठीक है। यही छोटी छोटी त्रुटियों को यहाँ पर समझना है, ठीक है। चलिए अगला है कि जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए, जिसका इलाज ना हो सके। चलिए साथियों, 19 का जवाब बिल्कुल दीजिए, फटाफट दीजिए, यहाँ पर सोचने का समय मत लीजिए। तो जवाब यहाँ पर जिसका इलाज ना हो सके उसे हम बोलते हैं असाध्य। क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, असाध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द बताना है, जिसे जीता ना जा सके। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, यहाँ पर बातें कम कीजिए, यहाँ पर पढ़ाई पर फोकस करिए। जवाब यहाँ पर आपका 20 का हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका, जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजय। क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला या रखने वाला, तो यहां पर आपका सही जवाब 21 का क्या हो जाएगा? 21 बिल्कुल सही जवाब है, जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु, जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एग्जाम में क्या होता है कि बिल्कुल सेम जैसे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ी थोड़ी आपकी स्थिति मात्राओं का डिफरेंस होता है, आप सोचते हैं कि हमने तो बिल्कुल सही करके आए हैं, हमारे 50 में 47 सही होंगे, बल्कि जब आंसर की आती है तो आपके 35 सही होंगे। इसका मतलब है कि यही त्रुटियां आपकी एग्जाम में दिक्कत करती है ना, तो इसीलिए रिवीजन कराया जाता है ताकि आप उन त्रुटियों को आप समझ सकें कि क्या क्या छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए यहाँ पर आपको शब्द बताना है, और जवाब क्या हो जाएगा आपका? याद रखिएगा, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सधवा बोलते हैं, ठीक है, सधवा बोलते हैं, जो कि अभी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के मिला था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि जो छीण ना हो सके, जवाब सही क्या हो जाएगा आपका? 23 का, तो 23 का ऑप्शन राइट आपका, जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका, सी नंबर, अच्छा बोलते हैं, जो छीण ना हो सके उसके लिए क्या बोलते हैं? अच्छा बोलते हैं, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द बताइए, और जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं, ज्ञानी नहीं बोलना, क्या बोलेंगे उसे? उसे सर्वज्ञ बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमेशा रहने वाला उसके लिए क्या बोलते हैं?
जो हमेशा रहने वाला, उसके लिए क्या बोलेंगे? सही जवाब यहाँ पर 25 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। उसे जो हमेशा रहने वाला होता है उसे हम लोग शाश्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाश्वत बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, से जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए बताना है, जिस पुरुष की स्त्री साथ नहीं है उसको क्या बोलेंगे? चलिए यहां पर 26 का जवाब बिल्कुल सही आ चुका है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं होती उसे बोलते हैं विपत्नीक। क्या बोलते हैं? विपत्नीक। वियोगी मत बोल देना, ठीक है? आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, विपत्नीक बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहां पर जवाब हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए आपको यहां पर एक शब्द बताना है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। सही जवाब यहां पर आपका, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? देख लीजिए चारों ऑप्शन में गलती ना हो। असुर स्पया, कौन सा? डी नंबर आपका सही हो जाएगा। असुर स्पया बोलते हैं, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए शब्द बताना है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, और जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपके यहां पर सही हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द बताइए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसके लिए एक शब्द बताना है, और क्या बोलेंगे उसे? पत्रहीन बोलेंगे क्या? अपत बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? अपत बोलते हैं, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं? तैरने की इच्छा को, यहां पर मानते हैं कि 75% बच्चों को यह टॉपिक बिल्कुल इजी लग रहा है, लेकिन 25% ऐसे बच्चे हैं जिनको यहां पर छोटी छोटी बारीकियों को ज्ञान नहीं है, गलती कर रहे हैं अभी भी। तो तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं? इसका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, इसे बोलते हैं तितिरसा। क्या बोलते हैं? तितिरसा बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द बताइए, जिसे बुलाया ना गया हो, और जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलते हैं? जवाब यहां पर आपका सही हो जाएगा आपका, जिसे बुलाया ना गया हो। क्या बोलेंगे भाई यहां पर? जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर, अनाभूत होगा। अनाभूत होगा याद रखिए, अतिथि नहीं होगा, ठीक है? अतिथि क्या होता है भाई? कि बिना पहले किसी सूचना के जो आ जाता है उसे बोलते हैं, ठीक है? तो आपका जवाब यहां पर जो पूछा गया था उसका आपका सी हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए अगला है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए क्या बोलते हैं? यहां पर आपका जवाब सही हो जाएगा मोक्ष। क्या बोलते हैं? मोक्ष बोलते हैं, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, और यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 33 को ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका नेपथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपथ्य बोलते हैं, ऑप्शन राइट आपका यहां पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए यहां पर शुद्ध शब्द बताइए, हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी, और यहां पर 34 को ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? डी नंबर आपका हो जाएगा समिधा। क्या होता है? समिधा होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं? पेट में जो अग्नि लगी होती है, हैं, बोलते हैं ना पेट में बहुत जलन हो रही है, तो उस जलन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जठराग्नि, ठीक है? जठराग्नि बोलते हैं, और जो आपके समुद्र में आग लगती है उसे बड़वाग्नि बोलते हैं, और जंगलों में आग लगने वाले को दावाग्नि बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे अकिंचन बोलते हैं साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, और जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए इसका कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे बोलते हैं दिगंबर। क्या बोलते हैं? सी नंबर आपको हो जाएगा, दिगंबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो क्या बोलते हैं? जवाब यहां पर आपका सही क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा आपका यहां पर कानीन बोलते हैं, याद रखिएगा कानीन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? कानीन, ठीक है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, यहां पर आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन राइट 39 का सी नंबर, इसे बोलते हैं पाथेय। क्या बोलते हैं? पाथेय बोलते हैं, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधी रात का समय, आधी रात का समय, और आधी रात का समय होता है निशीथ। क्या होता है? निशीथ होता है, ऑप्शन राइट आपका यहां पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द यहां पर बताना है, यहां पर देख सकते हैं जो आपका जवाब दिया है क्या, स्वयं सेवक, स्वयं सेवक के लिए यहां पर शब्द पूछा है, और स्वयं सेवक के लिए जो शब्द बनेगा आपका क्या बनेगा? जवाब यहां पर आपका हो जाएगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, ऑप्शन सी हो जाएगा, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, जवाब क्या हो जाएगा आपका यहां पर? इसे अंतेवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतेवासी बोलते हैं।
तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर अंतेवासी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला आसन, हाथी के पीठ पर जो आसन रखा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। जवाब यहां पर 43 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहां पर बी नंबर हौदा बोलते हैं उसे। ठीक है, क्या बोलते हैं, हौदा बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, 44 का ऑप्शन राइट आपका सही क्या हो जाएगा। तो जवाब यहां पर बिल्कुल सही है, 44 का ऑप्शन राइट यहां पर आपका हो जाएगा अप्रमेय, क्या हो जाएगा, अप्रमेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, इसके लिए शब्द क्या बनता है, याद रखिए इसके लिए शब्द बनता है औपनिवेशिक। ठीक है, औपनिवेशिक ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द बताइए, असुर स्पर्श्या। अभी यह प्रश्न आपका आया था असुर स्पर्श्या मतलब क्या होता है, असुर इस असुरम पस्या है ना, असुरम पस्या है। तो जवाब यहां पर 46 से क्या हो जाएगा ऑप्शन राइट, तो रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, क्या होता है, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, एक ये भी आता इसका होता है। देखो उसमें थोड़ा सा आपका डिफरेंस था, असुर स्पर्श्या था, यहां पर असुर मतलब मा भी लगा हुआ है आपका। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए शब्द बताना है, और उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो भाई यहां पर वसीयत धरोहर मत लगाइएगा, रिक्त होता है, क्या होता है, रिक्त, ऑप्शन आपका यहां पर ए सही हो जाएगा, रिक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताइए, गिरा हुआ के लिए यहां पर शब्द बताना है, और गिरा हुआ के लिए जो शब्द आपका सही बनेगा वो आपका होता है पतित, क्या होता है, पतित होता है साथियों, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द बताइए, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, जवाब सही क्या हो जाएगा आपका, तो आपका जवाब यहां पर हो जाएगा उसे बोलते हैं कृतार्थ, क्या बोलते हैं, कृतार्थ बोलते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कृतार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द बताइए, जो नियम विरुद्ध के होते हैं और उनकी जो सूची होती है असामाजिक कार्य होते हैं उनको काली सूची बोलते हैं। ठीक है, काली सूची। अगला क्वेश्चन है जो नल में चलता है, जो नल में चलता है उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर साथी जो नल में चलता है उसके लिए शब्द होता है खेचर होता है, ना कि खच्चर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया है वो आपका यहाँ पर गलत दिया है, जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा खेचर, या इसे बोलते हैं नवचर बोलते हैं। ठीक है, खेचर या नवचर बोलते हैं, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए हम पढ़ा देते हैं, पीडीएफ बाद में देते हैं। चलिए अगला है कि व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द बताइए, व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द, 52 का जवाब सही क्या हो जाएगा आपका, और जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसे व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, और बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए शब्द होता है अतिशयोक्ति, कलेजे पर सांप लोटना। चलिए साथियों जवाब दीजिए बिल्कुल फटाफट, हम लोग रहते हैं जल्दी से टेस्ट को सॉल्व करें, कलेजे पर सांप लेटना मुहावरे का अर्थ होता है, ऑप्शन राइट आपका यहां पर जवाब बिल्कुल सही आ चुका है आपका बी नंबर, ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, सिर से पानी गुजर जाना, चलिए साथियों ऑप्शन आपका यहां पर सही क्या हो जाएगा, तो सहनशीलता की सीमा टूट जाना, वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ, थ्री का जवाब, तो आंखों में गड़ना अर्थात मन में खटकना। ठीक है, मन में खटकना, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाँ कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, वस्तु को पाने की उत्कर्ष लालसा होता है, लेकिन जब ऑप्शन में ये हो मन में आंखों में गड़ना मन में खटकना, कोई बात बोलते ना कि बात जो लग चुकी है खटक रही है ना, तो ये चीज हो जाता है। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, फोर का जवाब दीजिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, फोर नंबर, और फोर का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहां पर आपका सही हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना, फाइव ऑप्शन राइट, और अकल पर पत्थर पड़ना मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त जो मुहावरा होगा कौन हो जाएगा, सिक्स का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहां पर आपका हो जाएगा सिर खाना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सिर खाना, वहां अवांछित मतलब बोलते ना क्या कैसी बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहे, सिर खा लिया उतनी देर से, वो चीज है ना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ। सेवन नंबर, किसी बच्चे ने कहा था कि कोई भी प्रश्न सरल और कठिन नहीं होता है क्योंकि एग्जाम में वैल्यू पूरे के पूरे एक होती है, तो यह मैं समझिए कि यह प्रश्न सरल है, एग्जाम में वैल्यू आपकी बराबर होगी, तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है आपका सी नंबर, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ठीक है, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ बताइए, चलिए साथियों गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का अर्थ,
वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, सही अर्थ बताइए। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, नाइन का जवाब यहां पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, झूठा दिखावा करना। दोस्तों जवाब आपका भी हो जाएगा झूठा दिखावा करना, ठीक है। तन पर नहीं लगता मतलब देखो कि बहुत आप लोगों को ऐसे होता है बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, बल्कि ऐसा होता कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, घी के दीपक जलाना मोहरे का सही अर्थ बताइए। घी के दिए जलाना मोहरा अर्थ होता है, 10 का ऑप्शन राइट। और बिल्कुल सही जवाब है खुशी मनाना है, खुशियां मनाना, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का अंधा गांठ का पूरा, लुकुक्ति का सही अर्थ बताइए। आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो यहां पर अंधा नहीं होगा भाई, मूर्ख धनी, ठीक है। मूर्ख है और धनी है। आप लोग देखते हैं कि कोई कोई होता है गांव में बहुत धनी होता है लेकिन दिमाग नहीं होता है कि उसको पैसे का अर्जित कैसे किया जाए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आग में घी डालना मोहरे का सही अर्थ बताइए। आग में घी डालना होता है, कभी कभी ऐसा वो देखने को मिलता है। आग में घी डालना मोहरे का सही अर्थ होता है, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीचड़ उछालना मोहरे का सही अर्थ, कीचड़ उछालना मोहरे का अर्थ हो जाएगा। चलिए साथियों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बदनाम करना, ऑप्शन सी हो जाएगा बदनाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, तो यहां पर सही पूछा क्या गया है, अपना उल्लू सीधा करना मोहरे का पूछा है, अपना उल्लू सीधे करना अर्थात यहां पर हो जाएगा स्वार्थ पूर्ति। स्वार्थ पूर्ति जब काम निकल जाता है तो अपना उल्लू सीधा कर लेता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कपटी मित्र, कपटी मित्र यहां पर बताना है, कपटी मित्र 15 का ऑप्शन, आस्तीन का सांप, ठीक है, आस्तीन का सांप। देखो दोस्त जो होता है बिल्कुल पास होता है, हो सकता है कि अपने दिल की हर बातें अपने दोस्त को बता दी जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर वही ऐसा दोस्त अगर हो जो आपकी पोल को खोल दे दूसरे या कपट करे आपके साथ, उसे बोलते हैं आस्तीन का सांप। अगला है, बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसने या उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। सारा काम रुक गया मतलब कि बात यहां यह हो गई कि सारा काम रुक गया मतलब बात यह हो गई कि गुड़ गोबर हो गया। क्या हो गया? गुड़ गोबर हो गया, ठीक है। बोलते हैं इतना काम किया यार, सब गुड़ गोबर कर दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, ये पॉइंट याद रखना, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहते हैं। उनका लेखन अति उत्तम है, तो लेखन अति उत्तम है, लेखन अति उत्तम है, इसका बताना है, इसके लिए मोहरा बताना है, लेखन अति उत्तम है मतलब कि तूती बोलना, कलम तोड़ना या तूती बोलना, लेखन अति उत्तम है। तो यहां पर जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यहां पर क्या हो जाएगा, कलम तोड़ना, यहां पर ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, तूती बोलना नहीं होगा, लेखन अति उत्तम है, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना आपकी राइटिंग बहुत अच्छा चल रही है, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते कलम तोड़ लिखता है, बोलते हैं ना कलम तोड़ना, तो ये आपका बी हो जाएगा, यहां पर आपका डी नहीं, आपका बी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मोहरे का चयन कीजिए। विवेक ने क्या किया, बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने क्या किया, विवेक सर नहीं है एग्जाम्पल वाले, ठीक है। चलिए, यहां पर बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक सर ने क्या किया भाई, घर सिर पर उठा लिया, घर सिर पर उठा लिया, यहां पर आपका ये हो जाएगा भाई, ठीक है, यहां पर ये भरा जाएगा, बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक सर ने घर सिर उठा लिया। अगला, यहां पर अंधों में काना राजा अर्थ बताइए, अंधों में काना राजा अर्थ बताइए, अंधों में काना राजा 19 का जवाब, तो अज्ञानियों में अल्पज्ञान वाले का सम्मान होना, ठीक है, मतलब अज्ञानी है अल्पज्ञान है और उसका सम्मान हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है भाई, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, ऑप्शन आपके यहां पर डी सही हो जाएगा। अंधेर नगरी का अर्थ बताइए, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का जवाब यहां पर सही क्या हो जाएगा आपका, तो यहां पर साथियों जवाब बिल्कुल साथ में आना चाहिए। और जितने लोग नए हैं हमने बता दिया है, वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अंधेर नगरी, तो 21 का जवाब यहां पर सही आ चुका है, सभी का जवाब है यहां पर कि अन्याय की जगह, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, अन्याय की जगह, अंधेर नगरी अन्याय की जगह। आग में घी डालना का अर्थ क्या होता है, किसी के क्रोध को भड़काना, है ना, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, जो कि अभी आपने पढ़ा था। आड़े समय पर काम आना का अर्थ, आड़े समय पर काम आना का अर्थ बताया है, आड़े समय पर काम आना मतलब होता है जब कभी कभी देखते हैं ना कि आपकी जेब में रुपए पड़े हुए हैं, कहां पर, मोबाइल में, और इसके बाद आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि हमारे थैली में तो कोई पैसा नहीं है, तब आपने देखा कि अरे यार हमने मोबाइल में रख लिया था यार, चलो कम से कम ये काम आ गया, तो मुसीबत में काम या मुसीबत में सहायक होना, इस प्रकार से उसे हम लोग जोड़ सकते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति जो हो जो मुसीबत के समय आपको साथ दे, वही सबसे बड़ा भगवान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर, ईमान बेचना का अर्थ बताइए, ईमान बेचना का अर्थ, चलिए साथियों, ईमान बेचना का अर्थ होता है आपका तो अपने कर्तव्य से हट जाना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अपने कर्तव्य से हट जाना। काठ का उल्लू का अर्थ बताइए, काठ का उल्लू, काठ का उल्लू जो होता है वो मूर्ख होता है, क्या होता है, मूर्ख होता है काठ का उल्लू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है, द्रौपदी का चीर, आपने महाभारत देखा होगा, द्रौपदी का चीर हरण देखा होगा, उस समय देख रहे थे कि सारी खत्म ही नहीं हो रही थी, अर्थात कभी ना समाप्त होने वाला, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है भागीरथ प्रयत्न का अर्थ, भागीरथ प्रयत्न का अर्थ, भागीरथ अर्थ बताया, बताइए भाई, तो भागीरथ को अगर आप जानते हैं तो इसका जवाब आप जरूर दे पाएंगे कि भागीरथ ने बहुत कठिन परिश्रम किया था, अपने कई पूर्वजों की
यहाँ पर कह सकते हैं उनको मुक्ति दिलाने के लिए, ठीक है, कहते हैं कि 1000 लोग थे और वो लोग श्राप से नष्ट हो गए थे, तो उनको श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए, गंगा को पृथ्वी में लाने के लिए भागीरथ ने बहुत अथक प्रयत्न किया, प्रयास किया। वही चीज है कि भागीरथ प्रयत्न 27 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, असाधारण प्रयत्न, मतलब कि जिसे हम लोग कह सकते हैं बहुत ज्यादा उन्होंने संघर्ष किया हो, ठीक है। तो यहां पर आपको भी संघर्ष इसी प्रकार से करना है, अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको भागीरथ प्रयत्न करना होगा। ये मत सोचो कि चलो हमने यूट्यूब से पढ़ के हमने यहाँ पर एग्जाम फाइट कर दिया, ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो एग्जाम पा जाने के बाद उदाहरण देते हैं कि हमने यूट्यूब से पढ़ लिया था और हम खुद से पढ़ लिए हैं और इसके बाद जॉब पा लिए, बिल्कुल फेक होते हैं, ठीक है। याद रखना, बुकों से पढ़ना, कोचिंग से पढ़ना, गुरु से पढ़ना, यूट्यूब से पढ़ना, सब मिला के पढ़ाई होती है, तभी वो अथक प्रयास करने के बाद एक जॉब पाता है, और जिस दिन ईमानदारी से जॉब पाता है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक बार वीडियो को लाइक करिए, हम भी आगे बढ़ते हैं। चलिए भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ बताइए। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ होता है दृढ़ प्रतिज्ञा लेना। भीष्म प्रतिज्ञा हो गया दृढ़ प्रतिज्ञा, अर्थात आप भी प्रयत्न करिए, आप भी प्रतिज्ञा कर लीजिए कि नहीं, हमको अपने मार्ग से तब तक नहीं हटना है, तब तक नहीं हटना है जब तक हमारा लक्ष्य और हमारा गोल हमारे पास ना हो, हमारी जॉब हमारे मुट्ठी में ना हो, तब तक आप प्रयास करिए, ठीक है। कभी हार मत मानिए, दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है खून पानी होने का अर्थ, खून पानी होने का अर्थ, और 29 का जवाब क्या हो जाएगा, खून पानी का अर्थ हो जाएगा बी नंबर, कोई असर ना होना, ऑप्शन बी हो जाएगा, कोई असर ना होना। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि अंतरियों में बल पड़ना, अंतरियों में बल पड़ना मोहरे का अर्थ हो जाएगा, अंतरियों में बल पड़ना अर्थात बहुत हंसना। क्या होता है कि जब आप लोग बहुत हंसते बोलते हैं आते ना निकल आए बाहर, बोलते हैं ना ऐसे ही, तो ये होता है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंगूठा दिखाने का अर्थ बताइए, अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाया ना, इंकार करना, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इंकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उल्लू सीधा करना अर्थ बताइए, उल्लू सीधा करना, तो उल्लू सीधा करना मतलब होता है अपना काम निकालना, ऑप्शन डी हो जाएगा, अपना काम निकालना। अगला है माथा ठनकना का अर्थ बताइए, माथा ठनकना, माथा ठनकना मतलब क्या होता है, बोलते हैं हमारा माथा ठनक रहा है, अभी मान जाओ नहीं बाद में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बाद मतलब होता है आशंका अर्थात अनिष्ट की आशंका, अर्थात कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है, अनिष्ट की आशंका। अगला क्वेश्चन है कि ठीकरा उठना का अर्थ, ठीकरा उठना का अर्थ, ये आपके लिए टफ हो सकता है, ठीकरा शब्द क्या है, तो किसी के सर झूठा दोष लगाना, ठीक है, क्या होता है किसी के सर झूठा दोष लगाना होता है ठीकरा उठना। उलटफेर होने का अर्थ बताइए, उलटफेर होना, उलटफेर होना मतलब होता है बिल्कुल है परिवर्तन होना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, परिवर्तन होना। अगला है पेट में दाढ़ी होने का अर्थ बताइए, पेट में दाढ़ी होना, चलिए साथियों पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी तो नहीं होती है, है ना, लेकिन लेकिन क्या होता है, देखने में सीधा परंतु चालाक होना, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखो पेट में दाढ़ी होना मतलब बोल देते हैं जो जो बुजुर्ग होते हैं, बहुत बुजुर्ग होते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं कि आपको लगेगा नहीं कि ये तो पागल है ना, लेकिन कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है, आप डिप्लोमा करिए कुछ भी करिए, लेकिन अगर आप ओल्ड जितना ओल्ड होते जाएंगे आपको प्रमोशन मिलता जाएगा, वहां पर पढ़ाई लिखाई आपको वैल्यू नहीं रखेगा, आपका एक्सपीरियंस वैल्यू रखता है। तो यहां पर बोलते हैं पेट में दाढ़ी होना अर्थात जो बुजुर्ग होता है देखने में सीधा किंतु चालाक होना। चलिए अगला क्वेश्चन है पापड़ बेलना का अर्थ बताइए, पापड़ बेलना बोलते हैं बड़ा मुसीबत उठाया भाई, बहुत मुसीबत उठाए तब हमको अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना 38 नंबर, और कान का कच्चा होना मतलब क्या होता है भाई, सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सुनी बात पर विश्वास करना, किसी बात को सुन लिया, बोला कि हमारे घर के बगल में किसी को दिक्कत हो गई, पूरे गांव में हल्ला मच गया, लेकिन वो नहीं थे, कोई दूसरे थे पड़ोसी, है ना, सुनी सुनी बातें हवा में फैल जाती हैं, ऐसी बहुत चीजें होती हैं यूट्यूब में देखने मिलती हैं, है ना। चलिए 19-20 होने का अंतर, 19-20 होने का अंतर, 19-20 मतलब बहुत कम अंतर होना, है ना, बोलते हैं ना कि शादी जैसे होती है शादी, तो शादी में बोलते हैं कि यार लड़का यार वो जॉब करता है थोड़ा सा सांवला है, लड़की गोरी है, तो कहते चलो 19-20 काम है, 19-20 है, चलो लेते में काम चल जाएगा, तो 19-20 मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जोड़ी भगवान ऐसे ही बना के भेजता है, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है पानी ना मांगने का अर्थ बताइए, पानी ना मांगने का अर्थ बताइए, पानी ना मांगना 40 नंबर है, पानी ना मांगना अर्थात तत्काल मर जाना, ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्काल मर जाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कलेजा होना का अर्थ, कलेजा होना, कलेजा होना, कलेजा होना मतलब हिम्मत होना, बोलते ना कलेजा हो तो आ जाना, है ना, बोलते हिम्मत होना, ये हो जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ बताइए, दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना मतलब क्या होता है भाई, हैरान होना, उसी चीज को देख लेते हो, अरे राम रे ऐसा भी होता है, चलिए हैरान होना सी नंबर। अगला है आंखों पर चर्बी छाना अर्थ बताइए, आंखों पर चर्बी छाना, यहाँ पर आज सब कुछ हो रहा है, आंखों पर चर्बी छा गई है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो अभिमान करना, यहाँ पर सी हो जाएगा, अभिमान करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कूप मंडूक होने का अर्थ बताइए, कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना 44 नंबर, तो कूप मंडूक होने का मतलब होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना, जिसका जवाब सही है, बिल्कुल सही है, मतलब कूप मंडूक मतलब हुआ जो कुएं का मेढक होता है वो एक लिमिट एरिया को ही जानता है, वो सोचता है कि मैं तो दुनिया घूम लिया, लेकिन कुएं के बाहर जब आता है और किसी समुद्र या किसी तालाब में, किसी तालाब की बात कर लो, अगर उसमें जाता है तो उसे लगता है अरे यार दुनिया बहुत बड़ी है, तो कुएं का मेढक जो होता है उसको लगता है कि बिल्कुल अत्यंत है, तो वही है कूप मंडूक होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। अगला है गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना मोहरे का अर्थ,
और गुड़ गोबर अदरक होता है बना बनाया काम बिगड़ गया, बनाया काम बिगाड़ना। अगला क्वेश्चन है कि न तीन न तेरा मतलब किसी काम का ना होना, ठीक है, किसी काम का ना होना, डी नंबर, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन आपका है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। चलिए दोस्तों यहां पर हम लोग जो कि कवियों से संबंधित यहां पर टेस्ट यहां पर लगा लेंगे, और जितने लोग यहां पर नए हैं सभी लोग वीडियो लाइक करिए भाई, इतनी देर हो गया हल्ला मारते मारते, आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, हम लोग फिर यहां पर आत्मकथाओं से संबंधित यहां पर जानकारी देते हैं। कह रहा है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी रचना है, किसकी कृति है। चलिए 49 का जवाब देना है, और 49 का राइट आपका जवाब यहां पर आपका बी हो जाएगा, मोहनदास नैमिसराय, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है इद्दनमम रचना किसकी है, इद्दनमम किसकी रचना है, इद्दनमम रचना जो है किसकी है। तो ये रचना है आपके जवाब यहां पर आपका डी हो जाएगा, मैत्री पुष्पा की, ठीक है, मैत्री पुष्पा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति या किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वेरी आईपी क्वेश्चन आपका है, 51 का जवाब यहां पर आपका सी हो जाएगा, जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है, उर्वशी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहां पर 52 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा, साहित्य ज्ञानपीठ पूछा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत को, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार के नाम से जाना जाता है, पड्डी नंबर। अगला तार सप्तक के संपादक कौन थे, तार सप्तक के संपादक, चलिए तार सप्तक के संपादक यहां पर हो जाएगा 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अज्ञे जी की है, ठीक है, यहां पर संपादक कौन थे, अज्ञे, 53 का ऑप्शन आपका यहां पर आपका हो जाएगा बी नंबर, अज्ञे। अगला क्वेश्चन है कि गीत फरोज के रचयिता आपके हैं भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है मधुशाला की रचयिता कौन है, मधुशाला की रचयिता पूछा गया है, मधुशाला की रचयिता, सबका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, तो ये जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आवारा मसीहा के लेखक कौन है, आवारा मसीहा के यहां पर लेखक पूछा गया है, आवारा मसीहा के लेखक आपके हो जाएंगे कौन, तो आपका जवाब यहां पर आपका सी नंबर, विष्णु प्रभाकर, ठीक है, विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम का सिपाही किसने लिखी, और कलम का सिपाही लिखी है अमृत राय, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अमृत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्षाबंधन नाटक की रचयिता कौन है, रक्षाबंधन नाटक की रचयिता, एक दिन वीडियो में कोई राहुल कुमार थे, वो सिस्टर को ढूंढ रहे थे, है ना, बोले थे हमें किसी बहन की जरूरत है, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, बहन के नाम पे किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, अगर के लिए दे देते शायद। चलिए रक्षाबंधन नाटक की रचयिता पूछा गया है, यहां पर 58 का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, यहां पर हरिकृष्ण प्रेमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है, 59 का ऑप्शन आपका यहां पर जो भारत दुर्दशा है, अंधी नगरी है, और चंद्रावली नाटिका भी है, लेकिन स्वर्ण विहार नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अंजो दीदी के रचनाकार बताइए, अंजो दीदी है और इनके रचनाकार पूछा गया है, और जवाब यहां पर आपका सही हो जाएगा सी नंबर, उपेंद्रनाथ अस्क, ठीक है, सी नंबर उपेंद्रनाथ अस्क। चलिए जवाब देते रहिए भाई, आप लोग सुने मत कि हम सुनाते चले हैं, इनमें से मोहरा की कृति कौन सी है, चलिए जवाब दीजिए 61 नंबर। तो यहां पर राकेश की जो मोहन राकेश थी इनकी कृति पूछा है, और मोहन राकेश की जो कृति है वो लहरों के राजा हंस, ए नंबर आपका हो जाएगा, लहरों के राजा हंस। अगला है दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है, 62 का जवाब। अगर आपको मजा आ रहा हो टेस्ट लगाने में तो एक बार दिल खोलकर वीडियो लाइक करिए, शेयर भी करिए। चलिए 62 का जवाब यहां पर आपका ए नंबर हो जाएगा, नामवर सिंह, दूसरी परंपरा खोज की जो कृति के लेखक हैं वो आपके नामवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है, बिहारी रत्नाकर देख सकते हैं पूरा का पूरा है, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है, तो बिहारी रत्नाकर के रचयिता यहां पर जवाब हो जाएगा सी नंबर आपके, रत्नाकर जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, ये जो आपकी आत्मकथा है वो किसकी है, तो आपका जवाब यहां पर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, हरिवंश राय बच्चन। यहां पर कभी आपने गौर किया है कि बच्चन में सिंगल इन्वर्टेड कामा क्यों लिखा है, क्योंकि ये उनका उपनाम है, और जिनका भी उपनाम होता है वो सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही मिलेंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है, तुम चंदन हम पानी, चलो जवाब दो, यह विद्या निवास मिश्र की है, ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्या निवास मिश्र। माटी की मूर्तें ये जो आपकी पंक्ति कह सकते हैं कृति है, ये आपकी किसकी है, तो माटी की मूर्तें हैं रामरक्ष बेनीपुरी की, ऑप्शन बी हो जाएगा, रामरक्ष बेनीपुरी। अगला है प्रेम पच्चीसी के यहां पर जो कहानी संग्रहकार है वो आपकी कौन है, तो आपकी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका होता है साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा डी नंबर। अगला प्रेम सागर के लेखक कौन है, प्रेम सागर आपके लल्लू लाल प्रेम सागर, लल्लू है
प्रेम है, लल्लू लाल प्रेम सागर। अगला है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपके राम का, ठीक है। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्याग पत्र जो कि एक उपन्यास है, इसकी रचना किसने किया है, त्याग पत्र जो रचना है उपन्यास है और इसकी रचना जो किया है वाक्य किसने किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार, बी नंबर। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो देख सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है, तो भारतीय भाषा में साहित्यकारों की रचनात्मक लिखन हेतु, सी नंबर हो जाएगा कि भारतीय भाषा में, ठीक है, भारतीयों के लिए ही दिया जाता है, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के लिए रचनात्मक लिखन हेतु। भाव विलास के रचयिता कौन थे, भाव विलास के जो रचयिता थे वाक्य थे देव, ठीक है, देव जी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कंठ विष पाई इसकी रचना है, एक कंठ विष पाई ये जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, ये दुष्यंत जी का नाटक है, ठीक है, दुष्यंत जी की रचना है। अगला है कुकुरमुत्ता की रचयिता कौन है, कुकुरमुत्ता भी पूछा गया था एग्जाम में, कुकुरमुत्ता की रचयिता 75 नंबर, और ये है निराला पंत जी, निराला ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है इनमें से निराला जी की कविता कौन सी है, चलिए निराला जी की यहां पर पूछा गया है, यहां पर 76 का जवाब यहां पर आपका हो जाएगा बी नंबर। इनमें से निराला जी की कविता है आपकी तुलसीदास, याद रखिए क्वेश्चन रख लीजिएगा, निराला जी की कविता कौन सी है, तुलसीदास है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंफ्यूज कर सकता है। अगला राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है, राम की शक्ति पूजा ये भी आपके निराला जी की है। अगला क्वेश्चन आपका है कह रहा है अंधायुग किसकी कृति है, तो धर्मवीर भारती की है, ऑप्शन बी हो जाएगा धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहां पर कि नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए भाई, नील देवी नाटक के रचयिता का नाम यहां पर पूछा गया है, और जवाब यहां पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, पुनर्जन्म ये आपका जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो पुनर्जन्म ऑप्शन राइट आपके यहां पर सही हो जाएगा आपका ए नंबर, पुनः जन्म हो जाएगा। याद रखिए विसर्ग संधि का आपका ये है, और विसर्ग संधि में जो रा होता है रा को हटा दीजिए और विसर्ग लगा के आप आंसर दे सकते हैं, तो आपका रा हट जाएगा विसर्ग लग जाएगा, इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जिसका जवाब ए आया है वो सब लोग यहां पर कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, महर्षि अगर हम लोग इसे तोड़ते हैं तो बनेगा आपका क्या, महाधन ऋषि, क्या बनेगा, महाधन ऋषि बनेगा। अब यहां पर संधि कैसे पहचानेंगे, तो यहां पर देखिए बड़ा है और यहां पर आपका ऋषि है, दोनों को मिलाने से अर बनता है, और जो अर होता है वो आपको मिलता है गुण संधि में, ठीक है। तो ये जो आपकी संधि है किस संधि की है, ऑप्शन राइट आपके यहां पर सी हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, ठीक है, गुण संधि। अगला क्वेश्चन है उल्लास का संधि विच्छेद बताइए, उल्लास, और याद रखिएगा जो डबल ला है इस एक ला को ता में बदल दीजिए और सीधा जो शब्द लिखा है उसे लिख दीजिए, यहां पर बन जाएगा उत्धनलास, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहां पर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, उत्धनलास आपके व्यंजन संधि में। याद रखिएगा जहां पर भी डबल आपको ला मिल जाए तो एक ला को ता में चेंज कर देना है, आधे ता में, और पूरे को लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यशाधन दा का संधि युक्त पद क्या होगा, यशाधन दा, तो याद रखिए आपके विसर्ग संधि में एक रूल और होता है, रूल क्या होता है कि ओ को हटा दो और विसर्ग लगा दो, ठीक है, और सीधा जोड़ के आंसर दे दो। यहां पर आपको विसर्ग दिया गया है, इस विसर्ग को हटा दो और ओ लगाकर सीधा जोड़ दो, तो यहां पर बनेगा क्या, यशोदा बनेगा, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहां पर बी हो जाएगा। हर एक पॉइंट को बारीकी समझिए, पूरा टेस्ट लगाते लगाते याद रखिएगा पूरा का पूरा यहां पर संधि विच्छेद कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बोरिंग जरूर लगेगा लेकिन याद रखिए पूरा का पूरा टॉपिक आज कंप्लीट होगा। चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए यहां पर दिया है अछौड़ी का संधि विच्छेद बताइए, अछौड़ी का संधि विच्छेद, और अछौड़ी यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो गुण संधि होता है, गुण संधि ट्रिक आपको बता रहे हैं यहां पर, ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक्स बता रहे हैं, क्या पहचाने कि गुण संधि में जो आपकी मात्रा होती है वो आपकी ए होती है और आपकी क्या होती है, ओ होती है, ठीक है, ये मात्रा आपको बीच में आती है, ठीक है, और जो आपकी वृद्धि संधि होती है उसमें मात्रा आपकी ए होती है और आपका अ होता है। अब यहां पर देखिए बीच में जो मात्रा है वो आपकी कौन सी है, अ की मात्रा है, अ की मात्रा है, इसका मतलब ये कौन सा होगा, वृद्धि संधि होगा, और वृद्धि संधि तो हो गया, इसकी पहचान क्या होगा कि अ की मात्रा है, इसका मतलब ये वृद्धि संधि है, और इसका जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहां पर बी नंबर, अच्छुधन ओहड़ी बनेगा, ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपकी रही कि गुण संधि में क्या पहचान होती है, ए की मात्रा और आपकी ओ की मात्रा, और वृद्धि संधि की पहचान होती है आय की मात्रा औ की मात्रा, जहां भी कभी बीच शब्दों में ठीक है, जिस प्रकार इसमें लगा है अगर ऐसे शब्द मिलते हैं तो आप तुरंत पहचान कर लेंगे। अभी और बताएंगे तो अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगला है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, इत्यादि, तो ये बनेगा इति धन आदि, क्या बनेगा, इति धन आदि बनेगा, और जहां भी कभी आधा शब्द लगा हो जैसे कि या रा वा ठीक है ला, इनमें अगर कोई आधा शब्द लगा हुआ है तो 100% वो जो आपका संधि बनेगा वो यण संधि बनेगा, क्या बनेगा, यण संधि बनेगा। देखो यण में देखिए जो अणा है आधा है ना, तो जहां भी इन शब्दों के आगे अगर आधा शब्द लगा है तो वो आपका यण संधि बनेगा। यहां पर इत्यादि हो गया, इति धन आदि, और आधा शब्द यहां पर जुड़ा हुआ है वो आपका हो जाएगा आपका यण संधि, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। छह वर्ण किसके योग से बना है, छह वर्ण किसके योग से बना हुआ है, ये हमने आपको बताया था वर्णमाला में,
तो छ जो बनता है का धन सा के योग से बनता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गुणा केश के संधि विच्छेद, गुणा केश। अब यहां पर देखिए हमने बताया था कि एक ही जहां मात्रा होगी वहां पर आपका क्या होगा गुण संधि होगा, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि इसमें गुण संधि है, गुण संधि में एक रूल भी होगा। रूल क्या है यहां पर, इसका जो तोड़ेंगे तो बनेगा गुणा, गुणा का धन इस बनेगा ये वाला बड़ा आ और आपका बड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से ए बनता है और ए जो होता है वो आपकी गुण संधि में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, निर्गुण का संधि विच्छेद। देखो यहां पर रा उड़ा है, रा को हटाइए विसर्ग लगाइए अर्थात यहां पर बनेगा निधन गुण बनेगा, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहां पर सी है, सी है ना, बिल्कुल इजी हो जाएगा। पूरा टेस्ट लगाइए, जो बच्चे कमजोर है वो लोग पूरा टेस्ट जरूर लगाइएगा, जिनको आता है जीरो गिरी करते हो कि हमको संधि आती है हम पहचान कर लेंगे तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे कमजोर है वो जरूर फोकस करिए, बातों पर मत रहिए। किस शब्द में गुण संधि है, अब देख लीजिए गुण संधि पूछा है और गुण संधि में क्या होता है एक ही मात्रा होती है, एक ही मात्रा होती है और यहां पर देख सकते हैं कि गुण संधि किसमें है आपके भारतीयंद में, क्योंकि मात्रा कहां है ए है, इस प्रकार से बी नंबर आपका हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए अगला है जगन्नाथ, किस संधि का उदाहरण है जगन्नाथ, यहां पर ना को हटाओ आधा जो ना है इसका परिवर्तन पंचमा अक्षर में हो जाता है तो ना का परिवर्तन आपके तमे हो जाएगा तो जगत धननाथ बनेगा, जो कि यहां पर ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा ए नंबर, ये आपका व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, इसको बनेंगे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा जगत धननाथ बनेगा, ओके। अगला क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद बताइए, पवन का संधि विच्छेद फटाफट आंसर दीजिए भाई, पवन का संधि विच्छेद क्या बनेगा तो यहां पर बनेगा पो धन अन बनेगा, पो धन अन बनेगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि ओ जब होता है और ओ प्लस आ होता है, या एक सिंपल सा एक ट्रिक समझ लीजिए कि जब कोई साधारण वर्ड लिखा हो बिना मात्राओं का तो वो अयादि संधि होता है, ठीक है, क्या होता है अयादि संधि होता है। यहां पर जब तीन अक्षर का कोई भी नाम लिखा हो मात्रा ना लिखी हो तो ये 99% चांस होंगे कि वो अयादि संधि होगा। अब यहां पर जो पवन है ये पवन तोड़ा गया तो बनेगा पोधन अन अर्थात पवन बन जाएगा। यहीं पर अगर देखा जाए कि ये लिखा हुआ है पोधन अन अर्थात बनेगा पावन बनेगा, ठीक है पावन बनेगा। तो यहां पर पूछा था पवन का और पवन का हो जाएगा पोधन अन और ये आपकी है अयादि संधि। ये ट्रिक आपकी हो गई कि तीन अक्षर का नाम हो बिना मात्रा का हो वो आपका 99% होगा अयादि संधि, समझ में आ गया ना, तीनों संधि कंप्लीट हुई। चलिए यहां पर दिया है व्याप्ति में संधि बताइए, व्याप्ति में संधि और व्याप्ति में जो संधि होगी वो आपकी कौन सी, या के साथ आधा शब्द लगा हुआ है और इसे अगर हम तोड़ते हैं तो बनेगा क्या विधन, ये बनेगा विधन आप्त बनेगा, विधन आप्त बनेगा और इस प्रकार से ये आपकी गुण संधि है। यहाँ पर ट्रिक देखो फॉलो कर रही थी कि नहीं, सॉरी यहाँ पर यह संधि है या के साथ आधा अक्षर है तो आपका हो गया सी नंबर। महाधन उदय, महाधन उदय बनेगा क्या आपका महोदय बनेगा, महोदय बनेगा और देखो ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा किसमें होती है गुण संधि में होती है, तो इस प्रकार से क्या हुआ आपका यहाँ पर गुण संधि है, महोदय में क्या है गुण संधि है, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल आ रहा होगा। एक बार जोर से सभी लोग वीडियो लाइक करिए हमको भी मजा आने लगे। चलिए सद्भावना का संधि विच्छेद, सद्भावना सदधन भावना अर्थात व्यंजन संधि में एक रूल होता है ता था दा अर्थात ता का परिवर्तन दा में होता है तो यहां पर दा का परिवर्तन ता में हो जाएगा, दा को हटाएगा और ता आ जाएगा तो सत धन भावना बनेगा जो कि ऑप्शन राइट आपके यहां पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वृत्त छाया का संधिविच्छेद बताइए, वृत्त छाया का संधिविच्छेद और ये जो आपका है ये है ये बनेगा वृक्ष धन छाया बनेगा, याद रखिएगा इसका जवाब कर डी हो जाएगा वृक्ष धन छाया बनेगा। अब ये संधि जो आपकी है व्यंजन संधि है, याद रखिएगा व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में जहां भी आपका छा हो और छा के पीछे अगर चा है ना हो तोड़ना हो तो चा हटा दीजिए और जोड़ना हो अर्थात इस प्रकार से बनाना है तो आपको चा यहां पर लगा देना है, ठीक है। तो समझ में क्या आया कि जब संधि विच्छेद करना हो तो चा को हटा दीजिए सीधा सीधा उसको लिख दीजिए वृक्ष धन छाया, ये व्यंजन संधि का एक ट्रिक या कह सकते हैं रूल होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भानुदय शब्द का संधि विच्छेद, भानुदय का भानुदय शब्द है तो यहां पर इसे पहले तोड़ो, जब इसे तोड़ेंगे तो आपका बनेगा भानु धन उदय, यहां पर भानु धन उदय कौन सा ये वाला छोटा हु प्लस छोटा हु बराबर बड़ा हु और छोटा हु और बराबर बड़ा हु जो बनता है ये आपकी किसमें होता है दीर्घ संधि में होता है, ठीक है दीर्घ संधि है तो भानुदय में क्या है दीर्घ संधि, ऑप्शन आपके यहां पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है, इसमें से देखिए कौन सा संधि विच्छेद आपका यहां पर सही है 18 नंबर और 18 का यहां पर सही हो जाएगा परम धन आत्मा, परमात्मा परम धन आत्मा यहां पर ए नंबर हो जाएगा, छोटा बड़ा बराबर बड़ा और ये रूल जो आपका होता है ये भी होता है दीर्घ संधि का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहां पर घुड़दौड़ का सही संधिविच्छेद यहां पर बताइए, घुड़दौड़ का सही संधिविच्छेद बताइए घुड़दौड़, चलिए घुड़दौड़ का यहां पर बताना है और घुड़दौड़ का जो संधिविच्छेद बनेगा क्या बनेगा तो यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा घोड़ा दौड़, क्या बनेगा घोड़ा दौड़ बनेगा। अब यहां पर देखो बड़ा आ है यहां पर आपका क्या है औ है, ये जो आपका रूल होता है बड़ा के साथ औ हो वो आपको मिलेगा किसमें आपके वृद्धि संधि में मिलेगा तो ये जो आपका है ये आपके वृद्धि संधि का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि महोदय का संधि विच्छेद, अभी क्वेश्चन आपका आया था महोदय, हमने बताया था कि ओ की मात्रा हो और जहां ओ की मात्रा हो वहां गुण संधि है तो ये तो पहचान आपकी हो गई ये गुण संधि है तो सही जवाब क्या हो जाएगा 42 का, 42 का जवाब हो जाएगा महाधन उदय, महाधन उदय क्योंकि ये तो हट जाएगा तो बनेगा आपका क्या महाधन उदय, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तन्मय का सही संधि विच्छेद बताइए, तन्मय
तन्मय, ना को हटाइए अदाता लगाइए तत्धनमय बनेगा। 43 को ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा, तत्धनमय ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत आप कर लीजिएगा, यकीन करिएगा कि संविच्छेद में दिक्कत नहीं होगी। एक बार अपने हिसाब से अपने मन से किताब को उठाइए, थोड़ा सा देखिए, उसके रूल पढ़ लीजिए, फिर से इसको टेस्ट लगाइएगा। टेस्ट लगाने के बाद फिर से एक टेस्ट लगाइए, यकीन करिए आप एक बार में पूरे के पूरे संविच्छेद रट जाएंगे। चलिए एक बार वीडियो लाइक करिए भाई, इतने लोग जुड़ने के बाद अगर वीडियो लाइक नहीं करते हो तो हमारा फिर मनोबल डाउन हो जाता है। चलिए उदाहरण का संधिविच्छेद बताइए। उदाहरण का संधिविच्छेद तो बनेगा क्या, उत्धन धारण, धाका परिवर्तन ता में, और ये बनेगा उत्धन धारण, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, उत्धन हरण। ठीक है, उद्धन हरण हो जाएगा। ठीक है, उद्धन हरण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तेजोमय का संधिविच्छेद बताइए। तेजोमय ओ की मात्रा हटाइए और यहां पर विसर्ग लगाइए, सीधा सीधा आपका आंसर बन गया। ठीक है, ओके। तो यहां पर बच्चों को डाउट यह हुआ कि सर ने बताया ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा होती है गुण संधि में। अब इसको पहले तोड़ो, तोड़ोगे कैसे इसको, क्या तोड़ोगे इसको, तेजोधनमय लिखोगे, तेजोधनमय लिखोगे तो ओ धन मा, ओ धन आ, ये कहीं आपको रूल मिलता है, ये रूल आपको स्वर संधि में नहीं मिलेगा। जब रूल में ये स्वर संधि में नहीं मिलेगा तो ये आपको विसर्ग में मिलेगा। इस प्रकार से बनेगा आपका क्या, तेजाधनमय बनेगा। ये समझ में आ गया ना। चलिए राकेश का सही संधिविच्छेद बताइए। राकेश, राकेश का संधिविच्छेद बनेगा राका धन ईस, तोड़ने में क्या बनेगा, राका धन ईस। अब राका धन ईस है अर्थात यहां पर एक ही मात्रा है, और जब एक ही मात्रा होगी तो क्या होगी दोस्तों, गुण संधि होगी। तो यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। अब आपको यहां पर संधिविच्छेद थोड़ी सी आपको सरल जरूर लगी होगी। चलिए निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। निरोग, याद रखिए निरोग जो निरोग होता है, याद रखिए निरोग इसी प्रकार से लिखते हैं। बहुत लोग निरोग लिख देते हैं, निरोग छोटी नी लगा देते हैं, वो गलत होता है, शुद्ध यही होता है। और नी को हटाइए यहां पर, ठीक है, बनेगा निधन रोग, निधन रोग बनेगा इस प्रकार से, नि विसर्ग धन रोग, ये आपका विसर्ग संधि है, ऑप्शन आपके यहां पर सी हो जाएगा। ठीक है, निर्जन में प्रयुक्त संधि बताइए। निर्जन का जवाब आपको देना है यहां पर। निर्जन रा लगा हुआ है, रा लगा हुआ है, रा को हटाइए, यहां पर लिखिए नि विसर्ग लिखिए, और यहां पर जन हो जाएगा। तो बन गया ये विसर्ग संधि, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वातानुकूल का सही संधिविच्छेद बताइए। वातानुकूल का सही संधिविच्छेद 49 नंबर, तो वातानुकूल ये बनेगा आपका कौन सा, वातानुकूल ए नंबर, ए नंबर आपका हो जाएगा वात धनानुकूल। तो यहां पर छोटा और छोटा बराबर बड़ा, तो बनेगा वातानुकूल। ठीक है, यहां पर छोटा और यहां छोटा दोनों को मिलाएंगे बड़ा, तो ये जो रूल होता है छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, ये आपको होता है दीर्घ संधि में। ठीक है, वैसे भी छोटा प्लस छोटा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा दीर्घ हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मास्त्र का सही संधिविच्छेद बताइए। ब्रह्मास्त्र का सही संधिविच्छेद, ब्रह्मास्त्र ब्रह्माधन अस्त्र क्या बनेगा, ब्रह्माधन अस्त्र, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहां पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उच्चावास का सही संधिविच्छेद क्या होगा। उच्चावास का संधिविच्छेद 51 का जवाब यहां पर आपका हो जाएगा उत्धन श्वास। यहां पर देखिए छा के पहले चा है, तो यहां पर हटाया और ता लिखेंगे और बन जाएगा ये एक रूल। ये भी होता है कि इस छा को हटाइए और सा आपका लिख जाता है, बन जाता है, रूल होता है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, रूल होते हैं आपके। प्रत्युत्तर का सही संधिविच्छेद बताइए। प्रत्युत्तर, और प्रत्युत्तर में आप देख सकते हैं कि या के आगे आधा ता है, इसका मतलब है कि यण संधि है। अब यण संधि का कुछ रूल होता है, यहां पर इसे तोड़ेंगे तो बनेगा आपका, बनेगा आपका देखिए यहां पर प्रतिधन उत्तर, छोटी ई धन आपका हो जाएगा छोटा उ, जो कि आपको कहां मिलेगा, यण संधि मिलेगा, ऑप्शन आपके यहां पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया यहां पर नमस्ते का सही संधिविच्छेद बताइए। नमस्ते का सही संधिविच्छेद, तो विसर्ग संधि में एक रूल होता है कि अगर ये सा मिल जाए तो इसे हटाकर विसर्ग लिख दीजिए, अगर ये सा मिल जाए तो इसे हटाकर विसर्ग लिख दीजिए, ये सा मिल जाए तो इसे हटाकर विसर्ग लिख दीजिए, रा लगा हुआ है तो इसे हटाकर विसर्ग लिख दीजिए। ये चार रूल तो आपको यहीं पर पता चल गया। तो यहां पर सा को हटाइए, विसर्ग लगाइए, प्लस करके यहां पर जोड़ दीजिए, यहां पर आपका बनेगा नमाधनते, नमाधनते बनेगा, सा को हटाइए, विसर्ग लिखिए, रूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संतोष का सही संधिविच्छेद बताइए। संतोष का सही संधिविच्छेद, संतोष यहां पर ये बिंदी है, समधनतोष बनेगा, 54 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, यहां पर 54 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सॉरी ए नंबर, समधनतोष बनेगा, समधनतोष हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आधा होगा ना इस कारण से। अगला क्वेश्चन दिया है कि उज्ज्वल का सही संधिविच्छेद। उज्ज्वल डबल जा है, जग एक हटेगा, ता एक रूल होता है, जगह तामे परिवर्तन, जगह तामे परिवर्तन, तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा, उत्धन ज्वल, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मजा आ रहा है सभी को, जरूर आएगा, बिल्कुल नया है तो थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन एक से दो बार देखेंगे और किताब का पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक आपको 100% है कि आप देख के पहचान कर लोगे। विश्वामित्र का सही संधिविच्छेद, विश्वामित्र का सही संधिविच्छेद, विश्वामित्र यहां पर होगा विश्वधन अमित्र, क्या होगा, विश्वधन अमित्र बनेगा। यहां पर देखो छोटा है, यहां पर आपका छोटा है, छोटा और छोटा मिलकर बनता है बड़ा, जो कि आपको होता है दीर्घ संधि में, तो ये आपका है दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है संगम का सही संधिविच्छेद बताइए। संगम का सही संधिविच्छेद, और संगम का होता है समधनगम, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है स्वागतम में प्रयुक्त संधि बताइए। स्वागतम, स्वागतम को यहां पर अगर इसे तोड़ेंगे बनेगा सुधन आगतम। ठीक है, स्वागतम है सुधन आगतम, अर्थात ये जो आपकी संधि है वो आपकी हो जाएगी यण संधि। वा में आधा की मात्रा, आधा है कि नहीं, वा के साथ आधा है तो यण संधि हो जाएगी। जो हमने बताया है या रा वा, इनमें अगर कोई भी आधा शब्द लगा हुआ है तो 100% वो आपकी यण संधि होगी। ये रट लीजिएगा, घोल कर। गुण संधि बताया था कि एक ही मात्रा और ओ की मात्रा अगर बीच में मिल जाए तो,
ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कुछ। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, भानुदय में प्रयुक्त संधि बताइए। अब यहां पर देखो बड़ा ऊ दिया है, बड़ा ऊ दिया है और बड़ा ऊ जो आपको मिलता है वो आपको कहां पर मिलता है, दीर्घ संधि मिलता है। कैसे, भानुदय कटोरोगे तो टूटेगा, क्या टूटेगा, बनेगा भानु धन उदय, भानु धन उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर बनेगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ वाला ये जो रूल होता है ये आपको होता है आपके किसमें, किसमें होता है आपके दीर्घ संधि में होता है। तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ संधि हो गया। बिल्कुल देखो ऐसा समझिए कि हमें भी नहीं आ रहा है, लेकिन रूल अगर थोड़ा पता है तो आपको आसानी से आने लगेंगे। अगला है सूर्योदय में प्रयुक्त संधि बताइए। चलिए इसका जवाब सभी लोग दीजिएगा, सूर्योदय, सूर्योदय कौन सी संधि है, बिल्कुल पहचान करिए, बिल्कुल से अलग से दिख रहा है। सूर्योदय ओ की मात्रा देखो लगा हुआ है, ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा होती है किसमें, आपकी गुण संधि में होती है। इसे अगर तोड़ते हैं तो बनेगा आपका सूर्य धन उदय, क्या बनेगा, सूर्य धन उदय बनेगा, ठीक है। ओ की मात्रा निकल आई और ओ की मात्रा होती है गुण संधि में, देखो बिल्कुल इजी ट्रिक्स है आपके लिए, बिल्कुल पहचान है, बिल्कुल पहचान कर सकते हैं। मरा आदमी होगा वो भी उठकर बता देगा कि नहीं कौन सी संधि है। चलो हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का बताइए, हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र में बनेगा हरि धन चंद्र, याद रखिए ये जो आपकी विसर्ग संधि है यहां पर ये वाला सा हट जाएगा, ठीक है, लिख जाएगा आपका हरि, विसर्ग लगेगा प्लस जुड़ेगा और आपका चंद बनेगा। तो इस प्रकार से यहां पर ये सा हटाइए, विसर्ग लगाइए और विसर्ग संधि बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम, उच्चारण और उच्चारण उत धन चारण, क्या बनेगा, उत धन चारण बनेगा, अर्थात यहां पर ये संधि आपकी बनेगी कौन सी, व्यंजन संधि, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग फास्ट होते हैं, उल्लेख का संविच्छेद बताइए, उल्लेख उत धन लेख, क्या बनेगा, उत धन लेख बनेगा, ये भी आपकी व्यंजन संधि है, ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अत्याचार का संधिविच्छेद, अत्याचार इसका जवाब आप दीजिए क्योंकि इसमें ट्रिक फॉलो हो रही है, और ट्रिक कौन सी फॉलो हो रही है, यण संधि वाली, अति धन आचार, यहां पर देख सकते हैं या के साथ आधा लगा हुआ है तो ये तो पता चलेगा कि यण संधि है, और इसे तोड़ते हैं तो आपका बन रहा है कौन सा, अति धन आचार अत्याचार, ठीक है, अति धन आचार अत्याचार, जो कि ऑप्शन आपको दिख रहा है कौन सा, डी नंबर, अति धन आचार, ओके। अगला है दिगंबर का सही संधिविच्छेद, दिगंबर गा का परिवर्तन का में हो जाता है, व्यंजन संधि में क्या एक रूल होता है कि का परिवर्तन गा में, यहां पर गा का परिवर्तन का में, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि उड्डयम का सही संधि विच्छेद, उड्डयनम, उड्डयनम का जो संधि विच्छेद हो जाएगा तो बनेगा क्या, यहां पर डबल डा है, देखिएगा डबल डा में एक डा हट जाएगा और तलगेगा तो उत धन डयनम, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, व्यंजन संधि। निर्विकार में संधि विच्छेद बताइए, निर्विकार, निर्विकार में भी आपको पहचान के लिए एक पॉइंट दे दिया गया है, इसमें क्या पॉइंट दिया है, यहां पर रा हटा दीजिए, ये जो रा हटा लगा है इसे हटाइए, विसर्ग लगेगा, नी धन विकार बनेगा, नी विसर्ग लिखिए, देखो नी विसर्ग बनेगा और विकार लिख जाएगा, अर्थात रा को हटाइए, विसर्ग लगाइए और विसर्ग संधि पहचान कर लीजिए, ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि बताइए, सत्याग्रह, सत्याग्रह में संधि आपकी क्या हो जाएगी, सत्य धन आग्रह, क्या बनेगा, सत्य धन आग्रह, और सत्य धन आग्रह जो होती है आपकी यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण का सही संधिविच्छेद, श्रवण का सही संधिविच्छेद पूछा गया आपसे, यहां पर श्रवण, श्रवण का सही संधिविच्छेद क्या बनता है, श्रवण का बनेगा यहां पर श्रोधन अन, श्रोधन अन बनेगा, श्रोधन अन बनेगा और औ प्लस आ, ये जो आपको देखने को मिलेगा ये आयादि संधि में मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है काव्योन का सही संधिविच्छेद बताइए, काव्योन, काव्योन 70 नंबर, एक ट्रिक फॉलो हो रही है, पहचान कर सकते हैं कि कौन सी संधि है, तो ये गुण संधि है काव्योन, और यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा काव्य धन उर्मी, काव्य धन उर्मी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह जो कि अभी हमने आपको बता भी दिया था, डी नंबर हो जाएगा सत्य धन आग्रह। अगला है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है कि दो वर्ण है, दो वर्णों के विकार से होने वाली जो होती है संधि, और दो शब्दों के होने वाले विकार से समास बनता है, शब्द अगर होगा तो समास और वर्ण होगा तो संधि। अगला क्वेश्चन दिया गया यहां पर संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं सभी लोग बताइए भाई। अब यहां पर ऑप्शन दिया है एक दो पांच चार, तो भैया एक दो पांच चार यहां पर संधि होती है तीन प्रकार की, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका गलत है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपका तीन दिया होना चाहिए था, या क्वेश्चन ये दिया होता कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि आपकी पांच प्रकार की होती है ना, तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसमें आपकी त्रुटि थी। अगला है दयानंद में प्रयुक्त संधि बताइए, दयानंद में प्रयुक्त संधि बताइए, दयानंद, और दयानंद अर्थात इसे तोड़ेंगे बनेगा दयाधन आनंद, दयाधन आनंद, अर्थात यहां पर सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, दीर्घ संधि है दयानंद, दयाधन आनंद, बड़ा आ और बड़ा आ बराबर बड़ा आ, जो कि आपको कौन बना है, दीर्घ बन रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया यहां पर कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, कपीस में प्रयुक्त संधि क्या हो जाएगी, 75 नंबर, कपीस, तो इसे अगर हम कपीस को तोड़ेंगे तो बनेगा कपि धन ईश, कपि धन ईश, अर्थात छोटी और बड़ी बराबर बड़ी, जो कि आपकी वृद्धि संधि होती है, यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन सॉरी आपकी दीर्घ संधि होती है, जो कि ऑप्शन आपका दिया गया है आपका कौन सा, आपका बी नंबर हो जाएगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपीस सॉरी हाँ दीर्घ संधि, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, सदैव, सदैव में संधि बताना है, सदा धन एव क्या बनता है, सदा धन एव बनता है, 76 का जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर सदैव में
देखो आय की मात्रा होती है, और आय की मात्रा जो आपको होती है वो वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि इसमें आपका दिया नहीं गया, इस प्रकार से गलती आपकी। ठीक है, समझ में आ गया ना कपीश वाला यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कहाँ थे हम लोग, सदैव। सदैव में यहाँ पर 76 नंबर देखिए, 76 नंबर में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखिए आपकी क्या होना चाहिए, वृद्धि संधि होना चाहिए, गलत आपका था। ठीक है, यहाँ पर सदैव है आय की मात्रा, और आय की मात्रा होती है वृद्धि संधि में, है ना। तो वृद्धि संधि यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई ऑप्शन में है नहीं है, तो यहाँ कह सकते हैं कि इसमें से जो ऑप्शन लिखा गया यहाँ पर कौन सा, बी, तो बी नहीं, यहाँ पर डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण, स्वर संधि, स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं, होते हैं पांच प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर जो आपका दिया है, डी नंबर पवन, पवन में आपकी कौन सी थी, आयादि संधि थी ना। मनोहर मत लगा देना कि ओ की मात्रा है, या बनेगा मनाह धनहरी, ये विसर्ग संधि है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, नहीं शब्द दिया है। वृद्धि शब्द में अभी हमने बताया था कि आय की मात्रा यहां पर दिया है, देखो और भी दिया है, कौन सी, देखो आय की मात्रा दिया है, औ की मात्रा और औ की मात्रा, लेकिन ए की मात्रा जो होती है वो किसमें होती है, ये गुणसंधि में होती है ना, तो सी नंबर ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला है कि महोष्ण का सही संविच्छेद, महोष्ण का सही संविच्छेद पूछा गया है, और महोष्ण का संविच्छेद महाधन उष्ण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आशीर्वाद का सही संविच्छेद, आशीर्वाद का सही संविच्छेद बताइए, आशीर्वाद, आशीर्वाद का जो संविच्छेद बनेगा वो आपका बनेगा क्या, आशीर्वाद, आशीर्वाद बनेगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि महेश का संविच्छेद, ए की मात्रा गुणसंधि, सीधा सीधा आप जल्दी से यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व करते हैं, महाधन इस महेश, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा आपका गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्मति का संविच्छेद, सन्मति, सन्मति का संविच्छेद बनेगा आपका क्या, सतधनमति बनेगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सतधनमति। अगला है अन्वय का सही संविच्छेद, अन्वय का सही संविच्छेद, तो अन्वय का सही संविच्छेद क्या बनेगा, अनुधनयय। तो अपवाद में क्या होता है, छोटी और आपका बड़ी, ये स्त्रीलिंग में होती हैं, अदर जो आपकी होती है वो क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग में होते हैं। तो थ्री का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो चलिए बताइएगा कौन सा ऐसा पुल्लिंग शब्द है जो कि स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना हुआ है फोर नंबर में। देखो यहाँ पर जैसे आपका भेड़ होता है, क्या होता है भेड़, तो यहाँ पर देखो भेड़ा हो गया, तो ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट आता है उनका लिंग क्या होता है। तो चलिए कोई भी अगर आपकी भाववाचक संज्ञा है और आपका हट आता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, यहां पर ऑप्शन बी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे क्या होता है, मान लो हमने बता दिया घबराहट, क्या घबराहट, घबराहट, तो आप क्या बोलोगे, घबराहट कैसी है, है ना, घबराहट कैसी है, अर्थात स्त्रीलिंग आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप हो जाता है, सिक्स नंबर में बताइएगा। तो देखो काला दिया है, तो काला का काली कर दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें से कौन सा लिंग होता है। अब स्त्री की बात किया है, तो आप लोग क्या बोलोगे, स्त्रीलिंग तो बोलोगे, और कुछ बोलोगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। अगर कोई आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द है और इसको अगर आपको बहुवचन बनाना है, तो आपको क्या करना है, लास्ट में क्या करेंगे, आपके अंत के स्वर में जो आपका ए जोड़ देते हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि तन शब्द का लिंग निर्धारण करना है, तन कैसा और कैसी, देखो दो ही आपके पॉइंट होते हैं, कैसा और कैसी, और कैसा तन कैसा है, तो आप क्या कहोगे, ये आपका पुल्लिंग आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, प्रभाव कैसा है, भाषा कैसी है, निर्माण कैसा है, और विवाह कैसा है। तो इसका मतलब है 10 क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां पर आपका बी नंबर, जो बी नंबर आपका है भाषा है। देखो हम आपको फिर से आज बता दे रहे हैं, क्योंकि काफी लोग पीटी में जुड़े हैं, तो हम आपके यहाँ पर ट्रिक यूज क्या की जाती है, कैसा और कैसी, क्या कैसा और दूसरा होता है कैसी, अगर कैसी से आंसर आता है तो आप लोग यहाँ पर स्त्रीलिंग कहेंगे, और अगर आपका कैसा से आंसर आता है तो पुल्लिंग। जैसे प्रभाव कैसा है, तो प्रभाव कैसा है यही तो बोलोगे, या प्रभाव कैसी है, अगर हम बोलते हैं कि प्रभाव कैसी, तो कहोगे सर कैसी नहीं बोलते, कैसा बोलते हैं, इसका मतलब कैसा से आंसर आ रहा है, तो आपका पुल्लिंग। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, घटना कैसी है, लज्जा कैसी है, प्रार्थना कैसी है, संकल्प कैसा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है 12 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है वर्षा कैसी है, है ना, या वर्षा हो रही है, है ना, विधुर और राग कैसी है, धीमा कैसी है। देखो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, विधुर, विधुर का जो प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर पुल्लिंग में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग, घटना कैसी है, क्षमा और रीति और आपका क्षेत्र कैसा है, इसका मतलब 13 ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, क्षेत्र जो आपका है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, लेख कैसा है, दुख कैसा है, स्पर्श कैसा है और गरिमा कैसी है, तो कैसी मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, झील कैसी है, मिल गया आंसर पहला ही, झील कैसी है, क्योंकि द्वीप कैसा है, देश कैसा है, नगर कैसा है, है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, कष्ट कैसा है, सेना कैसी है, क्षमा कैसा है और आशा। यहाँ पर देखो आपको पॉइंट मिल गया, कौन सा, कष्ट कैसा है, क्योंकि क्षमा कैसी है, क्षमा की जाए कि ना दिया जाए, इसे क्षमा करना है कि नहीं है, सेना कैसी, आशा कैसी है, मतलब
नंबर आपका हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस ये है कि आप शब्द का प्रयोग करना सीख जाए। शब्द का प्रयोग किस प्रकार से कहां पर करना है, इसका डिफाइन आप कहां कर लेते हैं। अगर ये सीख गए तो समझिए कि आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग सीख गए। चलिए, कह रहा है निम्न से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, आभार, माया, दया और आपकी भाषा। मतलब आपका जवाब क्या होगा 17 का, ये नंबर, मैं आपसे आभार प्रकट करता हूं, है ना, करती नहीं कम होता है, आभार होता है, आभार कैसा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, ग्रह कैसा है, पत्ता कैसा है, सभा कैसी है, चंदन कैसा है। मतलब 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, सभा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, रूप कैसा है, विवाद कैसा है, आय कैसी है, सार कैसा है। मतलब आय की जो आपकी कैसी है, तो आपका स्त्रीलिंग आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है, और पुल्लिंग शब्द यहां पर आपका कौन बन जाएगा, तो यहां पर आपसे कह रहा है क्या, ये आहार कैसा है, है ना, चाहत कैसी है, रंगत कैसी है, मेहनत कैसी है। मतलब यहां पर जो ए नंबर आपका है, ये आहार कैसा है, कैसा है, मतलब आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, भील का स्त्रीलिंग बताना है, भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भील का होता है भीलनी, कौन भीलनी, और कहां पर लिखा है, ऑप्शन सी नंबर आपका लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। चलिए 22 नंबर में, यहां पर स्त्रीलिंग, यहाँ पर कह रहा है सलाद कैसा है, सारस कैसा है, सलाम कैसा, लेकिन सनक कैसी है। बोलेंगे कैसे सनक है यार, है ना, सनके और सनक कैसी है, सनक कैसी है, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, कह रहा है तिल कैसा है, छाछ, टेसू और आपका काढ़ा। अभी ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर जो छाछ है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होता है, तो इसको नोट करिएगा, क्योंकि गलती यहीं पर आपसे हो सकती है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्त्रीलिंग आपका छाछ होता है। अगला कैसा आपका है पुल्लिंग शब्द आपका चयन करना है, वधू कैसी है, धावक कैसा है, है ना, धावक कैसा है और कैसा, मतलब आपका पुल्लिंग भी पूछा गया था, क्योंकि लेखिका और नायिका युक्त स्त्रीलिंग आपका हो ही जाएगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो तपस्विनी होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहे आपके यहाँ पर स्त्रीलिंग। अब हम लोग आते हैं जो आपके सम आपके होते हैं क्या, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। मतलब क्या होते हैं, सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ क्या होते हैं, इनके भिन्न भिन्न होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दिया है दिन और आपका दिन, चलिए बताइएगा। देखो यहाँ पर दिन मतलब होता है जो गरीब दुखिया होता है, और दिन मतलब होता है दिवस, तो ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो गया, क्लियर हो गया ना। चलिए अगला है युग्म शब्द की जोड़ी पूछा गया है, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही दी गई है, धारा और पृथ्वी, क्या दिया है, धारा और पृथ्वी दिया गया है, अच्छा, और न्याय और अन्याय है, मान और अपमान है, और आपका दिया है अचल और अचला। तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं श्रमश्रुति, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी वाले में जो आपका आ रहा है अचल और अचला, ये दोनों एक जैसे बोलने में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, अचल और अचला, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अली किसे बोलते हो बताइएगा, अली किसे बोलते हैं। वीडियो को लाइक भी करिएगा, जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक भी करिएगा, और आज का टॉपिक बेस्ट है क्योंकि आज के ही टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो चलिए अली मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है भौरा, और अली मतलब होता है सखी, तो कौन सा जवाब बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अभय और उभय, देखो अभय मतलब क्या होता है, उभय मतलब क्या होता है, उभय मतलब होता है कॉमन, है ना, क्या होता है, जो कॉमन होता है, या बोल सकते हैं दोनों, है ना, और अभय मतलब होता है जो निर्भय होता है, तो यहाँ पर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन डी नंबर आपका बन रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चीर और चीर का अर्थ क्या होता है, चीर मतलब होता है कपड़ा और चीर मतलब होता है क्या, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा 5 नंबर में, यहाँ पर जो अच्छा चीर मतलब होता है पुराना और चीर मतलब होता है कपड़ा, है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सही अर्थ वाला आपका युग्म कौन सा है, देखो यहाँ पर दिया है 6 वाले में, कह रहे हैं निर्जर और आपका यहाँ पर निर्झर, तो देखो निर्झर को हम कर सकते हैं लेकिन निर्जर मतलब सूर है तो आपका होगा नहीं, सर और सर यहाँ पर सर कह रहे हैं भला आदमी और यहाँ पर कह रहे बाण, तो सर मतलब यहाँ पर आदमी को थोड़ा बोलेंगे, कोई सर लगाने से भला इंसान थोड़ा हो जाता है ना, बहुत घटिया लोग के भी होते हैं। तो देखिए ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर आकार और आकार, यहाँ पर 6 नंबर में, यहाँ पर आकार मतलब होता है खान, है ना, और जो आकार होता है वो एक आकृति होती है, तो ऑप्शन सी नंबर राइट चला जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए काफी लोग यहाँ पर डी दे रहे हैं तो डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रुति सम युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो देखिएगा श्रम श्रुति शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली पूछा गया क्या है आपका, अब यहाँ पर भिन्न अर्थ दिया गया है, तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया क्या, किरण और रश्मि दिया गया है, अभिलाषा और इच्छा दिया गया है, राति और निशा, ये क्या दिए हैं, एक प्रकार के पर्यायवाची दिए हैं, लेकिन यहाँ पर कुल और कुल, है ना, कुल और कुल तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। कुल मतलब वंश होता है, कुल मतलब किनारा होता है, तो ये इसमें से आपका अलग अर्थ दे रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जोड़ी को पहचानना है, शाम दिया, संध्या दिया, दिन और दिवस दिया, अपेक्षा और उपेक्षा, मतलब यहाँ पर आपसे क्या बन जाएगा, तो 8 ऑप्शन सी नंबर, देखो बोलने देखने में एक जैसे लिखे हैं, अपेक्षा और उपेक्षा बिल्कुल एक है ना, किसी से अपेक्षा रख रहे हैं और किसी से उपेक्षा आपका हो गया, तो ऑप्शन सी नंबर इसका आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया अनिल और अनल का सही अर्थ आपको बताना है, बस इतना पढ़ लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा बस इतना पढ़ लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखिए अनिल किसे बोलते हैं और अनल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो चलिए 9 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर अनिल मतलब होता है वायु और अनल मतलब होता है आग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, इसको नोट करिए गलती ना होने पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है करें कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, तो यहाँ पर आदि का अंत होता है, दिया गया अभिनय करना
नाटक दिया है, अनुचर का नौकर दिया है, ये तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी भिन्नार्थक शब्द है, पर्यायवाची है। लेकिन अवधि और अवधि, अवधि मतलब क्या होता है, यहाँ पर समय होता है, लेकिन अवधि क्या होती है, भाषा होती है। तो यहाँ पर देखो बोलने में देखने में जो अगर हम बोलें तो आपको लगेगा सर बिल्कुल सही है, लेकिन अर्थ दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है सही अर्थ वाला आपको बताना है। यहाँ पर सही अर्थ वाला आपको नहीं है, कौन सा नहीं है, 11 नंबर में देखो। अली मतलब भंवरा, अली मतलब सखी, अनिल मतलब हवा, अलन मतलब आग, है ना। जलज और जलद, देखो जलज और जलद, द शब्द जहां होता है वहां पर बादल होता है, हमने बताया था कि बादल होता है। अब यहां पर समुद्र दिया है तो समुद्र वाला ऑप्शन आपका सी नंबर यहां पर गलत हो गया। क्लियर हो गया ना, क्लियर है, इतना आसान आपका दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अन्य और अन्य। बोलने में आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने बोला बिल्कुल आपको सही सुना दिया है, लेकिन फिर भी यहां पर देखा जाए क्या अंतर यहां पर दिया गया है। तो देखिएगा यहां पर अन्य मतलब होता है जो आप लोग अनाज खाते हैं, और अन्य मतलब होता है जो दूसरा होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है चीर और चीर के लिए सही आपको बताना है। चीर मतलब क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया था इस वीडियो में, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इस वीडियो में। ये क्वेश्चन हम आपको कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने अभी आपको बताया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दिया गया है शब्द युग्म के सही अर्थ आपको बताना है 14 नंबर में। चलिए देखो यहाँ पर दिया है समुद्र और कमल दिया है ना, बादल वाला समुद्र दिया गया है और जलज और कमल दिया गया है। यहाँ पर एक कमल और बादल क्या दिया है, कमल और आपका जो बादल है, यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा जो कि सही अर्थ आपको दे रहा है। यहाँ पर देखो कमल से समुद्र दिया है, यहाँ पर बादल और समुद्र दिया है, यहाँ पर जल और कमल दिया है ना, यहाँ पर क्या है कमल और जो आपका बादल दिए हैं, ये आपके यहाँ पर सेम हो जाएंगे इसमें से, क्योंकि इनके अर्थ में आपका आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सकल और सकल। सकल आप जानते हैं जो आपको दिख रही है सकल, मतलब ये सकल संपूर्ण वाला है, ये सकल वाला क्या है, अंश वाला है। याद रखिए इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग्म में से आदि का अर्थ होता है। आदि और व्याधि में कह रहा आदि का अर्थ क्या होता है, आदि का अर्थ जो होता है क्या होता है, ये होता है मानसिक जो कष्ट होता है, जो मानसिक कष्ट होता है उसे बोलते हैं आदि का। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही दी गई है। अब यहाँ पर जो आपका आठवां चैप्टर है, आठवां चैप्टर है आपका कौन सा, तो यहाँ पर सामान्य अशुद्धि है। तो चलिए इसको टॉपिक को सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद ये टॉपिक के बाद आपका ये टॉपिक खत्म ही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया सन्निधि, आप किसे कही करेंगे, यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शन दिया है डी वाला, ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, कौन सा, यहाँ पर ये वाला जो सन्निधि सही है, बिल्कुल राइट है। अगला दिया है निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है, यहाँ पर ज्योत्सना है, पुण्य दिया है, क्षमा दिया है और उन्नति दिया है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो ज्योत्सना दिया है वो आपका बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि यहाँ पर पुण्य होता है, क्षमा आप जानते कैसे लिखते हैं, उन्नति में आप लोग बताया कि यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ये शुद्ध वर्तनी आपको बताना है वाल्मीकि होता है या वाल्मीकि होता है, तो होता है वाल्मीकि, अब कौन सा हो जाएगा, तो वाल्मीकि, कौन सा वाल्मीकि, यहां पर देखिए ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा वाल्मीकि, यहां पर मी में जो मात्रा होगी बड़ी की होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहां पर कह रहा अशुद्ध छाटना है, यहां पर फोर नंबर दिया अशुद्ध छाटना है, यहां पर पूजनी सही दिया है, महीना सही दिया है, उपर्युक्त सही दिया है, लेकिन व्यंग जो दिया गलत दिया है, क्योंकि होता क्या है व्यंग आपका होता है। क्लियर हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द आपको पहचाना है, है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका सही शब्द आपका दिया है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है त्यौहार, और त्यौहार कौन सा सही बनेगा, यहाँ पर त्यौहार जो बनेगा फाइव नंबर में हो जाएगा, त्यौहार इस प्रकार से लिखते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर बनेगा, त्यौहार इस प्रकार से लिखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सही रूप आपको बताना है, साहित्य कैसे लिखते हैं, साहित्य कैसे लिखते हैं, यहाँ पर बताइएगा साहित्य कौन सा हो जाएगा सिक्स नंबर में। देखो बड़ा सा होना चाहिए और बड़ा सा दो आपके दिए, एक ये दिया एक ये दिया है, लेकिन सही दिया है कौन सा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कर आपसे दुष्चरित्र, और दुष्चरित्र को किस प्रकार से सही लिखेंगे, दुष्चरित्र को किस प्रकार से सही लिखेंगे, यहाँ पर सेवन का जवाब देना है और ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर, इस प्रकार से दुष्चरित्र सही लिखा जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी नंबर, क्योंकि जो सा होता है इस प्रकार से होता है, लेकिन याद रखिएगा कि उसमें भी ये जो आपकी होती है डंडा ही आपका नहीं लगा होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है रासायनिक किस प्रकार से लिखते हैं यहां पर आपसे पूछा गया है, और बताइएगा रासायनिक होता है क्या, रासायनिक होता है कौन सा, ये वाला होता है, रासायनिक होता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सही वर्तनी बताना है कौतूहल, कौतूहल तो देखो एक है आपके पास दिया गया है जिसमें ता में मात्रा है बड़ाऊ की, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा आपसे यहां पर सही वर्तनी आपको देना है, अब यहां पर जो आपका सही बनेगा कौन सा बनेगा। पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए ऊपर लिखित आपको 10 नंबर में दीजिएगा, 10 नंबर में ऊपर लिखित कौन सा हो जाएगा, चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं 10 नंबर में, यहां पर ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर, ऊपर लिखित इस प्रकार से लिखिएगा, किस प्रकार से, बी वाला सही दिया गया है, ऊपर लिखित इस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर ही नहीं करेंगे जो आप लोग ऊपर ही कर रहे हो, यहां पर बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा आपसे यहां पर जो दिया गया है शुद्ध रूप आपको कौन सा है 11 नंबर में, देखो दिया गया तदामत्य, तदात्म जो दिया है तदात्म, ए नंबर ही आपका सही होगा, कौन सा ए नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा, एक नंबर नोट कर लीजिए आपका तदात्मय जो आपका होगा ये आपका इस प्रकार से सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहे अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है, अशुद्ध कौन सा हो जाएगा 12 नंबर में,
चलिए 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दिया गया है चरमोत्कर्ष सही दिया है, वाड़मय सही दिया है, पुनरुत्थान भी सही दिया है, लेकिन यहाँ पर दिया गया हिरण्यकशिपु, तो यहाँ पर मात्रा क्या होती है, सी में मात्रा होता है हिरण्यकशिपु होता है ना, तो इसका मतलब ये वाला जो आपका दर था ये गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है 13 नंबर में। अब देखिएगा यहाँ पर वाड़मय तो सही दिया गया था, उत्कर्ष सही दिया है, वैमनस्य सही दिया है, अब दिया है मिथिलेश कुमारी। अब मिथिलेश कुमारी में दिक्कत क्या है, तो याद रखिए मिथिलेश मतलब जो था है उसमें एक छोटी की मात्रा होती है, थी में जो मात्रा होती छोटी की मात्रा होती तब सही होता है, तो हो जाएगा मिथिलेश कुमारी, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक की वर्तनी आपकी शुद्ध है, बताइए कौन सी वर्तनी शुद्ध है, उन्नयन जो लिखा जाएगा किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, उन्नयन किस प्रकार से, याद रखिएगा 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्नयन इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, राइट आंसर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है एक ही वर्तनी आपकी शुद्ध है, देखो निरोग दिया गया है ना 15 नंबर में, देखो निरोग होता है मतलब यहाँ पर ना में जो मात्रा होती बड़ी बड़ी ई की होती निरोग होता है, यहाँ पर दिया गया क्या अछौहड़ी, बिल्कुल सही है, यहाँ पर बी नंबर आपका जो जवाब है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, अछौहड़ी जो दिया है ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बड़ा जल्ला है ना वो नहीं होना चाहिए, और राजमहल होता है, इसका मतलब ये गलत है ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यार एक ही वर्तनी आपकी शुद्ध है 16 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर दिया है अनापेक्षिक, तो देखो अनपेक्षिक होता है मतलब नाप की मात्रा नहीं होना चाहिए है ना, यहाँ पर षट दर्शन दिया है, षट दर्शन दिया है, पर्यावसान ऑप्शन बी वाला जो दिया गया है यहाँ पर 16 नंबर में, 16 नंबर में जो दिया गया है कह रहा आपसे क्या, तो आपका पर्यावसान जो आपका दिया है आपका सही नंबर दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो दिया गया है षष्ट दर्शन होते हैं, क्या होते हैं षष्ट दर्शन आपके होते हैं, षष्ट दर्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पर होता है क्लिष्ट, क्या होता है क्लिष्ट होता है, यहाँ पर मात्रा जो आएगा वो आपका क्लिष्ट हो जाता है, क्लिष्ट नहीं होता है क्लिष्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है एक ही वर्तनी आपकी शुद्ध है, और वर्तनी शुद्ध कौन सी है, तो चलिए यहां पर 17 का जवाब देना है, यहां पर दिया है निशब्द है ना, ये तो गलत हो गया। जा माता होता है मतलब जा में बड़ा की मात्रा होता है, तो जा माता होता है। आविष्कार जो दिया है वो आपका बिल्कुल सही दिया है, कौन सा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कवित्री, अभी बताइए कवित्री किस प्रकार से सही लिखते हैं, यहाँ पर 18 नंबर में, तो कवित्री ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, कवित्री इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। और हिरण्यकशिप किस प्रकार से लिखेंगे, अभी अभी हमने आपको बताया कि हिरण्यकशिप जो लिखा जाता है किस प्रकार से लिखते हैं, चलिए यहाँ पर 19 का जवाब लॉक किया जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो अब लास्ट में बताया कि जो सा होता है, सा में क्या करते हैं मात्रा लगी होती है, तो हिरण्यकशिप बनता है, कौन सा, इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। और अगर और उनकी रचना है जो कि आपके सिलेबस में आपका दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं कि आप लोग कितनी तैयारी किए हैं आपके हिंदी साहित्य में। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है। चलिए पहले का जवाब देना है कि गोरा बादल की कथा किसके द्वारा आपका रचित किया गया है। मन में उत्साह होना जरूरी है, चाहे पैसा हो चाहे ना हो, ज्ञान हो चाहे ना हो, लेकिन उत्साह है तो सब कुछ है, ताकि दूसरा देखने वाला भी परेशान हो जाए ये उत्साहित क्यों है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ जवाब दीजिएगा कि गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है, यहां पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, जटमल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जटमल के द्वारा आपका यहां पर रचित है। और याद रखिएगा गोरा बादल चित्तौड़ है ना, गोरा बादल चित्तौड़ मेवाड़ के महान योद्धा थे, गोरा बादल दोनों चाचा भतीजे थे, जलौन के चौहान वंश से इनका संबंध था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। तो चलिए इसका भी जवाब देना है, नए लोगों को यहाँ पर वेलकम है, अभिनंदन है, ठीक है, और पुराने लोगों को और भी ज्यादा अभिनंदन है ना। तो चलिए बताइएगा 2 का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया नागार्जुन को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किस भाषा में, तो आपकी मैथिली भाषा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका जवाब राइट यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1968 में हिंदी मैथिली रचना पत्रहीन नग्न छा के लिए, क्या, पत्रहीन नग्न छा के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिया है, नहीं तो एक एक क्वेश्चन ले लेते और आपको यहाँ पर आंसर टिक करने में या किसी की स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होती है, इसलिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर 3 का जवाब आ रहा है, यहाँ पर आपका नरपतनाल कुछ लोग जवाब दे रहे हैं जगनिक, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी आपकी जगनिक के द्वारा, किसके द्वारा, ये जगनिक की कृति है, और इसे और कौन सा नाम से जानते हैं भाई ये बताइए, हम नहीं बताएंगे, बताइए कि यहाँ पर परमाल रासो को और किस नाम से जाना जाता है, परमाल रासो को और किस नाम से जाना जाता है, देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कौन कौन दे सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर बताया है कि परमाल रासो का एक अन्य नाम क्या है। तो चलिए यहाँ पर आपका पॉइंट आपका आ गया आहला खंड, क्या, वेरी गुड, जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका आहला खंड, तो देखते हैं इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर डी आपका हो जाएगा, और इसे आहला खंड के नाम से भी जाना जाता है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आपके हाई स्कूल से लेके इंटर तक देश के हर कोने कोने क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आहला खंड के नाम से जाना जाता है, तो चलिए क्वेश्चन जो हमने पूछा वही क्वेश्चन यहाँ पर देखो आ चुका है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ गया है सी नंबर, परमाल रासो आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
कि आदिकाल की रचना है, यहाँ पर बताइएगा कि आदिकाल की कौन सी रचना है, आदिकाल की कौन सी रचना है। तो चलिए प्यारे प्यारे कमेंट को हम देखते हैं और निगेटिव कमेंट को हम इग्नोर कर देते हैं, उनको नहीं देखते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग करिएगा कि निगेटिव कमेंट को आप लोग इग्नोर करते रहेगा, ठीक है। चलिए चलिए बताइए आदिकाल की रचना कौन सी है, फाइव का जवाब दीजिएगा। तो फाइव का ऑप्शन क्या बन जाएगा, खुमार रासो। क्या ऑप्शन बनेगा, डी आपकी खुमार रासो या आपके आदिकाल की रचना है। और इसके रचनाकार कौन थे, इसके रचनाकार है आपके दलपति विजय थे, ठीक है। क्या थे, दलपति विजय थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं आगे दुनिया कैसी है, बीजक किसकी रचना है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, इजी क्वेश्चन है कि बीजक किसकी रचना है सिक्स नंबर में। तो चलिए बताइएगा बीजक किसकी रचना है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी आपके कबीर दास की है। तो जवाब आपका सी हो जाएगा, कबीर दास की है। और देखा जाए तो बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है, संग्रह मतलब ये होता है इसमें और भी आपकी रचनाएं होंगी जैसे साखी, सवद, रमैनी, ये इसी की आपके क्या है, तो संग्रह है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, विनय पत्रिका किस भाषा की है। चलिए बताइएगा विनय पत्रिका की भाषा जो है वो आपकी कौन सी है। चलिए अवधि है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, या यहाँ पर आपका अभ्रंश दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा। तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका ब्रजभाषा, मतलब आपने बिल्कुल सही चुना है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रजभाषा है। विनय पत्रिका कैसी है, आपकी ब्रजभाषा की है ना, जो कि आपकी किसके द्वारा है, तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित है आपकी, है जो आपकी ब्रजभाषा में है ना। इसमें स्वामी की सेवा में करुणा तने शब्दों में अपनी दीनता का एक भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जयसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है। देख सकते हैं जयसी ने रचित किया है पद्मावत, ये पद्मावत है क्या, तो हमने आपको बताया है, ऐसा नहीं कि पहली बार आप पढ़ रहे हैं, बहुत बार पढ़े हैं हमने, हिंदी के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रखा है, और हिंदी के लिए हमने बताया भी बेस्ट चैनल है, हर प्रकार की क्लासें आपको दी जा रही है। तो यहां पर आपका हो जाएगा समासोक्ति, है ना, ये जयसी द्वारा रचित पद्मावत है, ये क्या है, तो आपका समासोक्ति है, ठीक है, क्या है, समासोक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो चलिए यहां पर देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं आपका जवाब यहां पर आ रहा है ऑप्शन बी। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपके अवधी भाषा में लिखा गया है, कैसा, आपकी अवधी भाषा में लिखा गया है, और इसकी रचना मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा की गई थी, आपके 1540 ईस्वी में की गई थी, और अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सिंह तथा सिंघल की राजकुमारी पद्मावती की विवाह एवं विवाह के बाद के जीवन का चित्रण आपको इसी में मिलेगा, आपके पद्मावत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराज की उपाधि दी थी। चलिए शाहजहां ने किस कवि को महाकवि की पदवी दी थी, यहां पर 10 का जवाब देना है। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सुंदर, है ना, कवि सुंदर को दिया, इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। सुंदर कौन थे, तो सुंदर ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। उन्हें शाहजहां ने पहले कविराज की और बाद में महाकविराज की पदवी भी दिया था। इन्होंने सुंदर श्रृंगार नामक रचना भी की थी। तो देखिए यहां पर क्या है, इन्होंने सुंदर श्रृंगार नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ भी लिखा है, और कवि सुंदर संत कवित सुंदरदास से भिन्न आपके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मृगावती किसकी रचना है। चलिए मृगावती जो रचना है वो किसकी है, चलिए क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा, उस्मान, मंझन, कुतुबन और आपकी जयसी। ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, यहां पर आपका सी हो जाएगा कुतुबन, इसका जवाब राइट हो जाएगा, कुतुबन हो जाएगा, ठीक है ना, कुतुबन आपका जवाब राइट हो जाएगा। और इसकी रचना 909 हिजरी संवत में आपकी हुई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, और ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। हमने बता दिया है कि हर एक एग्जाम में हिंदी साहित्य होता है, टीजीटी पीजीटी का लेवल अलग होता है, यूपीडब्ल्यूएससी का लेवल अलग होता है। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यूपीडब्ल्यूएससी के बेहतरीन से बेहतरीन चुने हुए आपके चुनिंदा आपके क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन की रिवीजन जरूर करिएगा। तो चलिए यहां पर आपका 12 नंबर में आ रहा है, ऑप्शन आ गया है डी आपके यामा। अच्छा बताइए यामा जो रचना है किसकी है, चलिए बताइएगा यामा जो रचना है वो किसकी रचना है, जवाब दीजिएगा। तो महादेवी वर्मा, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा डी, यामा आपके तुलसीदास की नहीं है, ये महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की देखा जाए तो कुछ आपकी चार और भी आपके हैं, निहार, नीरजा, रश्मि और संदिग्ध, ये आपकी इनमें से संकलित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भक्तमाल के रचनाकार इनमें से कौन है, भक्तमाल की रचना आपसे पूछा गया है, भक्तमाल की जो रचना किया है वो किसने किया है। चलिए 13 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर भक्तमाल नाभादास, क्या भक्तमाल नाभादास ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका जवाब हो जाएगा। और याद रखिए भक्तकालीन कवियों में इनका जो स्थान है वो अग्रदास के शिष्य के रूप में आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन दिया है बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी क्यों प्रसिद्ध हुए थे, गागर में सागर भर दिया था, है ना, गागर में सागर भर दिया मतलब 713 दोहों का संग्रह इन्होंने किया था, इनकी जो एक अमर कृति है ना बिहारी सत्सई, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, दोहा है इनके, बिहारी जो प्रसिद्ध दोहे के लिए हैं और इनकी जो आपकी कृति है वो आपकी बिहारी सत्सई है, जिनमें 713 दोहों का संग्रह मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से खंड काव्य है, यहां पर देखो एक खंड काव्य होता है ना, एक महाकाव्य होता है, तो यहां पर पूछा है खंड काव्य इनमें से कौन है, तो खंड काव्य की बात करते हैं, तो यहां पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, यहां पर आपका जवाब
चलिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर और आपका डी नंबर, जबकि आपके सामने अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न से बताइए इसमें से कामायनी महाकाव्य, साकेत महाकाव्य, ये तो होता है कामायनी महाकाव्य, साकेत महाकाव्य, ये तो होते हैं पद्मावत महाकाव्य, तो ये तीनों तो महाकाव्य में आते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा 15 में ए नंबर। ये जो आपका पंचवटी है ये एक खंड काव्य है। हम आपको अच्छे तरीके से बतानेंगे किसी दिन कि खंड काव्य कौन कौन होते हैं, महाकाव्य कौन कौन से होते हैं। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मैथिली शरणगुप्त की यशोधरा जो आपकी है या आपकी है क्या, यशोधरा आपका है क्या, यशोधरा क्या है, ये पद्य काव्य है या चंपू काव्य है या कविता है या गद्य काव्य है, क्या है आपका? तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ये आपका चंपू काव्य है। हमने आपको हिंदी साहित्य की क्लास में बताया था कि यशोधरा जो आपका है ये एक चंपू काव्य है। अब चंपू काव्य मतलब क्या होता है, जिसमें से गद्य और पद्य का मिश्रण हो उसे चंपू काव्य कहा जाता है, जो उसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है उसे चंपू महाकाव्य कहा जाता है। याद रखिएगा चंपू कहा जाता है, है ना, और हिंदी में मैथिली शरणगुप्त की रचना यशोधरा को चंपू काव्य माना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, दुर्घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, मतलब गलती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो चलिए यहां पर बताइए वैदेही वनवास 17 नंबर में। चलिए बहुत ही प्यारे प्यारे स्टूडेंट जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, उनका वेलकम है, इस चैनल पर जुड़े रहिएगा और ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। माता पिता का नाम रोशन करिए, अपने पड़ोसी को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा भी दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वैदेही वनवास किसकी रचना है, यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनके और भी आपके यहाँ पर रचना है जिनका संग्रह आपको देखने को मिल रहा है कि चौखे चौपदे, सुबते चौबदे, रस कलश, प्रेम प्रपंच, कर्मवीर, है ना, और ये आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर ब्यास सम्मान प्रदान किया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी साहित्य में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर क्लास में आप कह सकते हैं हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य की कंप्लीट वीडियो आपकी पड़ी है, हिंदी साहित्य कंप्लीट रूप से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आ रहा है, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर ब्यास सम्मान मिला था, तो ये मिला था विश्रामपुर संत के लिए। ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका, डी हो जाएगा विश्रामपुर का संत। ये क्या है, इनका उपन्यास है। कब मिला था, तो आपके 1999 में ये मिला था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए ये साहित्यकार को वर्ष 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए आग की हंसी के लिए किसे, तो आपको 19 को ऑप्शन सी हो जाएगा रामदर्श मिश्र को। क्या ऑप्शन सी हो जाएगा रामदर्श मिश्र को आग की हंसी की काव्य संग्रह के लिए 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर देखो दिया गया है 2016 में, है ना, देखो आग की हंसी के लिए 2016 में, 2015 में यहाँ पर कह सकते हैं 2016 में यहाँ पर नासिर शर्मा आपके परिजात के लिए मिला था ना, और 2017 में रमेश कुंतल मे को मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यार जयद्रथ वध किसकी रचना है, जयद्रथ वध जो रचना है वो किसकी रचना है, चलिए जयद्रथ वध रचना है किसकी रचना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके प्रैक्टिस सेट में हो चाहे एग्जाम में हो। चलिए 20 नंबर का ऑप्शन आ रहा है बी आपके मैथिली शरणगुप्त, इसका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। चलिए सर ग्राफ की क्लास, चलिए कमेंट हमने देख लिया है, लेकिन जो नए हैं तो आपको बता दें कि कॉपी पेस्ट करने वालों का जवाब हम नहीं देते हैं, है ना, इसे अच्छा होगा कि क्लास के आप बाद में यहाँ पर रहिए। और हमने बता दिया ग्राफ की क्लास भी दीजिए, तो भाई डेली क्लासें आपकी होती हैं, आप देखिएगा टाइम टेबल आपका फिक्स है, आपको नहीं मिल पा रही है क्लास क्योंकि नोटिफिकेशन की समस्या है, तो नोटिफिकेशन की समस्या की वजह से आप प्लेलिस्ट का उपयोग करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में हम अपडेट कर देते हैं, है ना। कॉपी पेस्ट करने से नहीं होता है, हम आपके एक भी कमेंट का जवाब तुरंत देख लेते हैं, एक अगर आप कमेंट करते हो तो हम आपके कमेंट को देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट को नहीं देते हैं, हाँ उस कमेंट को इग्नोर करते हैं जो बेकार का है, है ना, लेकिन जो आपके लाभ का होगा उसका जवाब हम देते हैं, ठीक है। तो आप परेशान रहिए, निश्चिंत रहिए, पूरा आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो मैथ की क्लास है आपकी 7 बजे, ठीक है, मैथ की क्लास 7 बजे दी जा रही है, जिस पर आपको ग्राफ के भी होंगे और पाई चार्ट के भी हैं, और साथ में यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो अदर टॉपिक हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। कोई भी समस्या हुआ करे तो क्लास की लास्ट में आप जमकर पूछा करें, जितना हो सके उतना हमसे पूछा करें, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर आते हैं जयद्रथ वध में, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका वध हो चुका है, यहाँ पर ऑप्शन बी मैथिली शरणगुप्त की है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। क्या होता है ना कभी कभी सुर ताल और लय क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्या सुर ताल और लय होते हैं पढ़ाते समय टूट जाते हैं, है ना, तो भी क्या होता है बीच में अड़चन पैदा हो जाती है, ठीक है। चलिए बताइएगा यहां पर क्वेश्चन दिया है भारत भारती के रचनाकार कौन है, भारत भारती के जो रचनाकार है वो आपके कौन है, यहाँ पर 21 का जवाब देना है और कुछ लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर आपका ए नंबर मैथिली शरणगुप्त, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, मैथिली शरणगुप्त आपका जवाब ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। भारत भारती जो कि 1912-13 में लिखी गई मैथिली शरणगुप्त की क्या है काव्य कृति है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जूही की कली, हाँ एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि की जो उपाधि दिया था किसने दिया था,
एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दिया था, किसने दिया था, तो आपके महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, जूही की कली कविता के जो कवि हैं वो आपके कौन है, जूही की कली कविता के जो कवि हैं वो आपके इनमें से कौन हो जाएंगे। 22 नंबर का जवाब यहाँ पर आ चुका है और हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। ऑप्शन ए आपका निराला है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और इनकी और भी कविताएं हैं जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, जैसे कुकुरमुत्ता किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ना। राम की शक्ति पूजा आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और सरोज स्मृति भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है हिंदी साहित्य का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे हिंदी साहित्य के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सलाका पुरस्कार, दुनिया पुरस्कार, हिंदी के जो भी पुरस्कार हैं सब आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यहां पर 23 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा जवाब, डॉक्टर रामविलास शर्मा आपका जवाब हो जाएगा और दिया कब गया था, 1986 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ वो आपका कब हुआ था, बताइएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ वो आपके कब से हुआ। 24 का जवाब देना है 24 नंबर में, तो चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है 24 में, यहाँ पर आपका 54 नंबर है ना, मतलब कह सकते हैं क्या यहाँ पर आपका ए नंबर 1954। अब देखिएगा यहाँ पर 1954 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका प्रथम साहित्य पुरस्कार जो दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था 1955 में और हिम तरंगड़ी के लिए यहाँ पर मिला था, किस लिए, हिम तरंगड़ी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, चलिए बताइएगा अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर आपका जवाब है सी, कितनी नावों में कितनी बार, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका सी हो जाएगा और इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपके अज्ञेय जी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कर्णप्रिया के रचनाकार इनमें से कौन है, कर्णप्रिया के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे 26 नंबर में, तो कर्णप्रिया के रचनाकार आपका जवाब आ रहा है यहां पर आपका बी नंबर, मतलब आपका जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती, मतलब धर्मवीर भारती है इनको कवि कर्णप्रिया आपके रचनाकार है। याद रखिए इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे आपका क्या होता है आपका कह रहे हैं इनकी रचना है जैसे अंधा युग हो गया है ना, सूरज का सातवां घोड़ा हो गया है ना, ठंडा लोहा हो गया, ठीक है ना, सात गीत वर्ष और देशांतर, ठीक है, तो एक सूरज का सातवां घोड़ा भी इनकी रचना जो बहुत बार पूछी गई है। आगे बढ़कर देखते हैं दुनिया कैसी है, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम बताइए। चलिए अब 27 नंबर थोड़ा सा कठिन आपको हो सकता है, अब आपको कठिन नहीं लगना चाहिए, क्यों, यहां पर आपके सामने दिया गया है मधुशाला और मधुशाला से ही क्या हुए थे ये प्रसिद्ध हुए थे, तो कभी कभी तुक्का मारा करें है ना, जैसे बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, बोला जाता है कि आप बाहर जाइए चाट बतासे टिक्की वगैरह मत खाइए, इससे पेट डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इनको खा लेने से स्वाद बदल जाने से आपके सेहत में पाचन क्रिया वगैरह थोड़ा सही हो जाती है कभी कभी, लेकिन डेली खाएंगे तो फिर क्या होगा जठर है ना, समझ रहे हैं ना। तो फिर यहां पर देखिए प्रकाशन वर्ष दिया मधुशाला, तो तुक्का मार भी लिया करें, यहां पर मधुशाला जो आपकी है ये सबसे पहले इनकी आई थी 1935 में, ठीक है ना, फिर इसके बाद मधुबाला आई 1936 में, मधुकला आई 1937 में और निशा निमंत्रण आई थी 1938 में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आप देखो स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां पर लिखा है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं तुलसीदास के रचनाकार कौन है, चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, यहां पर 28 का जवाब दीजिएगा, सही जवाब इसका क्या बन सकता है, तुलसीदास के रचनाकार इनमें से कौन से हैं, जवाब देना है। चलिए हम पिज्जा बहुत खाते हैं तो चलिए खाइए और मजे करिए, चलिए खाते रहिए लेकिन पढ़ाई पर फोकस करते रहिए, हम नहीं खाते हैं भाई, किसी का कमेंट आया उसको बोल रहे हैं, ठीक है ना, हम कमेंट नहीं, हम नहीं पिज्जा खाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, किसी का कमेंट आया था उसको पढ़ रहे हैं, जो आप लोग सोचो हम पिज्जा खाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए कह रहा है तुलसीदास के रचनाकार कौन है, तो 28 का ऑप्शन बन जाएगा डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसको ऑप्शन बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ आपकी रचनाएं जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, संध्या काकली, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, ठीक है, नैपत्य, अर्चना, आराधना, गीत पुंज और आपके तुलसीदास, तो याद रखिए तुलसीदास आपको कंफ्यूज कर सकता था है ना, तो यहां पर ऑप्शन क्या बन जाएगा डी, क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, चलिए जल्दी से बखाइए इसका मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा आपसे निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है, कौन सी दिनकर की रचना नहीं है, यहाँ पर 29 का जवाब देना है, तो चलिए 29 का ऑप्शन लॉक करते हैं, यहाँ पर उर्वशी है, कुरुक्षेत्र भी है, रसमृति है, लेकिन मृगनयनी नहीं है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा सी नंबर मृगनयनी, ये दिनकर की रचना नहीं है, याद रखिएगा, क्लियर इतना पॉइंट, ठीक है ना। वृंदालाल वर्मा की है, क्या ये जो मृगनयनी है ये वृंदावनलाल वर्मा की एक औपन्यासिक कृति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा यहाँ पर हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है, क्या हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह दिया गया है, तो चलिए 30 नंबर को लॉक करिएगा और 30 का ऑप्शन बनेगा अज्ञेय जी का है, किसका है आपके अज्ञेय जी का है, 30 का ऑप्शन आपका ए आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन दिया गया है उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है, यहां पर जवाब दीजिए उर्वशी किसकी रचना है,
तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 31 नंबर में 31 का ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की, किसकी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन क्या बन जाएगा बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। इनकी रचनाओं में कुरुक्षेत्र, रसमृति, हारे को हरिनाम, ये इनकी प्रमुख आपकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यामा किसकी रचना है, यामा किसकी रचना है, चलिए जवाब दीजिए यामा किसकी रचना है। तो आप सभी को पता होगा यामा है किसकी, महादेव वर्मा की, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। यामा देख सकते हैं एक पॉइंट पूछा जाता है कि यामा के लिए इनको एक पुरस्कार मिला था जो कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा कि महादेव वर्मा को यामा जो मिला था यामा के लिए कौन सा पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब, तो 1982 में मिला था, याद रखिएगा। निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगी इनकी कविताओं का संग्रह है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से सही जोड़ा आपको चुनना है, यहाँ पर सही जोड़ा कौन सा हो जाएगा, जयशंकर साथ दिया यामा, महादेवी वर्मा ययाति दिया है, नासिला शर्मा दिया है त्रिया हट और सुमित्रा नंदपन दिया चिदंबरा, मतलब आपका जवाब कौन सा हो जाएगा डी नंबर, यहां पर जो चिदंबरा है ये आपकी सुमित्रा नंदपन का है, ऑप्शन यहां पर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है उर्वशी, रेणुका, रसमृति और आपका स्वर्ण धूलि, चलिए 34 का जवाब दीजिए, 34 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो 34 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा आपका, यहाँ पर रामधारी सिंह रचना नहीं है कौन, तो ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर डी, देखो जो आपका दिया है स्वर्ण धूलि, क्या 34 का ऑप्शन जो बना है यहाँ पर आपका डी स्वर्ण धूलि, ये सुमित्रा नंदन की रचना है, किसकी है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, तो इसका स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा है ये किस कवि का काव्य संग्रह है, तो चलिए 35 का ऑप्शन लॉक करना है, 35 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका बन जाएगा बी, ये आपके गजानन माधव मुक्ति बोध का काव्य संग्रह है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस और आपका भूल गलती, ये इनकी आपकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है, इनमें से बताइए किसे पद्मश्री दिया गया है, किसे पद्मश्री दिया गया है यहाँ पर बताइएगा, तो पद्मश्री प्राप्त करने वाली ये कथाकार है, क्या कथाकार है महादेव वर्मा, ऑप्शन बनेगा बी महादेव वर्मा इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, चलिए बताइएगा कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत को किस साहित्य पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया 37 नंबर में, तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, लेकिन कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर, तो इसका राइट आंसर बनेगा डी, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना, और इन्हें प्रगत का सुकुमार कवि कहा जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा ये बताइए सुमित्रा नंदन पंत जो आपके हैं ये आपके बताइए क्या है, ये आपके लेडीज हैं या जेंट्स है, बताइए ये लेडीज हैं या जेंट्स है, बताइए जल्दी से बताइए सुमित्रा नंदन पंत जो आपके हैं ये लेडीज हैं या जेंट्स हैं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बताइए हमें जवाब दीजिए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, चले कह रहे हैं जेंट्स हैं, अच्छा अरे पंत हैं पुल्लिंग है, पुल्लिंग है मतलब पुल्लिंग है, अच्छा बॉय है, मतलब सभी को पता है कि ये, कुछ लोगों को नहीं पता, देखो लड़की आ गया जवाब है ना, लड़की नहीं है ये लड़का है, मतलब आपके जेंट्स है याद रखेगा, ठीक है ना, ये पुल्लिंग है, चलिए फीमेल है ये आपके मेल है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखो इन्हें प्रगति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगला है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक क्या है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ लिया करो है ना, चलिए बताइएगा यहाँ पर 38 नंबर का जवाब सही क्या हो जाएगा, तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर अज्ञेय हो जाएगा, क्या अज्ञेय हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि होली किस उपन्यास का पात्र है, होली किस उपन्यास का पात्र है आपसे पूछा गया है, चलिए भाई होली खेल लेते हैं, यहाँ पर होली किस उपन्यास का पात्र है, तो ये है आपके गोदान का, किसका है गोदान का है, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है आपका गोदान, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अगला है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन, का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा नंबर आपका परीक्षा गुरु हो जाएगा, क्या परीक्षा गुरु हो जाएगा, जो कि किसके द्वारा है, तो श्री जो आपके कौन लाला श्रीनिवास दास है ना, तो देखिए इसका राइट आंसर जो आपका है वो आपका ये नंबर है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा कृत है ये उपन्यास है परीक्षा गुरु हो जाएगा, और ये प्रथम मौलिक उपन्यास है, याद रखिएगा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, और इसका प्रकाशन 1882 में आपका हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है, यहां पर जवाब देना है, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा ज्यादा से ज्यादा, यहां पर पुराने जो हमारे पढ़े हुए पार्ट उनको भी देखते रहिएगा, ठीक है, लाइक शेयर ना भूलिए। चलिए यहां पर जवाब आ गया 41 नंबर में, यहां पर लॉक कर दे रहे हैं, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, आपके काशीनाथ सिंह की है, किसकी है, तो आपके काशीनाथ सिंह की है, ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा, और इसी उपन्यास के लिए इन्हें 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपके रेहन पर रघु के लिए आपके काशीनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, तो आपके 2011 में दिया गया, ठीक है ना, और काशी भी इन्हीं की है, ठीक है। अगला दिया गया है गोदान द्वारा लिखा गया है, मतलब गोदान किसके द्वारा लिखा गया है,
चलिए, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है यहाँ पर 42 नंबर में, तो 42 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका आ रहा है ए नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, और लेकिन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा बी, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन का आते हैं, हाँ देखिए इनके कुछ ऐसे उपन्यास रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, गबन और मंगलसूत्र। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास जो अधूरा है, तो याद रखिए मंगलसूत्र था जो अधूरा रहा है लेकिन इसे पूरा किया है किसने, तो इनके पुत्र ने पूरा किया है, याद रखिएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है, यहां पर दिया है झूठा सच के लेखक कौन है, चलिए छान लो झूठा सच के लेखक कौन है यहां पर, चलिए यशपाल, कबीर, विश्वप्रभाकर या मैथिली शरणगुप्त, तो चलिए यहां पर यशपाल आ रहा है और आंसर यहां पर लॉक कर देते हैं, यशपाल आपका जवाब बिल्कुल से लॉक हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है, ठीकरे का मंगनी उपन्यास किसने लिखा है, 44 का जवाब देना है, 44 का ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा, चलिए यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नासिरा शर्मा, किसने लिखा है, तो ये उपन्यास है आपकी नासिरा शर्मा का है, ऑप्शन बी इसका जवाब राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और भी उपन्यास है जैसे सात नदियां एक समंदर, ठीक है ना, जिंदा मुहर है, ये इन्हीं की आपकी क्या है, तो आपकी उपन्यास है। अगला है सेवा सदन किसकी रचना है, सेवा सदन किसकी रचना है, सेवा सदन, तो चलिए 45 का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर आपका सी प्रेमचंद है ना, बिल्कुल जी है, प्रेमचंद का उपन्यास है आपका यहाँ पर कौन, तो सेवा सदन हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि मिलजुल मन किसकी रचना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए बताइएगा मिलजुल मन किसकी रचना है, यहाँ पर आपका जवाब भी आ चुका है, कह रहे ममता कालिया, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं मृदुला गर्ग, तो चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या बनेगा, चलिए तो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है डी नंबर मृदुला गर्ग, देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, मृदुला गर्ग का है याद रखिएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं 8 उपन्यास में एक आपके हैं, और भी उपन्यास में देख सकते हैं आपके दिए भी गए हैं आप साथ में, ठीक है। अगला दिया है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है, राजी सेठ की, शिवानी की, कृष्णा शोभती या अमृता प्रीतम की, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा राजी सेठ का, किसका है, तो निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है, तो आपके राजी सेठ की है, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, ये क्या है, तो आपका उपन्यास है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर अगर पूछे लिफाफा, क्या लिफाफा, खाली लिफाफा है ना, तो ये खाली लिफाफा भी राजी सेठ का है। अगला दिया गया है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, चलिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन हो जाएगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा डी नंबर, परीक्षा गुरु हो जाएगा, जो कि आपके लाला श्रीनिवास दास के द्वारा ये आपका है, ठीक है ना, 1982 को यहाँ पर हुआ था। और अगला क्वेश्चन दिया है जिंदगी नामा के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, जिंदगी नामा के लेखक, जिंदगी नामा के लेखक पूछा गया है, और यहाँ पर भी काफी स्पीड में जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, और काफी अच्छी स्पीड है, काफी अच्छी तैयारी है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा शोभती, क्या कृष्णा शोभती इसका राइट आंसर बनेगा, कृष्णा शोभती इसका जवाब हो जाएगा। कृष्णा शोभती से अगर पूछा जाए तो यहाँ पर सूरजमुखी अंधेरे में है ना, मित्रों मरजानी, ये इनके आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है, भोर का तारा एकांकी के यहाँ पर बताना है लेखक कौन है, चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, 50 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका बी, आपके जगदीश चंद माथुर हैं, ऑप्शन क्या बनेगा बी, जगदीश चंद माथुर इसके लेखक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। इनकी और भी कृतियाँ हैं, देखिए यहाँ पर जो चीज़ हम बता रहे हैं कि कौन पूछी जा सकती हैं, जगदीश चंद माथुर की मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर खिड़की, घोंसले, कबूरता खाना भाषणा है ना, ये सब आपके हैं, ऑप्शन बनेगा बी। अगला है अंधेर नगरी नाटक की रचयिता कौन है, अंधेर नगरी नाटक की रचयिता जो हैं वो आपके कौन हो जाएंगे, तो चलिए यहाँ पर 51 नंबर में आपका जवाब क्या हो जाएगा सी भारतेंदु हरिश्चंद, क्या ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद इसका जवाब राइट हो जाएगा। इनके और भी नाटक आपको याद होंगे, आपने पढ़ा होगा कर्पूर मंजरी, भारत जननी, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती और भारत दुर्दशा, ठीक है। अगला है चंद्रगुप्त नाटक की रचयिता कौन है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता इनमें से कौन हो जाएंगे, चलिए चंद्रगुप्त आपका दिया है और काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, चलिए बहुत ही स्पीड में है और आपका जवाब बिल्कुल सही है, जयशंकरप्रसाद, क्या जयशंकरप्रसाद आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है, इस पॉइंट में क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि वर्ष 1931 में रचित नाटक जयशंकरप्रसाद का प्रमुख नाटक है, इसमें क्या है विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय संबंधित विषय वस्तु का उल्लेख है इसमें, तो आपकी चंद्रगुप्त में आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कछुआ धर्म और मारिश मोय कुठाओ किसकी रचना है, कछुआ धर्म और मारिश मोय कुठाओ किसकी रचना है, यहाँ पर ऑप्शन देना है 53 नंबर में, तो 53 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी, आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, किसकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, ऑप्शन बनेगा बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अगला दिया है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, चलिए यहाँ पर 54 नंबर में, तो 54 का जवाब आप लोग सभी को पता है, चिंतामणि रामचंद शुक्ल, चिंतामणि रामचंद शुक्ल ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी रचना है, ये क्वेश्चन आपका इस समय बहुत ही आपके हाईलाइट में है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है, चलिए 55 का जवाब देना है
और 55 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपके प्रभा खेतान की है, किसकी है, प्रभा खेतान की, आईएमपी है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसका जो प्रकाशन हुआ था ये आपके 2007 में हुआ था। अपने जीवन के अनछुए पहलुओं को उजागर करने वाली आत्मकथा अन्या से अनन्या है ना लेकर सौम्य और सलीन प्रभा खेतान ने शाही जगत को चौंका दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन है, भाषा योग विशिष्ट के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका आ रहा है यहाँ पर 56 नंबर में सी, ये है आपके राम प्रसाद निरंजनी। याद रखिए भाषा युग विशिष्ट के लेखक हैं आपके राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, क्या सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। ये आपके 1768 संवत में लिखा गया था, ठीक है, और इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया, बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बोला गया है, बताया गया है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि भाषा युग वशिष्ठ को रामचंद्र शुक्ल है ना, रामचंद्र शुक्ल खड़ी बोली में लिखा गया, बहुत ही साफ सुथरा ग्रंथ बताते हैं, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली की पहली रचना, खड़ी बोली की पहली रचना इनमें से कौन सी है। चलिए 57 नंबर में यहां पर बताइएगा कि खड़ी बोली की पहली रचना इनमें से कौन सी है, प्रेम सागर है, नासकीतोपाख्यान, ढोला मारू या दूल्हा या आसी। तो याद रखिएगा नासकीतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है ना। याद रखिएगा कि आपके केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक से खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 में जटमल कृत गोला बादल की कथा उल्लेख किया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन कौन सा बनेगा, आपका बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। संशोधित कुंजी के साथ आपका किया है, कुछ लोग जवाब यहाँ पर ये देते हैं लेकिन आयोग ने इसका विकल्प बी दिया है। याद रखिएगा कि प्रारंभिक कुंजी में इसको ए दिया गया था पहली बार को, लेकिन अब संशोधन करके इसका बी राइट किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है ना। दोनों साथ में नहीं आते हैं, आज दोनों साथ में आ गए हैं, जब दोनों साथ में ना हो तो आप प्रेम सागर लगा लीजिएगा, आंसर आपका माने हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। दोनों आते हैं तो किसमें लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आयोग भी होता है ना, वो भी चाहता है कि नहीं चलो एक क्वेश्चन मिलेगा और उसको क्या करेंगे ये लोग संशोधन करेंगे, 100 रुपए देंगे, तो इनको ये लोग भी कहीं ना कहीं राजनीति खेला करते हैं, है ना, बच्चों के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्य किस लेखक की रचना है। चलिए बताइएगा कि ना भूतो ना भविष्य किस लेखक की रचना है 58 नंबर में। तो 58 का जवाब क्या बन जाएगा, यहां पर ऑप्शन आ रहा है आपका जवाब यहां पर आ गया है आपका ए नंबर, ये है आपकी, देखो दिया है ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है, तो आपके नरेंद्र कोहली की है, किसकी है, नरेंद्र कोहली की है, नरेंद्र कोहली। और इस उपन्यास के लिए उन्हें बिड़ला फाउंडेशन ने 22वां व्यास सम्मान 2012 में दिया था, 22वां व्यास सम्मान 2012 में नरेंद्र कोहली को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रेम सागर किसकी रचना है, प्रेम सागर किसकी रचना है आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, लल्लू लाल, है ना, प्रेम सागर लल्लू लाल है। और याद रखिएगा 21 भाषा में तो ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, इसमें से ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर माधवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला, महावीर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला, यहां पर 60 का जवाब देना है। चलिए 60 का जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा को मिला था 1982 में, कब 1982 मिला था, याद रखिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे व्यास पुरस्कार से सम्मानित तो उपन्यास न भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है, तो अभी अभी आपने पढ़ा है, जस्ट अभी अभी आपने पढ़ा है कि जो रचना है आपकी किसकी है, नरेंद्र कोहली की है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला दिया है, भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया, भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए प्रदान किया गया। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीष्म साहनी आपके तमस के लिए, किसके तमस के लिए दिया गया था 1975 में, याद रखिएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये सब क्वेश्चन आप रट लीजिएगा अच्छी तरीके से। चलिए बताइएगा रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यहाँ पर 63 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी, संस्कृत के चार अध्याय के लिए, क्या संस्कृत के चार अध्याय के लिए 1959 में, 1959 में ये आपका मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो चलिए यहाँ पर 64 नंबर आपसे पूछा गया है। और याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का पहला पुरस्कार इन्हें ही दिया गया था, मतलब प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में, ऑप्शन बनेगा सी, हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी के लिए अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिए गए वो कितने दिए गए, तो देखो आपको मैक्सिमम लगा देना है ना, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है मैक्सिमम आप लगा दीजिएगा, क्योंकि 12वां 13वां तो हमने आपको करंट अफेयर में पढ़ा भी दिया है, ठीक है ना, क्लियर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर कि इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता इनमें से कौन नहीं है, तो देखिए नरेश मेहता, कुंवर नारायण और दिनकर हैं आपके, लेकिन कमलेश्वर इसमें से नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका नहीं दिया गया है ना।
इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और ये दिया गया था कितने पाकिस्तान के लिए, क्या इन्हें दिया गया था कितने पाकिस्तान के लिए, जो कि बहुत ही आईएमपी है, कितने पाकिस्तान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था कमलेश्वर को, ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर नरेश मेहता की बात करते हैं, तो नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 92 में, ठीक है, 1992 में, और कुमार नारायण को मिला था 2005 में, और यहाँ पर दिनकर जो मिला था आपकी 72 में, 1972 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यार आपसे यहाँ पर प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन बनेगा ए व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान दिया गया था, यहाँ पर याद रखिएगा व्यास सम्मान, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो आपका रहा व्यास सम्मान, है ना, जो कि आपके भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैनेन्द्र कृत उपन्यास मुक्तिबोध को 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, याद रहेगा ये सब पॉइंट। चलिए सॉरी, यहाँ पर व्यास सम्मान लगा दिया था क्या, देखो यहाँ पर जो आपका है भारत शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार है, इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर, मतलब यहाँ पर जो प्रेम में भगवान के लिए दिया गया था वो भारत शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, ये दिया गया था। वहां पर जो दिया गया है कौन सा, ये आपका मुक्तिबोध के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नोट करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए, अगले क्वेश्चन में कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया, तो 68 का जवाब क्या बनेगा, यहां पर आपका बनेगा ए नंबर सुमित्रा नंदन पंत, क्या सुमित्रा नंदन पंत, यहां पर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, यहां पर आपका जवाब देना है, और आपका जवाब हो जाएगा राम विलास शर्मा, क्या राम विलास शर्मा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखो दिया गया है राम विलास शर्मा निराला की साहित्य साधना 1970, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 में, भवानी सिंह को बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में, हजैब सद्वेदी को आलोक पर्व के लिए 1973 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो चलिए।